हेलो एवरीवन, सो क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो कैसे हैं सारे लोग। तो यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है 292 लोगों ने। तो जो भी स्ट्रीम पे आए हैं सबका स्वागत है। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो कैसे हैं सारे लोग। तो जो भी आए हैं सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक जिसने अभी तक नहीं किया हुआ, और अगर है कोई भी चैनल पर नया तो सारे मिलकर कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं भी क्रिश हूँ, तुम भी क्रिश हो, हम सारे क्रिश हैं। क्रिश आज बीमार है क्योंकि क्रिश का गला गया हुआ है, क्रिश को बुखार है। आवाज़ से पता लग ही रहा है लोगों को, टेक्सचर मेरा थोड़ा सा टोन चेंज हुआ पड़ा है। और हमारे गेमिंग पार्टनर है एसुस, आरओजी, इंटेल एंड गेमिंग मॉन्क। तो जो भी आए हैं सबका स्वागत है। आज मचने वाला है तहलका, और आज मैं गेम खेल लेने वाला, आज मैं गेम देखने वाला हूँ आप लोगों को, मैं देखने वाला हूँ। एमुलेटर अलाउड? नो ब्रो, मैंने टाइटल में पहले मेंशन कर लिया ताकि एमुलेटर वाले ज्वाइन ना करें। ये होने वाला है ओनली सोलो मोबाइल कस्टम रूम, इसमें सिर्फ मोबाइल वाले लोग ही खेल सकेंगे। अगर कोई एमुलेटर वाला इसे ज्वाइन करेगा उसे मैं करूँगा क्या करूँगा, किक करूँगा, सिंपल, बस किक करेंगे भैया और क्या। तो सबका स्वागत है। हेलो कृष्णा, क्या हाल चाल है। हेलो अवेश अशर, हेलो मुकेश, हेलो क्या हाल चाल है। हेलो आयुष, यूनिक, रुद्र, सैमी, एकजोत, अतुल, अली हसन, ऐश कौर, अभी ठक्कर, अमनप्रीत, यो तुझे मैंने डिफेंड किया था, तू जैसे आएगा हटा दूंगा डिफेंड। निकेश पटेल, तुशांत, मैं वधिया, बस वधिया, अभी तो वधिया बोलने का वधिया है, वैसे वधिया हूँ नहीं मैं अभी। हेलो क्षितिज, शाउट आउट ऐसी नॉर्मल ले लो, शाउट आउट टू क्षितिज शर्मा। हेलो नरेंद्र, क्या हाल चाल है। हेलो अमित, हेलो अमित कुमार, श्रेयांश, माइकल जॉर्डन, ओ माय गॉड, बड़े बड़े लोग, गगन नारंग, अमनप्रीत, मुझे पता ही नहीं। अच्छा तू आया था, मैं गाना गा रहा था, मैं नहीं चाहता था कोई गाना सुन ले, तो मैं तुझे सर्वर डिफेंड दे दिया इसीलिए। बैटरॉक्स, हेलो रमन सिंह, हेलो पाजी, क्या हाल है, बस यार कट रही है जिंदगी भैया। हेलो मारियो, हेलो रुद्र, हेलो विदूर, पूनम, अरमान, प्रिंस, हंटर,
हेलो तेगवीर, क्या हाल चाल है? हेलो नीलेश, रोशन, अमन, गैरी, हरी, गौरव, ए टू जी, राम, यश, करण, प्रमोद, शाह, सागर, रमेश, शाबाज, हेलो पॉप मास्टर, पॉपिंग मास्टर या पॉपर मैं पढ़ नहीं पाया, पर जो भी थे मास्टर थे तो मुझे इतना मालूम है। हेलो समीर, क्या हाल चाल है? हेलो बिलू, हेलो विशाल, अभिषेक, अमित, इरफान, वंश, राज, प्रदीप, रोहित, शुभम, स्वर्ण सिंह, केसी, हिमांशु, रेणु, भाव्या, बसंत, ऋषि सिंह, अभिजीत, मनोज, सत्यम, नीरज, दीपांश, दीप्ति, मोनिश, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया, तुम बताओ? हेलो प्रवीण, डॉली, अनिल, रॉन्टी, नीरू, लव, समीना, पारस, क्या हाल चाल है? हेलो, तो पारस की तरफ से रिसीव हुआ है 20 रुपीज़ का पेटीएम, तो आज का पहला पेटीएम है पारस के नाम, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो ऋषभ भाई, क्या हाल चाल है? पॉपर मास्टर, अरे वाह नाइस। हेलो मनिंदर सिंह, अमर, पूनम, नितिश, गेमिंग विद आहद, गेमिंग पूल, टेक्निकल, जयजीत, ऋषभ, टेक्नो सिंह, श्रेय, पीयूष, नीरज, गुरप्रीत, मोहित गेमिंग, आकाश, गेमर अमन, फाइटर गेमिंग, चंदन, राघव, जो भी आ रहे सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश कुमार 20 रुपीज सुपर चैट के लिए, तो आज का पहला सुपर चैट है आकाश कुमार के नाम, तो 424 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो भी आए हैं सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। कृपया करके कर दीजिए वीडियो को लाइक जिसने अभी तक नहीं किया हुआ, और अगर है कोई भी चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। अपना सब गोल तो करीब है ही, पर यार 450 लोग देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 200-250 ही हैं, ओके अब 300 हुआ, 400 करो रे, ये 400 कर लेगा रे। चल गेम में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी गेम आ चुकी है पबजी मोबाइल, और मैं हूँ बाहुबली, बस बाहुबली आज देखेगा, बाहुबली आज देखेगा, सबको देखेगा बाहुबली आज। चलो आ जाओ कस्टम में, आ जाओ भैया, मैं तो खेल ही नहीं रहा, मैं तो देखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश कुमार 20 रुपीज सुपर चैट के लिए, लेटेस्ट ऑडियो चालू किया मैं, ओके नाइस नाइस, सब कुल बहुत करीब है, सारे मिलकर सब्सक्राइब करो। अब मोबाइल कस्टम रूम हो रहा है, पासवर्ड का कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे, जो चैनल के मेंबर है उनको मिलेगा, डिस्कॉर्ड में मेंबर ओनली का, जो स्पॉन्सर ओनली का चैनल है वहाँ मिलेगा, बाकी लोगों को कैसे मिलेगा, वो मिलेगा इंस्टाग्राम पे। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे तो मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है रमन चोपड़ा 7, और आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आपको आईडी और पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ मिलेगा इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। और जब भी मैं रूम क्रिएट करूँगा, चैट मेंबर ओनली मोड पे जाएगी, जब 100 लोग ज्वाइन हो जाएंगे मेंबर ओनली मोड चैट से हट जाएगा, ताकि कोई पासवर्ड लीक ना करे। और इंस्टाग्राम पे जाके सिर्फ आईडी पासवर्ड नहीं लेना, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो भी करना है, तो फॉलो भी करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, समझ में आएगा, आएगा समझ में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदित, 30 रुपीज पेटीएम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरदित। ओके तो चलिए अब हम बना देते हैं थोड़ा अतरंगी सतरंगी कस्टम रूम। तो पहला एयर एंगल लगाते हैं, क्योंकि एयर एंगल सब लोगों के पास होता है, इसीलिए एयर एंगल लगाना चाहिए हमें, और क्योंकि मीरा मार लोगों के पास होता नहीं, सैनक होता है पर सांप बन जाते सारे, तो एयर एंगल लगाएंगे हम, और विकेंडी का मालूम नहीं, देखेंगे, मैं नहीं चाहता कोई किक हो, तो बेटर है एयर एंगल लगाते हैं। चलो कस्टम रूम क्रिएट किया जाए फ्रेंड, और मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे जाके मुझे उसका ये हटाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बार बार जब यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं बार बार नहीं आऊँगा, ऐसे आऊँगा, समझ में आया क्या? एक मिनट, ये कौन है, डेफिनेस को हटाओ, और ये आई एम बैक बॉयज कौन आ गया ऑडियो में, एक मिनट प्रोफाइल चेक करो कौन है ये, अरे मुकेश है ये, क्या मुकेश, नाम चेंज, ऐसा क्या, ओके तो चलिए क्रिएट रूम कर लेते हैं, और बनेगा सोलो, और ओनली मोबाइल लोगों के लिए है, ठीक है। फर्स्ट एरेंगल, हाँ मैं वैसे एरेंगल लगाने वाला हूँ ऋषभ, क्योंकि कोई किक ना हो इसीलिए, और जो मेरे में चैनल के मेंबर एडेड हैं उनको मैं मैन्युअली इनवाइट यहीं से दे दूंगा, लाइक ऋषभ है, क्षितिज अगर है क्लैन में, अगर हो तुम लोग तो मैं इन्वाइट दे दूंगा, और ओनली मोबाइल वाले लोग हैं, कृपया करके कोई एमुलेटर वाला ज्वाइन नहीं करेगा, ओके मुझे ये तो हाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये दिखेगा, ओके क्या लिखूं,
डू 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 और इतना लंबा पासवर्ड नहीं दे सकते। अच्छा मैं तो कहानी लिख दिया था। ओके रूम क्रिएट हो चुका है। ओके अनलिमिटेड है, इसको डिलीट मारो, इसको डिलीट मारो। मैं एक्चुअल में जो करना चाहता हूँ वो हुआ नहीं। एक मिनट, पहले यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाके आज मैंने एक कोपचा लगाया छोटा सा। ये मैं कौन कौन ज्वाइन हो रहे हम देख पाएंगे और आईडी पासवर्ड लीक नहीं होएगा इससे। ये लगा के आया, मैं स्टिकर लगा के आया आज। चलो अब यहाँ आते हैं, अब बनाएंगे वापस से बनाएंगे भाई। क्रिएट रूम। ओके ओके रूम क्रिएट हो चुका है। हाँ हो चुका है। मैं चला जाता हूँ स्पेक्टेट में और यहाँ पे अब मैं स्क्रीन चेंज कर सकता हूँ, है ना। ओ ये आईडी पासवर्ड छुप चुका है। इसको मैं कर लेता हूँ सबको लॉक। चलो जी बढ़िया। इनवाइट फ्रेंड में देख लेते हैं कौन कौन है मोबाइल वाले। यहाँ पे अमनप्रीत, मुकेश, स्वराज, खौफ, नाक, ऋषभ, अमे, अरे किसको चला गया अभी, एमुलेटर वाला ना होएगा तो किक कर लूँगा, कोई नहीं दिक्कत कोड़ी। क्लान में कोई मोबाइल वाला? ओके ओके भेज दो सबको इनवाइट, भेज दो। कोई एमुलेटर वाला दिखा? और ये जिसको गलती से गया इनवाइट, बाय। ओके बाय द वे जन्मदिन मुबारक हो स्वराज, अगर तुम स्ट्रीम देख रहे हो। मुझे जस्ट पता चला फोटो मीम्स में देख के तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने खुद ही बोला आज मेरा जन्मदिन है, तो जन्मदिन मुबारक हो स्वराज, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए क्षितिज, यश, शुभ नहीं आएगा ये लोग, बस सारे लोग आए हुए हैं और इनवाइट क्यों जा रहे हैं फिर ये क्या ताता था ही ये। ओके चल ठीक है, आई होप पासवर्ड शेयर नहीं हो रहा। ओके अभी स्टिकर चिपका हुआ है, थूक लगा के लगाया चिपका है, कभी भी वो स्टिकर गिर सकता है नीचे, तो थोड़ा डर रहता है भाई आईडी पासवर्ड किसी को दिख ना जाए। तो अब मैं चैनल के मेंबर जो हैं स्पॉन्सर ओनली में भी लिख के दे देता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मेरे में सारे लोग एडेड नहीं है इसीलिए। और जब भी आईडी क्रिएट किया जाएगा थोड़ा बहुत टाइम लगेगा तो थोड़ा समझ लेना। ओके चैनल मेंबर को दे चुका हूं मैं आईडी पासवर्ड डिस्कॉर्ड के सर्वर में। अगर कोई भी चैनल का मेंबर है और डिस्कॉर्ड के सर्वर में नहीं है तो ज्वाइन कर लो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर आपको यूट्यूब का आईडी लिंक करना पड़ेगा डिस्कॉर्ड से, तो ही आपको प्राइवेट का एक्सेस मिलेगा और स्पॉन्सर ओनली को देखने का मौका मिलेगा। समझ में आया क्या? चलो जी अब ये जो स्टिकर है वो गिर ना जाए भाई, थूक लगा के चिपकाया है क्योंकि फेविक्विक थी नहीं मेरे पास। तो अब मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पे। इनवाइट, अरे मैं किया था इनवाइट, तुम नहीं आए। ओके इनवाइट, इनवाइट अमनप्रीत भी नहीं आया, भेजा इनवाइट। वाह दोनों आ गए ना, इस अला जादू। चलो अब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आईडी पासवर्ड देने लगा हूँ, जो खेलना चाहता है आ जाओ। पाजी टी शर्ट ब्लीचिंग क्या बात कर रहे हो? और कभी कभी हो जाता है, दोपहर में होता है, सनलाइट आती है, येलो और ग्रीन चीज निकल जाती है, पर कोई नहीं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, तब तक मैं चैट को पहले मेंबर ओनली मोड करूँगा, करने के बाद में मैं शेयर करता हूँ, नहीं तो पता क्या होएगा, पहले मैं डाल दूंगा लोग पहले आके चैट में स्पैम कर देंगे। ओके ओके मेंबर ओनली मोड चालू किया जाए। ओके और जो भी चैनल का लॉयल मेंबर बनना चाहता है ज्वाइन का बटन दबा के लॉयल मेंबर बन जाइए, मचाने लाइफ आए, और रिश्ते में तुम तुम्हारे भाई लगते हैं, नाम है रमन चोपड़ा, ज्वाइन का बटन दबाइए आए। चलिए मेंबर ओनली मोड हो चुका है और मैं जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम का आईडी आपके सामने दिख रहा है, आईडी है रमन चोपड़ा 7। फॉलो कर लीजिए मेरे को, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, और मैं आईडी पासवर्ड शेयर करने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम की स्टोरी पर। ओके टाइप टाइप आईडी, आईडी है क्या ये आईडी, अरे ये रहा,
ओके, आईडी और पासवर्ड इंस्टाग्राम की स्टोरी पे शेयर हो चुका है, तो आ जाइए, आ जाइए। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे शेयर हो चुका है आईडी पासवर्ड, ज्वाइन कर लीजिए, कर लीजिए। उससे पहले आप ज्वाइन ना कर पाए, जल्दी से चाहिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे और आ जाइए गेम में। ओके, लोग आने चालू हो गए हैं, लोग आने चालू हो चुके हैं। लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया कि नहीं किया, कर लो। अगर नहीं किया तो यार कर लो, यार कर लो यार। वाह क्या स्पीड है, आई लाइक इट। ऐसा स्पीड अब उनको अच्छा लगता है। पहली बार मेंबर ओनली मोड में कमेंट कर सकता हूँ, क्या बात है, पावर ऑफ मॉडरेटर। नाइस, अभी तक सब अच्छे लोग आ रहे हैं, मतलब एमुलेटर वाला कोई नहीं आ रहा। ये नहीं कह रहा एमुलेटर वाले लोग अच्छे नहीं होते, मतलब समझदार लोग आ रहे हैं। अगर मैं किसी को मना किया हूँ कि एमुलेटर वाला ज्वाइन मत कर, क्या यार, बाय। आप जो नहीं मत आओ, नथी। मुझे कई आईडी लग रहे हैं जस्ट अभी का अभी क्रिएट करके आए हैं, पर कोई नहीं, मैं नहीं कर रहा किसी को, मैं जस्ट एमुलेटर वाले को निकाल रहा हूँ। जिनको आना आओ भाई, दिक्कत कोड़ी, जिसको आना आओ भाई, तुम जो भी हो, हेटर हो, सपोर्टर हो, जो है, जिसको आना आ जाओ भाई, खेलो। मैं किसी को किक नहीं करूंगा, सिर्फ एमुलेटर वाले लोग निकलेंगे ओनली। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, 94, 95, 96। ओके, एमुलेटर वाले कोई आया तब तक पहले एक बार 100 हो जाओ, इसके बाद देखता हूँ, क्योंकि अब मैं ऊपर से पूरा स्कैन कर लेता हूँ। ओके, 100 लोग हो गए। एनी एमुलेटर प्लेयर ओवर हेयर। ओके, कोई नहीं है, मैच चालू कर देते हैं। चलिए, मैच हो चुका है चालू और मेंबर ओनली मोड हो चुका है बंद। टिंग टिंग टिंग। चलिए, मत जाने लाइफ, गेम हो चुका है चालू। और ये जो स्टिकर चिपकाया मैंने थूक से, इसको निकाल देते हैं अभी, क्योंकि इसका जरूरत अभी हमें नहीं है। ऐड कर लो मुझे भी अगले में। अरे ओके, तो एक बार ऑनलाइन आ जाना, मैं तुम्हें मैन्युअली इनवाइट कर लूँगा अगले में। अब तो गेम चालू हो गया, अब तुम पता नहीं इसमें हो या नहीं हो, मुझे नहीं मालूम। स्टिकर हटा दो। यस माय फ्रेंड, स्टिकर हटा चुका हूँ। अभी बहुत समय बाद मैं कमेंट्री करने जा रहा हूँ, जबकि मुझे बुखार है, मेरे गले में यहाँ पे जख्मी है मेरा गला, पर मज़ा आएगा, कोई नहीं, नाचो। ठीक है, मैं चले जाता हूँ। अरे वाह, यही अब उनको यही मांगता था। वाह, अरे वाह, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। ओहो ओहो, रंग बिरंगा मैप आएगा अभी, 100 लोगों का रंग बिरंगा मैप। मत जाने लाइफ। कौन कहाँ जाएगा, प्लेन कहाँ जा रहा है, प्लेन का नामो निशान नहीं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है चीटियाँ आ गई, सारी चीटी पे आटा डाल दिया, ऐसा लग रहा है। ओ माय गॉड, सी बैस सुजुकी ने किया है ये, क्या होता है भाई, ये जापनीज है या चाइनीज है, जापनीज होगा सुजुकी इसीलिए। अब ये 1200 जो भी है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या प्लेन है मुकेश, नाइस, आई लाइक इट। किंग गिदोरा, बहुत बहुत शुक्रिया सुजुकी। 1200 अपने क्या ये, अरे डॉलर तो नहीं होते, क्या होता है, यान तो अलग हो गया, अरे पता नहीं क्या ये। थैंक यू फॉर 1200 सुपर चैट, बात खत्म। जापनीज येन, ओ मैं सही पहचाना, मतलब येन, ट्रांसलेट का ऑप्शन नहीं लिखा गया इसने। कोई मॉडरेटर इसको कॉपी करके ट्रांसलेट करके पेस्ट करेगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता अभी। इसने लिखा है, वी आर योर ओनली फैन इन जापान। ओ माई गॉड, थैंक्स अ लॉट। अरे नाम खुल यार, क्या हो रहा है, अटक क्यों रहा इतना। ओके, थैंक्स अ लॉट सी बैस सुजुकी, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर 1200 येन सुपर चैट, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी में भी वो बोल देता हूँ,
क्या बात है, जापान से सुपर चैट आ रहा है भाई। ओ माय गॉड, ये सर्कट जापानी तेल लेके आने करे, कमर में बहुत दर्द होता है उनका। क्या बोल दिया अरे मैं ये किसको देख रहा हूँ मैं, गणेश, अरे गणेश नहीं है ये असली आयरन मैन है, टोनी स्टार्क। ओके पहले मैं मैप में जाता हूँ जॉर्जी पुल पे, क्योंकि जो मेरी जगह है। खेलो खेलो ऋषभ, खेलो खेलो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। ओहो भाई ये कौन था, किसको पील दिया? ओमेगा ओमेगा ओमेगा। ओके मैं ये वाला व्यू लूँगा क्योंकि मुझे सबको देखना है। कितने लोग हैं जॉर्जी पुल पे? अरे भाई इक्का यहाँ पे, दुक्का वहाँ पे, तिक्का वहाँ पे, चौक्का वहाँ पे, पांचवा वहाँ पे, फिर छक्का तो नहीं बोल सकता मैं किसी को। तो ठीक है भैया, ठीक है, काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे। 800 रुपीज किया है, हाँ मैं समझ गया। शाबाश डायनमो फैन, जय जीतराज क्या कर रहे हो? अरे भैया कैंपिंग कैंपिंग, देखो इनको देखो, मरेगा, इसके पास में बंदा है, इसके पास में बंदा है, इसके ऊपर बंदा है, मरेगा। जय जीत राज, तुम्हारे पीछे है एक्वा, एक्वा और दोनों आसपास करीब करीब आ रहे हैं। जो एक्वा है उसको पता चल गया, उसको साउंड आ चुका है कि कहीं ना कहीं तो बंदा, और दोनों एकदम करीब है, एकदम करीब है, एकदम करीब है। पर एक्वा ने शायद स्पॉट कर लिया कि बंदा मेरे आगे, और इसने कवर ले लिया, छुप गया है। और यहाँ पे जय जीत राज भी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, और दोनों का आमना सामना हुआ, और यहाँ पे दोनों का घमासान युद्ध चालू हो चुका है। और यहाँ पे जय जीत ने किया है रश, और गलत किया, रश करके ये रुक गए, जबकि इनको रश करके प्री फायर करना चाहिए था। तो इन्होंने रश तो किया, पर ये यहाँ पे एकदम स्टेबल खड़े रह गए, और यहाँ पे फ़ायदा उठाया एक्वा ने और इनको पेल दिया। मत जाने लाइफ, अब हम कहीं और जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे अभिषेक। हेलो अभिषेक, आपके पास है डीपी जो कि है बहुत खौफनाक गन, और साथ में M24। अरे बहुत बहुत सॉलिड स्प्रे किया अभिषेक की हेल्थ, जस्ट ओनली 1 HP या 0 HP कह सकते हैं, 1 HP कह सकते हैं इसको। आमने सामने फाइट हो गई थी दोनों की, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी मैंने बिल्लू से सीखी है, पर मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करी, पर मैं भी किसी ना किसी दिन ट्राई करूंगा। बंदे ने इतना बढ़िया वो किया कि बंदा इसके सामने आ गया था, वेयर हाउस के पास जो बंदा था उसके पास पूरा एडवांटेज था इसको मारने का, पर इसने क्या किया, सीधे बंदे के सामने लेट गया, डीपी का स्प्रे किया। डीपी आपको मालूम है, डीपी का ऑलमोस्ट रिकॉल नहीं है, और जब लेट जाओ तो उसका जो स्टैंड है वो ओपन हो जाता है, और टोटली जो रिकॉयल है टोटली शून्य हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अभिषेक, नाइस, वेल प्लेड। और देखते हैं कोई जॉर्जी पुल कहाँ कहीं तहलका वहलका मचा रहा है, तो कोई है क्या, कोई है क्या? अरे यहाँ हमें वाटर सिटी में अकेला लूट कर रहा है, क्या बात है, ये वाटर सिटी है, हाँ वाटर सिटी, क्या बात है, हमें के पास कोई है ही नहीं यार, जाओ रे स्ट्रीम स्लैम्पिंग करो रे, हमें को पेल क्या हो। पोचिंग गेम में कौन है यहाँ पे, देखते हैं पोचिंग गेम में कम से कम 3-4 लोग दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे भैया गलत रश हो गया, बंदा आ गया ऊपर, शॉटगन बेचारे के पास ना हेलमेट है ना वेस्ट है, मर जाएंगे अरे। नीचे है बंदा किलर जो कि आ रहा है कत्ल करने, अब किलर का कत्ल यो करेगा या यो करेगा किलर का कत्ल। शॉट मिस, ओ माय गॉड, ओवर पावर्ड ओपी शॉटगन, दो नली वाली शॉटगन, खौफनाक, बढ़िया 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 बढ़िया। अब यहाँ पे पोचिंग की में ये यहाँ पे छुप गए हैं, और बाजू वाले घर में एक और बंदा छुपा हुआ है, क्या बात है। आमने सामने फाइट होने के बहुत चांस है, पर दोनों कैंप कर रहे हैं अगल बगल, और ये वाले घर में पुश कर लिए हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई तो मरने वाला है। अब ऊपर वाले बंदे को नहीं मालूम कि नहीं, इसको नहीं मालूम, नीचे वाले को, यो को नहीं मालूम, शायद ऊपर बंदा, क्योंकि कोई फुल स्टेप शायद नहीं आ रहा होगा, अगर ये ऊपर गया तो मर जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा, इसको पता चल गया शायद फुल स्टेप आ चुका है, और ये नेड करने की कोशिश कर रहा है, नेड इसको बाउंस वाला करना चाहिए, जो कि प्रॉपर बाउंस वाला नेड किया है, पर बैक मार गया, गलत नेड आया, और नेड शायद नीचे गिर गया, नहीं ओके परफेक्ट नेड था, पर बंदे को कुछ नहीं हुआ। और ये दो नल्ली ने एक गोली में उड़ा डाला, और सामने AKM थी, AKM वो बंदा चला भी नहीं सका, शायद कोशिश करी, पर दो नल्ली बहुत ओपी है। जब मैं भी कभी क्लोज रेंज में होता, शॉटगन मिलते, तो मैं भी ऐसे लगा देता हूँ एक दो गोली,
कभी लग जाती कभी नहीं लगती, दिक्कत कौन ही पर। तो लोग सबसे ज़्यादा जॉर्जी पुल पे 25 पे रोजॉक पे हो चुकी है फाइट, जो कि मैं स्पेक्टेट करने की कोशिश किया पर हुआ नहीं क्योंकि मैंने बंदे को सिलेक्ट किया वो मर गया, पहले ही मर गया। और यहाँ पे है हरमन जो कि डीपी लेके बैठे हैं, मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक कैसे खुल गया, अभी भी दरवाज़ा वापस से खुला, ये दरवाज़ों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये कौन कारपेंटर है भाई, कारपेंटर है क्या, कोई नहीं है। हरमन अकेला रोजॉक पे घूम रहा है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओके फिर कहीं और चलो यार, यार जॉर्जी पुल पे लोग है भाई, फाइट क्यों नहीं कर रहे लोग, सोलो ऐसी ले, शायद सोलो ऐसी ले, अगर ये स्क्वाड या डुओ होता तो भाई गोलियां की बौछार हो रही होती, मतलब क्या बौछार होती क्या होती है, बारिश हो रही होती। चलो बात खत्म। चलो ओ वहाँ टावर पे चढ़ गया छोरा, टावर पे चढ़ा हुआ ये कौन है, अरे एक्वा, ये है एक्वा। वहाँ पे है हर्ष जो कि बहुत करीब है और शायद बहुत करीब तो नहीं है, अगर ये ऊपर जाएगा ये मरेगा, अगर ये ऊपर जाएगा ये मरेगा, ऊपर ये चला गया है, सामने एक्वा टावर पे है। अगर ये नीचे लिया व्यू और इसने टावर पे बंदे को स्पॉट नहीं किया, ओके कर लिया, और ये गिर गया नीचे, हेल जाएगी आधी, अरे आधी नहीं कि मेरी तो आधी चली जाती, गलत बात, टेंशेंट, ए टेंशेंट, इसका हेल्थ 20% क्यों किया, मेरा 50 चला जाता है। नो एमिलेटर सेल आउट, नो, ओनली मोबाइल प्लेयर है, सोलो, ताकि सब लोगों के लिए इक्वल रहे, किसी को डिफिकल्ट ना लगे, जो भी मोबाइल के प्लेयर है सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप भी अगला कस्टम रूम खेलना चाहते हैं मोबाइल ओनली, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि आईडी और पासवर्ड मिलेगा इंस्टाग्राम पर ही। तो चलिए यहाँ पे स्पॉट कर लिया हर्ष ने एक्वा को, और एक्वा को नहीं मालूम बंदा आ चुका है, तो मौत तुम्हारे सामने खड़ी है और मार भाई, क्या कर रहे भाई, यूं 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 यूं, क्या ब्रूसली है क्या, मार दे, गन है तेरे हाथ में, खोपड़ी पे दे रहे, खोपड़ी पे, अरे उसको पड़ गई, उसको पड़ गई, अरे मार छोरे, मार 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 मार, अरे 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 अरे, अरे टैप टैप, स्पीड टैप करने का, टक 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 टक, ऐसे टक 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 से नहीं होता, पर बंदे ने मार लिया, फाइनली मार लिया, बढ़िया। और यहाँ पे बॉट बनने की कोशिश, डायनेमो फैन, पर कस्टम रूम है तो बॉट वॉट नहीं है। यहाँ पे हर्ष गिरा पड़ा हुआ है नीचे, और यहाँ पे डायनेमो फैन सोच विचार में है कि भैया यहाँ पे गोली तो चली है, किसी का कत्ल हुआ है, काश कहीं मेरा कत्ल तो नहीं हो जाए, तो थोड़े हक्के बक्के हैं। और सामने से एक बंदा भागता हुआ आ रहा है, अरे ये तो गाड़ी लेके जा रहा है, वॉरियर, वॉरियर आर्यन, और ये जा रहे हैं हर्ष के पास, ये शायद स्ट्रीम देख रहे हैं, ये परफेक्ट हर्ष के पास जा रहे हैं फ्री का किल लेने, देखा, ये 100% स्ट्रीम देख के आए हैं, क्योंकि एक बंदा गाड़ी लेके सीधा नीचे बंदे को पेलने कैसे जाएगा, उसे कैसे मालूम कि बंदा नीचे, या तो ये हैकर है ठीक है, या तो स्ट्रीम देख रहा है, ऑब्वियसली देख ही रहा है क्योंकि लोग स्ट्रीम से ज्वाइन करे हैं, तो जिनके पास एक फ़ोन है वो तो गेम खेल रहे हैं, जिनके पास टीवी भी है फ़ोन भी है तो मज़े ले रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा चतुर बनने की कोशिश करी है, ये जस्ट अच्छा दिखाने के लिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बंदे को नहीं मारा और मैं कोई स्ट्रीम स्नैपिंग नहीं कर रहा, इसीलिए वो चल लिया भैया चल लिया जॉर्जीपुल। अरे यार जब भी किसी को देखने जाता हूँ कोई ना कोई मर जाता है यहाँ पे, रोजोक पे ही मरता है हर बार, जॉर्जीपुल पे कितने सारे लोग हैं भाई यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ओह भाई ये गाड़ी उड़ रही है, अरे अच्छा स्पेक्टेड ग्लिच, जंप हो रहा होगा, अरे सामने सोल मॉर्टल है, नमन माथुर क्या बात है, नकली वाले ये है पराक्रम सिंह, क्या चला रहे भाई गाड़ी, अरे ड्रॉप पानी में आया है, क्या बात है, जॉर्ज पुल के पानी में, यहाँ पे समंदर में आया है ड्रॉप, जो कि कोई नहीं लूटने वाला, मेरे हिसाब से कोई नहीं लूटेगा इसको, जो लूटने आएगा वो मरेगा 100% मरेगा, क्योंकि या तो आप तैर के आओ छुप के पानी के नीचे से, या बोट लेके आओगे तो तब भी मर लेंगे। इसमें है M249 level 3 हेलमेट वेस्ट, और ये क्या हुआ, मैं एकदम से स्विच कैसे हो गया, क्या रे कौन क्या स्विच मेरे को, अरे भैया पता नहीं क्या हुआ, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया बे, स्पेक्टेट ही नहीं हो रहा, डैम डैम मैन, 92 पे जाओ, ओके हो रहा। यहाँ पे है सागर, आंखों के सागर,
आगे नहीं कहूँगा यार, बहुत बेसुरा गा रहा हूँ इसीलिए गला गया हुआ है। सागर, सागर के पास में 60 वाला नंबर वाला बंदा आ रहा है और दो लोग हैं। 60 नंबर कौन है? अरे मॉर्टल है। ओके, अरे भैया कैंपिंग करे, कैंपिंग करो, मतलब ना ये फाइट करेगा ना वो फाइट करेगा, दोनों बैठे रहेंगे। पर इसका फिर भी फोकस है, वो मारना चाह रहा है, वो इसके इसमें लग रहा है ये बंदे ढूंढ रहे हैं थोड़ा इधर उधर होके, कोई दिखेगा तो उसे पी लेगा, पर इधर अभी फिलहाल कोई नहीं है। छोड़ो, एक नया चमचमाता ड्रॉप आया जो कि दुबे जी ने अभी डिलीवर किया है, विकेंडी से लेके आए हैं, क्योंकि जो ड्रॉप का वेयर हाउस है वो है विकेंडी में, और विकेंडी में से आप भी जा सकते हैं, ड्रॉप ले सकते हैं, मेरा वीडियो देखो पता चल जाएगा आपको। और इसके अंदर है MK14 जो कि है 30, और लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट और एक फर्स्ट एड किट आपको मिल जाएगा। मुझे मत दिखाना खाना खा रहा हूँ, कोई मार देगा। अभी मैं किलफिट देखा, तुम्हारा नाम आया, तुम किसी ध्रुव को मारे। अरे भाई कितना सन्नाटा है रे ये, अरे भाई इतने सारे लोग जोन के बाहर आ रहे, डैम मर जाओगे रे। उड़ाओ उड़ाओ गौरव, चलो 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 चलो, उड़ाओ गाड़ी, उड़ाओ, हैट्स ऑन करो भाई, उड़ा दो हवा में, इसको प्लेन बना दो, जंप, गो गो, उड़ाओ, बूट लगाओ, नहीं अरे हैट्स नहीं इसके पास, अरे यार, अरे भैया हैट्स नहीं इसके पास, अरे यार मज़ा नहीं आया। ओके, ऑलमोस्ट सारे लोग आ चुके हैं जोन में, और ये बंदा ब्रिज पे क्यों अटक गया? अच्छा इसके पास गाड़ी नहीं है, अरे भैया, अरे यहाँ पे युद्ध हुआ है और युद्ध में ये जीत के आए हैं सुखमन, नाइस 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 नाइस। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब 10 या 15 लोग बचे हों और एकदम छोटा सा जोन हो, यहाँ फाइट हुई और एक जन मरा, और अभी और भी कोई शायद मर सकता है। गाड़ी फूटने वाली है तन्मय की, यहाँ पे पूरा फायर हुआ, तन्मय की हेल्थ एकदम लो है और तन्मय की गाड़ी तो बस फूटने वाली है, अगर टक्कर भी मार लेगा कहीं पत्थर को गाड़ी फूट जाएगी। और आगे फिलहाल कोई बंदा नहीं है, पर ये जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे चार चार लोग हैं, और यहाँ पे इन्होंने मोड़ ली गाड़ी को, बहुत अच्छी तरह रोक लिया सही समय पे, और यहाँ पे फाइट हो गई है 99 के साथ में लवियन, और यहाँ पे गाड़ी हवा में उड़ रही थी और बैठ गई वापस से ज़मीन पे, मालूम नहीं कैसे, मैं नर्वस हो गया था। ओ ऐसा क्या, ऐसा क्या, अरे भैया माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है माय फ्रेंड। अरे फाइट करो रे, अगला डुओ लगाऊंगा यार सोलो, वैसे सोलो ठीक है, पर सोलो में क्या होता है लोग सब जीतना चाहते हैं, सब जीतना चाहते हैं, तो फाइट नहीं ले सकते। डुओ का एक होएगा बैकअप में लेगा, स्क्वाड का भी बैकअप में लेगा, देखते हैं। ओ पड़ी 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 भैया, पड़ी 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 स्कूल से पड़ी, मारो 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 मारो, अरे UMP चला रहे भाई, कहाँ पड़ेगी उसे गोली, अरे 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 इतना रेंज ही नहीं है भाई, अरे गोली वेस्ट मत कर भाई, इतना रेंज नहीं है UMP का, नहीं लगेगा, हेडशॉट भी दे तो नहीं लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकी सिंह, 20 रुपीज़ सुपर चैट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार महंगी गन पहले रखी हुई है, सस्ती गन काहे चला रही हो रे, वहाँ पे गाड़ी जा रही थी डासिया, हम कहीं और जाएंगे, कोई ड्रॉप व्रॉप आ रहा है क्या यार, हो यहाँ फाइट हो रहा है, अभी इसको स्पेक्टेट करूँगा मर जाएगा, मर गया, देखा स्पेक्टेट ही नहीं कर पाया, 44 वाला को कर रहा था मर गया। यहाँ पे है रोहन, रोहन सबके पास क्या UMP के, और ये सामने बंदा है, ओके अभी युद्ध होने वाला है, सामने बंदा है वेयर हाउस के अंदर, अरे नहीं रे इल्ला बैड़ा नक्का, काफ़ी दूर है, ओके ये रोहन के पास जा रहा है, ये मरेगा, मर जाएंगे, अरे बंदे बंदे, अरे बंदे ऊपर बंदा है रे, पीछे बंदा है रे, गाड़ी रोका तो मरा ये, ओके बच गया, गाड़ी इसने नहीं रोका, इसका किस्मत अच्छा है, अगर ये गाड़ी रोक देता तो ये मर जाता कन्फर्म। अब ये ऐसे घर में जा रहा है जहाँ पे कोई बंदे नहीं है, तो बढ़िया अच्छी बात है, और यहाँ पे रोहन ने देख लिया कि एक गाड़ी गई है मेरे सामने से और मैं उसको मार सकता हूँ, तो जस्ट व्यू लेने के लिए थोड़ा सा आगे जा रहा है, पर UMP है काम नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की सिंह, 20 रुपीज़ सुपर चैट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मिली करना, नो मिली पॉसिबल नहीं है, मैं 100 लोगों को करूँगा, तुम सिर्फ पैन से मारना लोगों को, ठीक है। ओके यहाँ पे गौतम शूटर को मारा जा रहा है, वो भी UMP से, इसके पास M16A4 पड़ी है, उसको सिंगल में चलाओ टैप टैप, बंदा आराम से मरेगा, पर UMP नो 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 माय फ्रेंड, या तो फाई का गोली नहीं होएगा, यही सीन होएगा, और अगर फाई का गोली है और UMP चला रहे हो लॉन्ग रेंज में तो भैया गलत बात है। ओके ये स्ट्रीम देख रहा है, इसने सीधा स्विच किया M16A4 पे,
गोली है भैया, चलाओ चलाओ। अगला ड्रॉप आ चुका है जो कि आसमान में है और बहुत लोगों के करीब करीब है। आया क्या इसमें, क्या है इसमें? अब भी जस्ट गिरा है और बंदा आ गया। अमनप्रीत, इसके अंदर है MK-14, गिली सूट, लेवल 3 बैकपैक, हेलमेट, वेस्ट, चड्डी, बनियान, लेवल 3 वेस्ट का, चलो ले लो। ये भी उठाएगा, कहता अरे ये तो टट्टी है, अरे ये तो टट्टी है। ओके, अमनप्रीत यहाँ पे जा चुका है गाड़ी लेके। अमनप्रीत ने उठाया है जस्ट बैग, हेलमेट, वेस्ट और गिली सूट, और यहाँ पे बड़े प्यार से बग्गी चला रहे हैं और सोच रहे हैं कोई आएगा उसको मैं पेलूंगा। तो देखते हैं, अभी अमनप्रीत के यहाँ पे टोटल 2 किल हो चुके हैं, तो 2 लोगों को इन्होंने मारा है, बहुत बढ़िया उमदा। और मेरे ख्याल से कोई ड्रॉप लूटने के लिए और कोई जा रहा है करीब, यहाँ पे फाइट हो रही है और इसको पढ़ लिए और ये मर गया। मैं जैसे ही किसी को स्पेक्टेट करने जाता हूँ ना, जब उसे गोली पड़ गई तो मर जाता है। ओके, कोई गोली है, कोई गोली खा रहेगा यहाँ पे। अभी सारे काफ़ी करीब करीब, मतलब दूर दूर हैं, एक बार करीब हो जाए, अगले जोन में काफ़ी करीब होंगे, चांस है बढ़िया बैटल देखने को मिलेगा। अभी तो भाई सिर्फ गाड़ी चल रही है और यहाँ पे अमनप्रीत बहुत सारे लोगों के पास आ चुका है। यहाँ पे बंदा है और यहाँ पे बंदा है और यहाँ पे दो दो बंदे अलग अलग घर में, और देखते क्या होगा, इनमें से कोई तो मरेगा। अरे यार ये दिखा, स्पेक्टेट ऐसा दिखा रहे मुझे। ओके, बंदे यहाँ नहीं है, बंदे यहाँ नहीं है, बंदे। ओके, जोन छोटा हो चुका है, अमनप्रीत जोन में है और इसके पास में रोमन एम्पायर है। बाकी जो बंदे दिख रहे हैं यहाँ से मुझे, मतलब ये जो दिख रहा था नाम, वो यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। मुझे लगा यहीं पे सामने कोई वेट कर रहा है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैदराबाद पाजी, क्या बात है, लव यू टू ब्रो, और बहुत बहुत शुक्रिया 40 रुपीज सुपर चैट के लिए। विक्की सिंह, वाह फाइट हो गया। रक्षित, यहाँ पे रक्षित नागर अली खान को स्प्रे कर रहे हैं और एक गोली भी नहीं लगा अली खान को। अली खान बड़े आराम से प्यार से गाड़ी लेके निकल लिए, बोलते चल बे मेरे को गोली नहीं लगा। और लेट के गाड़ी को मारना तो मुश्किल ही है, आप एक बंदे को तो मार ही नहीं पाओगे। और ये जहाँ पे आ चुके हैं वहाँ पे ऊपर एक बंदा है। चलो अब व्यू चेंज किया जाए, व्यू चेंज किया जाए, व्यू चेंज किया जाए। यहाँ पे 4 नंबर वाला गाड़ी वाला है, कोई 4 नंबर वाला यहीं पे रुका हुआ है। और ये है यश, तो दो दो गाड़ी आसपास आ चुकी है यहाँ पे। एक है डासिया और जस्ट यहाँ पे है बंदा आ चुका है, अभी फाइट होने वाला है। यहाँ पे अली खान और गेम चेंजर को देख रहे हैं, गेम चेंजर अली खान को देख रहे हैं और SKS का टकाटक चला रहे हैं, पर सारे के सारे जो शॉट्स हैं सारे मिस हो चुके हैं और उन्हें नहीं मालूम उनके पीछे बंदा आ चुका है, उनके पीछे बंदा आ चुका है और ये मरेंगे। यश आ चुका है ऊपर और यश को मालूम पड़ चुका है कि ऊपर एक नीचे एक बंदा है और गेम चेंजर को बिल्कुल खबर नहीं है कि सामने मेरे पास में बंदा है। और गेम चेंजर पीछे से शायद आ गए मेरे ख्याल से, और दोनों आ चुके हैं। और यहाँ पे गेम चेंजर ने अभी तक स्पॉट नहीं किया, ओके कर लिया। और यश को अभी तक नहीं मालूम कि भाई पीछे बंदा है, पीछे तो देखा मुगरी। और भाई गेम चेंजर जस्ट सामने खड़े थे उसके, पर गेम चेंजर ने उसको नहीं देखा क्योंकि उनका व्यू ऐसे था। और सामने मुकेश आ चुके हैं और मुकेश ने स्पॉट किया यश को, और यश को काफ़ी डैमेज किया है, पर यश अभी बच चुके हैं। तो ग्रेनेड फेंका जा रहा है और नेड थोड़ा गलत हो गया जो कि राइट डायरेक्शन में चला गया, और यश ने हील कर लिया है, फर्स्ट एड लगा लिया है। और जो कि बात रही गेम चेंजर की, वो पूरा उनके पास एम होता पर उनका मुंह आगे था, बंदा पीछे था, तभी कहते पीछे तो देखो मुगरी मुगरी, नहीं भाई बंदा खड़ा है पीछे। तो नेड बहुत बढ़िया किया पर जस्ट शुरुआत में ही फट गया, तो अभी इनमें से कोई ना कोई तो मरने वाला है क्योंकि आपस में भिड़ चुके हैं दोनों। अब देखते हैं मुकेश मारेंगे या यश मारेंगे, हम जाएंगे टॉप का व्यू लेंगे ताकि हम दोनों को देख सकें। मुकेश फ्लैंक कर रहे हैं और यहाँ पे यश अभी भी एक ही जगह लेके बैठे हुए हैं, और मोमेंट मुझे नज़र आ रही है और इनको किसी ने नहीं मारा। भागते 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 गिर गए क्योंकि इनके जूते की जो लेस थी वो खुल गई थी। तभी कहते जो जूता, जो अब चलते हो ना जूते की लेस बांध के रखा करो, नहीं तो वैसे मर जाओगे। देखो चलते चलते गिर के मर गए। और यहाँ पे है विलन अमन, और विलन को कर दिया है ख़त्म मुकेश ने। तो मुकेश अभी भी थोड़े हक्के बक्के हैं कि यार यहाँ पे एक बंदा था, कौन, उन्हें नाम तो पता नहीं होएगा पर वो सोच विचार में है कि एक बंदा था, कहाँ गया, कैसे मारा, इसको कौन मारा, कैसे मारा। अगर इन्होंने किल फीट देखा होएगा तो इनको पर पता नहीं चलेगा ना कि कौन। मुझे बंदे के नाम मालूम है, बाकी लोगों को नाम नहीं पता चलेगा। शूज़ की लेस बांध के रखो भैया, गिर जाओगे। यहाँ चलते चलते गिर गए भैया, चलते चलते गिर गए। ये क्या कर रहे हैं रोमन,
अरे भैया लूट रहे हो तुम, क्या लूट रहे हो बे? मैं भी लूटेगा, मैं भी लूटेगा, टॉमी है तो टट्टी है बे। यश जैन, ओहो 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 ओहो, ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया। अरे भाई जब मैं किसी को स्पेक्टेट करता ना तो सब लोग चौड़ में आने के लिए ना भाई खौफनाक बन जाते हैं कि भाई मेरे को स्पेक्टेट किया जा रहा है। अभी देखा अभी 5 सेकंड पहले यूं 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 प्रोन हो रहे थे, मैं जैसे एक्सपेक्टेड किया, ओ माय गॉड रश करो भाई, बंदे पेल ले भाई, क्राउच इधर देखो उधर देखो इधर देखो उधर देखो। अब मैं जैसे एक्सपेक्टेड हटाऊंगा फिर से लेट जाएंगे। ओहो मुकेश को स्पॉट कर लिया और यहाँ पे मुकेश बच गया। मुकेश ने बहुत जल्दबाजी मतलब बहुत अच्छी फुर्ती दिखाई और एकदम से कवर ले लिया और यहाँ पे मरहम पट्टी लगाई जा रही है और वहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी जो कि स्क्रिलिक्स, क्या बात है, और दो दो गाड़ी एक साथ है डासी एंड, पर कोई किसी को स्प्रे नहीं कर सकता क्योंकि दोनों सोलो जन है, किसी ना किसी को गाड़ी से उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूएस वाले स्क्रिलेक्स जा चुके हैं और जो डासिया वाले हैं उनका नामो निशान कहाँ पे है मालूम नहीं। और यहाँ पे यश जैन बहुत डैमेज हो चुके हैं जो कि मेड किट लगा रहे हैं, अब इनको किसने घायल किया है मालूम नहीं, पर इनको शायद मुकेश ही गोली मार रहा है। और मुकेश के पास है M24 विद 8x, तो एक हेडशॉट बंदा खत्म और बॉडी दिख रही है अभी भी, पर देखते हैं। और ये बॉडी अभी भी दिख रही है हल्की सी, अगर आपकी गन भी दिखे आप गन को भी गोली मारो बंदा मर जाएगा। और अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यश में अभी भी जान बाकी है, यश में अभी भी लाइफ है और यश ने लगाई है मेडकिट। और अब यश के व्यू से देंगे कि वो क्या देख रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो यश का Level 2 का वेस्ट पूरा फूट चुका है, जस्ट 90% मतलब फूट चुका है, 10% हेल्थ है, हेलमेट पूरा सही सलामत है और TPP पूरा लिया जा रहा है और TPP में नाकाम है अभी फिलहाल टोटली क्योंकि इन्हें बंदा दिख ही नहीं रहा। और मुकेश थोड़ा सा फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और जो यश है उसका टोटली पूरा फोकस आगे सीधा है। अरे यश ये वही वाला तो नहीं, ये तो TV पे मेरी स्ट्रीम देखता है। अरे भाई ये तो ओके, यश यश स्ट्रीम देख रहा है पक्का क्योंकि मुकेश फ्लैंक कर रहा है, यश उसके साथ साथ में यू यू जा रहा है, कैसे कैसे स्ट्रीम देखी जा रही है यहाँ पे। मैं हटा देता हूँ, मैं व्यू ऐसे दिखाऊंगा दोनों का ताकि चीटिंग ना हो। हम देखेंगे इनमें से कोई ना कोई एक तो एक कोई ना कोई एक जन मरेगा, कौन मरेगा। और यहाँ पे DP वाला कोई, अरे बंदे आ गए ऊपर, यहाँ पे आ गए मॉर्टल DP 28 लेके। अरे भैया क्या कर रहे हो, नकली वाला असली नहीं है, दिल पे मत लेना। और यहाँ पे मुकेश शायद मरने वाला है क्योंकि बंदे को स्पॉट हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे करीब करीब है और यहाँ पे मुकेश ने फायर किया है मॉर्टल की तरफ और यहाँ पे DP का पता नहीं क्या यूज किया गया यहाँ पे और ये मुकेश ने ख़त्म किया है मॉर्टल को, नकली वाले को। और यहाँ पे देखते हैं और भी लोग आ चुके हैं, जोन छोटा हो चुका है। यहाँ पे है पीयूष गेमर जो कि काफ़ी कवर में बैठे हुए हैं और इनके आगे जस्ट यश जैन है जो कि पीयूष को मालूम नहीं है, तो पीयूष ने अगर स्पॉट किया तो देखा जाएगा। पीयूष बड़े आराम से मार सकते हैं यश को और मेरे ख्याल से यश ने स्पॉट कर लिया है, यश ने पीयूष को स्पॉट कर लिया और ये एक गोली और यश ने खत्म किया है पीयूष को। 15 लोग बाकी हैं, अभी भी युद्ध चालू है मुकेश और यश के बीच में। यश यश मुकेश, अरे मर गया रे, कर रहे मर गया, यश मर गया रे, मुकेश 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 ने यश को खत्म कर दिया। अरे दोनों हो रहे हैं, चल ठीक है, मुकेश वर्सेस यश में यश 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 हो गया, कहीं और चलता है भैया, अब यहाँ कोई बचा नहीं है, ड्रॉप आएंगे कुछ। अरे मुकेश कहाँ, जोन के बाहर है और जोन आने वाला है कुछ 1 मिनट में। यहाँ पे इनके पास गाड़ी बहुत सारी पड़ी है, यहाँ पे बग्गी भी है, बाइक भी है नीचे, तो ये बग्गी ले चुके हैं, हम चलेंगे कहीं और। यहाँ पे है अमे जो कि है जोन के बाहर जो कि DP 28 से व्यू ले रहे हैं, कौन सी जगह पे है ये, ऑलमोस्ट गटका की तरफ। ओके और ये कौन है, ये है मोनिश, क्या बात है मोनिश। और मोनिश के बहुत करीब बंदे हैं, दो दो एक एक आगे एक पीछे, शायद वो भी रेंग रहे मेरे हिसाब से। अरे भाई आमने सामने, अरे भाई कैसे भागेगा ऐसे, अरे भैया कैसे भागेगा, अरे वाह वाह मोदी जी वाह, अच्छे दिन आ गए, मतलब इक्वल टू दबा दो, मतलब वो ऑटो रन भगा दो, बस छोड़ दो गेम को। अमे को मिल गई गाड़ी, अमे निकला गाड़ी लेके और यहाँ पे अमे आया
अमे की गाड़ी फूटी हुई है टोटली, अगर टक्कर भी मारी पर फूटी नहीं पर बच गया, बंदे का लक था। और दो लोग सामने लेटे हुए हैं, अब दो नहीं तीन लोग लेटे, और यहाँ पे फायर हो चुका है रक्षित नागर की तरफ से अमे पे, और अमे अपनी जान बचाते हुए पीछे आकर इन्होंने गाड़ी को फोड़ा और कवर बना लिया। तो सामने है रक्षित, यहाँ पे है टैंगो, यहाँ पे मोनिश, और तीन तीन स्नेक बने हुए हैं यहाँ पे। स्नेक ही बोला जाएगा क्योंकि एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्ड कह सकते हैं इसको, प्रोन किए हुए हैं स्नेक नहीं प्रोन। तो यहाँ पे है मोनिश जो कि आराम से लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं और उठ चुके हैं। उन्होंने बोला नहीं यार हम नहीं लेटेंगे, हम नाचेंगे। देखो अपुन नाचेगा रे, अपुन नाचेगा। यहाँ पे है टैंगो चार्ली मैं लगा लिया। और जोन आ चुका, अभी जोन आएगा सबका पिछवाड़ेगा, पप्पी लेगा ना, सब उछल के भागेंगे देखना। टैंगो ने खत्म किया, मैं बोला ना सब उछल के भागेंगे। अरे भाई टैंगो ने बहुत बढ़िया चाल करी, सारे लोगों को पहले जाने दिया और दो लोगों को ख़त्म कर दिया, मोनिश और कौन था मालूम नहीं। तो क्या टैंगो बच पाएंगे, जोन में एंटर हो पाएंगे? तो हो जाएंगे क्योंकि जोन थम चुका है और यहाँ पे टैंगो ने कर ली है एंट्री जोन में। और यहाँ पे है स्वराज जिनका आज है जन्मदिन, तो स्वराज को बोलिए जन्मदिन मुबारक हो। और यहाँ पे है स्क्रिलिक्स जो कि शायद आमने सामने घर पे है, हाँ एकदम आमने सामने घर पे है स्वराज एंड स्क्रिलिक्स। बाजू वाले घर में है स्वराज, ये वाले घर में है स्क्रिलिक्स, और गोलियों की गोली पड़ी है स्क्रिलिक्स को, पर ये गोली पड़ी है दो नंबर की तरफ से। और दो नंबर कौन है और कहाँ है ये दो नंबर कौन है? ओके ये दो नंबर है मुकेश जो कि जोन के बाहर अभी फाइट ले रहे हैं पेड़ के यहाँ से, और इनको पूरा व्यू मिला हुआ है। और यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया है मुकेश को, और जोन जस्ट 40 सेकंड में ऑलमोस्ट आने वाला है। यहाँ पे है स्वराज, यहाँ पे है स्क्रिलेक्स, और यहाँ पे है लवियन जो कि रेंगते आगे धीरे धीरे जा रहे हैं। और यहाँ पे है प्रियंका जिन्होंने जीता था सीजन 7 का रॉयल पास, तो यहाँ पे है ब्रूटल मिनी 14 जो कि सीजन 7 के रॉयल पास के विनर है जिन्हें नहीं मालूम। और बहुत बहुत शुक्रिया आर डी एक्स दीप 40 रुपये सुपर चैट के लिए। और यहाँ पे है प्रफुल, अरे प्रफुल वो खिचड़ी वाला प्रफुल याद आ गया मेरे को, क्या बात है, नाइस। कोई तो मरा, स्क्रिलेक्स ने खत्म किया है मुकेश को, तो स्क्रिलेक्स ने AKM का स्प्रे दिया और मुकेश का हो गया दी एंड। और बचा है सामने स्वराज उनके सामने, और दोनों को मालूम है शायद दोनों के पास मेरे हिसाब से ग्रेनेड नहीं है, क्योंकि एक ग्रेनेड कुक किया जाए ऑब्वियसली डैमेज करेगा, पर शायद किसी के पास ग्रेनेड नहीं है। और यहाँ पे प्रफुल ने गाड़ी से ख़त्म किया है टैंगो को, और यहाँ पे पूरा स्प्रे किया जा रहा है एक अंदर प्रफुल को, पर एक भी गोली नहीं लगी और बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ प्रफुल को। और प्रफुल पीछे चले गए और उन्हें नहीं मालूम कि वहाँ पे पहले से काफ़ी सारे बंदे इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रक के अंदर बंदा बैठा हुआ है जो, अरे यहाँ पे है ब्रूटल मिनी जो कि है प्रियंका, और प्रियंका ने फायर किया प्रफुल को और पीछे पीछे जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रफुल गाड़ी घुमा के पीछे आ गए हैं, और मिनी ब्रूटल मिनी AK प्रियंका ढूंढ रही है कहाँ पे प्रफुल, और यहाँ पे प्रफुल को फायर किया जा रहा है। और यहाँ पे गौतम शूटर शायद फायदा उठाएंगे, और यहाँ पे इन्होंने प्रियंका को कर दिया है ख़त्म। तो प्रोन का फायदा उठाया और प्रियंका को नहीं पता चला कि यहाँ पे कोई कैंप कर रहा है, और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। और मैंने एक जन को यहाँ पे देखा था, कोई नहीं यहाँ पे, ओके। और गौतम शूटर जो कर रहे थे प्रोन वो मर गए हैं। यहाँ पे प्रफुल ने जो अपनी जान बचा रहे थे प्रियंका से, उन्होंने दूसरे को मार दिया। तो बचे हैं तीन लोग जो कि हैं स्वराज, प्रफुल और स्क्रिलेक्स। स्क्रिलेक्स जिंदा है या नहीं एक बार चेक किया जाए, ओके यहाँ पे है, ओके स्क्रिलेक्स ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे है स्वराज, लव्यंश एंड प्रफुल। स्वराज का कवर बहुत बढ़िया है, वो घर में बड़े आराम से छुपे हुए हैं। लव्यंश फिलहाल अभी प्रोन है, अगर स्वराज एक बार भी स्पॉट कर ले बंदे को जस्ट स्प्रे करना है, क्योंकि लव्यंश के पास कोई कवर नहीं है, टोटली ओपन है। और प्रफुल गाड़ी घुमा रहे अभी फिलहाल, पाजी इतने टाइम बाद कस्टम, अगले में आऊँ, आ जाओ सोलो है ओनली मोबाइल, आ जाओ। और बहुत बहुत शुक्रिया स्पार्क्स 40 रुपये सुपर चैट के लिए। अब हम ईगल व्यू से देखेंगे आसमान में जाके, ईगल आई व्यू चील की आँख। देखिए लव्यंश धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और प्रफुल कवर में आ चुके हैं, और यहाँ पे शायद स्वराज को पता चल चुका है कि मेरे घर में कोई बंदा आ रहा है। और यहाँ पे लव्यंश ने
रश करने जा रहे हैं, देखा जाएगा क्या स्वराज लव्यंश को मारेंगे या लव्यंश स्वराज को मारेंगे। तो स्वराज शायद टीपीपी ले रहे हैं और लव्यंश ढूंढ रहे कि बंदा गया, पर इन्हें समझ पड़ गया कि बंदा आ गया और इनको मोलोटॉव मिल गया और मोलोटॉव बहुत स्वराज मरेगा। अरे भाई बहुत बढ़िया टाइमिंग, बहुत बढ़िया टाइमिंग। लव्यंश कर रहे थे मोलोटॉव, बंदे को स्वराज को आवाज़ आ गई कि यार कोई तो मोलोटॉव या कुछ कर रहा है और सही समय पे उन्होंने रश कर लिया और एकेएम का स्प्रे कर लिया। अगर वो मोलोटॉव पहले चला जाता स्वराज 100% मर जाता। अब यहाँ पे प्रफुल्ल है जो कि ड्रॉप का कवर लिए हुए और इन्होंने अंदर स्मोक फेंका है, ग्रेनेड फेंका है, स्टन फेंका है, तो ये इन्हें लग रहा है बंदा ऊपर और या ऊपर रश करने वाले हैं, तो पर जबकि बंदा घर के पीछे है। तो प्रफुल्ल धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और देखते हैं कौन किसको मारना चाहेगा। अभी फिलहाल 1-on-1 बैटल है, फाइट होने वाला है, या तो स्वराज जीतेगा या तो प्रफुल्ल जीतेगा। और यहाँ पे स्वराज को भी पता चल चुका है कि बंदा मेरे पीछे आ चुका है और यहाँ पे दोनों टीपीपी लेने का फ़ायदा, टीपीपी का फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ पे प्रफुल्ल थोड़ा छुप गए हैं और देख रहे हैं, बिल्कुल इनका कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, ये कुछ नहीं करना चाह रहे, जस्ट अभी सोच रहे हैं कि क्या करें और ये यहाँ पे क्या करने लगे, ये स्टन करने लगे और इन्होंने प्रॉपर स्टन किया है जो कि स्वराज को नहीं लगा क्योंकि स्टन यहीं पे ख़त्म हो गया और स्वराज अभी तक अंधे नहीं हुए। और यहाँ पे स्वराज लेट चुके हैं प्रोन करके और यहाँ पे प्रफुल्ल यहाँ पे भी स्टन फेंका और इन्होंने स्टन किया जो कि स्वराज को शायद इफेक्ट किया होगा, पर दोनों को मालूम है कौन किधर है और यहाँ पे फाइट शायद अभी होने वाली है। तो प्रफुल्ल को देखा जाए, स्वराज जा चुके हैं ऊपर और प्रफुल्ल भी अब जाने लगे ऊपर, गलत समय पे गलत लूट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बंदा ऊपर है, एक बंदा ऊपर है, एक बंदा नीचे है, अब घमासान महायुद्ध होने वाला है चालू, क्योंकि जोन टोटली आखिरी जोन है, कोई भी एकदम से जीत सकता है, या तो डैमेज, अब देखते हैं ये लोग हील बैटल करेंगे या क्या करेंगे। एक और एक स्टन किया जा रहा है और ऊपर एक स्टन फेंक दिया और अंधे ये खुद हो गए हैं, तो इनको कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे स्वराज कहाँ पे है, स्वराज बहुत बढ़िया फ़ायदा लाभ उठा सकते थे पर स्वराज अभी भी ऊपर ही हैं। इन्होंने प्रफुल्ल ने जाल बिछाया था स्वराज के लिए पर जाल में खुद ही कैद हो गए और अभी भी प्रफुल्ल यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं, शायद ये लोग हील बैटल करेंगे या क्या, पर यहाँ पे रश करने की शायद मुझे संभावना लग रही है। और प्रफुल्ल अभी भी सोच विचार में है कि क्या होएगा यार, उन्हें ये है कि यार मैं ये मैच कस्टम रूम जीत सकता हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ ये मैच, अब ये क्या होगा देखते हैं। प्रफुल्ल के पास एक आया है स्मोक, डराने के लिए स्मोक कर दिया गया है ऊपर जो कि प्रॉपर स्मोक है, धुआं धुआं हो जाएगा और धुआं हो चुका है। स्वराज की चलने की आवाज़ें आ रही हैं और हम जाएंगे ऊपर, अब हम ऊपर का व्यू लेंगे और यहाँ पे स्वराज आ चुके हैं और ये देखेंगे आमने सामने हो चुके हैं दोनों। और यहाँ पे स्वराज वर्सेस प्रफुल्ल, दोनों का बैटल फाइट हो चुका है पर किसी कोई किसी को नहीं मार पाया क्योंकि किसी का पता नहीं चला कौन किधर है। और यहाँ पे युद्ध हो चुका है चालू और स्वराज को काफी डैमेज किया है इन्होंने और प्रफुल्ल पीछे पड़ चुके हैं स्वराज के और प्रफुल्ल ने खत्म कर दिया है स्वराज को। तो विजेता बने हैं प्रफुल्ल 3 किल के साथ में, सेकेंड नंबर पे आए हैं स्वराज 7 किल के साथ और तीसरे नंबर पे आए हैं लव्यंश 2 किल के साथ में। तो ये हैं आज के टॉप 3 और हाईएस्ट किल ये मैच में हुआ है किसका हुआ है। अगर आप हाईएस्ट किल की बात करो ये कस्टम रूम में, तो हाईएस्ट किल प्राप्त करे गए हैं सिर्फ और सिर्फ स्वराज ने। तो स्वराज ने 7 किल्स करे हैं और अगर स्वराज जीत जाता तो एक बात ही अलग होती, लाइक ओपी वाली फील आ जाती कि भाई 8 किल करे और चिकन डिनर भी प्राप्त किया पर नहीं हासिल हो पाया। शायद स्वराज ने एकदम आखिरी मोमेंट में थोड़ी सी हड़बड़ी कर ली थोड़ी सी, क्योंकि प्रफुल्ल बहुत कॉन्फिडेंस लगे मुझे, उन्होंने प्रॉपर एक व्यू लेके रखा, उन्होंने जगह चेंज नहीं करी और स्वराज थोड़ा बहुत भटके जा रहे थे मेरा मानना ये। तो प्रफुल्ल जीत चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें हुआ मुर्गे का भोजन प्राप्त क्योंकि तुमने किया है विनर विनर चिकन डिनर, टॉप 1 पे आए हो बंदे मार के ठा 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 ठा। अब वापस से एक कस्टम रूम बनाया जाएगा और यहाँ पे मैं अपना थूक लगा कर ये स्टिकर चिपका देता हूँ। आहा आला जादू, अरे यार, अरे अब ये हटेगा नहीं, शिट ये क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने यार, सही हो जा रहे, अब ये सही नहीं होने वाला, अब मुझे इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसका ब्राइटनेस कम करना पड़ेगा तो ही होएगा। एक मिनट, अभी एक और एक कस्टम रूम बनने वाला है, अगर आप भी कस्टम रूम खेलना चाहते हैं पबजी मोबाइल में ओनली, मोबाइल ओनली,
तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे। ओके okay, मुझे मालूम था ब्राइटनेस कम करेंगे सही होएगा, पर नीला इफेक्ट क्यों आ गया रे। ओके ओके ठीक है भैया ठीक है। तो चलिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। आईडी पासवर्ड यहाँ पे बनेगा, फिलहाल मैं पुराना वाला आईडी पासवर्ड डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो लोग पुराना आईडी पासवर्ड डाले और फिर बोले भैया ये तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो डिलीट किया जाए, डन। ओके ओके जल्दी से फॉलो कर लीजिए, और मैं यहाँ पे एक आईडी एक रूम क्रिएट कर लेता हूँ वापस से, और रूम सोलो वापस से सोलो टीपीपी, और मैं एक बार यहाँ चला जाता हूँ ताकि, अरे कितना अंधेरा छा गया बे, पता नहीं लाइटिंग का दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं। ओके एक अलग कस्टम रूम बन चुका है वापस से सोलो एरेंगल, और मैं यहाँ पे चला जाता हूँ स्पेक्टेट में और इधर वापस से आ जाता हूँ। ओके और यहाँ पे जाके इसको लॉक कर देते हैं ताकि कोई और स्पेक्टेट ना कर सके मेरे अलावा। तो चलिए आ जाइए, और मैंने अभी देखा 2000 लोग देख रहे थे, कृपया करके जो लोग भी देख रहे थे कृपया करके लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, एफपीपी करो। मेरे हिसाब से जो मोबाइल वाले प्लेयर्स हैं उन्हें एफपीपी खेलना बहुत मुश्किल लगता है, मुझे मोबाइल पे एफपीपी पसंद है पर बाकी लोगों को नहीं पसंद, तो हम टीपीपी रखेंगे जो सबको पसंद है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं इनवाइट कर लेता हूँ बाकी सारे लोगों को जो चैनल के मेंबर है, चैनल के मेंबर जो हैं उन लोगों को इनवाइट मिल जाएगा, और क्या कहते हैं डिस्कॉर्ड के सर्वर पे भी मिलेगा आईडी पासवर्ड, तो सारे लोग आ जाइए, और बाकी लोगों को मिलेगा आईडी पासवर्ड ओनली ऑन इंस्टाग्राम, तो फॉलो कर लीजिए मुझे, फॉलो कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम बना देते हैं आईडी, मतलब डिस्कॉर्ड पे भी दे देता हूँ आईडी पासवर्ड, और स्पॉन्सर ओनली में जाएंगे आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। आईडी है पासवर्ड है ओके आईडी और पासवर्ड जो भी डिस्कॉर्ड के सर्वर पे हैं जो चैनल के लॉयल मेंबर हैं उनको मिल चुका है, जो लोग मेरे में एडेड थे उनको मैंने इनवाइट भेज दिया है, और जो लोग मेरे में एडेड नहीं है उनके लिए स्पॉन्सर ओनली के रोल में आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिए। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे आईडी पासवर्ड दूंगा, ये काम मैं पहुंच गया, अरे ओके अमे कह रहा इनवाइट, ओके मुकेश अमे आ जाओ। रमन जी आप स्पेक्टेट से हट गए हो क्या बात कर, अरे अच्छा ओके वो ऑल टाइप किया ना इसीलिए, ओह सही टाइम पे देख लिया मैंने, नाइस, नहीं तो मैं गेम में चला जाता फिर मैं बोलता आला जादू ये क्यों आ गया हाथ में गन मेरे आ गई। चलो यहाँ पे ज्वाइन हो चुके, मैं इंस्टाग्राम पे आईडी और पासवर्ड देने जा रहा हूँ, शायद सारे लोग आ चुके ओके एक मिनट, यार ये नीला इफेक्ट क्यों आ गया रे बे, नीली लाइट थोड़ी लगाया मैं बे, सफ़ेद लगाया, ये वेब कैमरा का बहुत दिक्कत है, वाइट कपड़े पहनो तो ऐसा ही होता है, इसीलिए ब्लैक कलर के कपड़े पहनो, झंझट ही नहीं है भाई, क्योंकि कोई कलर नहीं होता तो प्रॉपर फोकस उसका फेस पे जाता है, अब ये पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा, अरे सही हो जा छोरे, नहीं होएगा, चलो कोई नहीं चलने दो, ऐसे ही चलने दो, दिक्कत कोड़ी, मैं मॉनिटर का ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ओके ठीक है, ओके बेटर। हाँ चलिए आईडी पासवर्ड अब दिया जाए इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लीजिए, और मैं देने लगा हूँ आईडी पासवर्ड इंस्टाग्राम की स्टोरी में, पर उससे पहले होएगा मेंबर ओनली मोड चालू, ताकि कोई आईडी और पासवर्ड लीक ना करे। चलिए इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट करी जाए, टाइप एंड द आईडी इज आईडी है और पासवर्ड है, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे आईडी और पासवर्ड हो चुका है शेयर, जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए मुझे,
इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, क्योंकि जितने भी आगे फ्यूचर में कस्टम रूम होंगे, एडवांस कस्टम रूम होंगे, सबका आईडी पासवर्ड इस पे ही मिलने वाला है। ऑफिस में हूँ भाई, इस बार भी रह गया मेरा खेलना स्पेक्टेट विद रमन भाई। अरे चलो कोई नहीं, फिर कभी खेलेंगे खेलेंगे। विपिन भाई क्या हाल चाल है आपके? तो 100 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, क्या बात है। अभी यहाँ पे बहुत सारे एमुलेटर वाले लोग आ चुके हैं, तो ये मैं जैसा मेंशन पहले भी कर चुका हूँ, ये ओनली मोबाइल लोगों का कस्टम रूम है सोलो। तो जो भी यहाँ पे एमुलेटर वाले प्लेयर हैं मैं उनको रिमूव करूँगा, और जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे कर लीजिए, मेरा आईडी है। ये क्या था भाई, क्या था ये? रिफ्रेश रिफ्रेश करो, मैं कहीं नहीं गया, रिफ्रेश करो। अभी कोई लिख ही नहीं पाएगा ऑफलाइन ऑफलाइन, क्योंकि मेंबर ओनली मोड चालू है। तो खुद ही रिफ्रेश कर लो, मैं लिख देता हूँ रिफ्रेश करो, क्योंकि मेरा नेट शायद इक्का दुक्का सेकंड के लिए गया और स्ट्रीम की बैंड बजा के चला गया। पर आई एम बैक। अपुन आ गया रे, अपुन गया ही नहीं कहीं, मैं यहीं पे हूँ। तो रिफ्रेश कर लो। अब मैं क्या कह रहा था मुझे नहीं मालूम, लोगों ने सुना नहीं सुना, मैं ये कह रहा था अब जो एमुलेटर वाले लोग हैं इनको निकालना पड़ेगा। चलो अब मत बोलना लॉबी ग्लिच हो गई है, क्योंकि मेरा नेट गया। अरे भाई आ गया, टेक्निकल इश्यूज। अब ये लोग कोई नहीं निकल पाएगा और ना ही मैच शुरू हो पाएगा। ओके ये इशू होता है जब आपका इंटरनेट चला जाता है, आपको धोखा दे देता है। अब ना मैं किसी को रिमूव कर सकता हूँ एमुलेटर वालों को, और ना ही ये गेम चालू होगा। अरे आप फिर से क्या बात कर रहे हो? रिफ्रेश करो। अरे भाई ये शुरू भी नहीं होएगा ना, करके देखो क्या। वैसे नहीं यार, एक नया बनाते, लेफ्ट करो, लेफ्ट क्लोज द रूम। ओके वाह, अब ये भी नहीं हो रहा। अब मुझे गेम बंद चालू करना पड़ेगा। ओके ठीक है, एक बार गेम को बंद चालू कर लेता हूँ मैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि मेरा नेट बीच में धोखा देके चला गया मुझे। तो गेम वापस से चालू हो रहा है, ऑफ ही दिखा रहा है ऑफलाइन अगेन, ये क्या बात हो रहा है भाई। लेट मी चेक, अरे चल रहा है यार मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ चालू है। एक बार यूट्यूब खोलो, एक मिनट, कस्टम रूम। अरे लाखों लोगों को भैया, कहाँ हो तुम? अरे घर बैठ के, अरे भैया इसकी पैड क्या बात है, ऐड आ रही है ना इस। अरे चालू है, रिफ्रेश करो रे। लाखों लोगों को भैया, कहाँ हो तुम? ओके ऐड आ गया था, मैं स्ट्रीम खोला था, नाइस। ओके पता नहीं 1500 से 500 लोग हो गए, पर दिक्कत कोड़ी, मैं कहीं नहीं गया, मैं लाइव हूँ, मैं गेम को रिस्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गेम चालू नहीं हो रहा। अरे यार ये टी शर्ट का क्या सीन है भाई। नाउ ऑल गुड, रिफ्रेश। ओके मेंबर ओनली हटा देता हूँ एक मिनट अब तो, क्योंकि लोग ज्वाइन हो चुके हैं, बाकी देख लेते हैं। अगर वही वाला कस्टम रूम चालू हो सकता है तो देखते हैं, अगर नहीं हो सकता तो वापस से नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा अपने पास। कैप्चर हो जा रहे। ओके वो वाला कस्टम रूम गया, वो कस्टम रूम डेड हो गया। ओके जो पहला कस्टम रूम बनाया था, इंटरनेट का इश्यू हुआ, स्ट्रीम ऑफलाइन गई ऑनलाइन हुई, ऑफलाइन गई ऑनलाइन हुई, वो कस्टम रूम उड़ गया। अब वापस एक कस्टम रूम बनाया जाएगा सोलो, वापस से बनाया जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, बना देते हैं वापस से। और जो लोग वो कस्टम रूम में, कृपया करके लेफ्ट कर लीजिए, क्योंकि अब तो वो ख़त्म ही हो गया, पता नहीं क्यों भैया ऐसा क्या हुआ रे। चलो रूम बन चुका है, वापस से रूम बन चुका है, इसका आईडी और पासवर्ड मैं चैट पे अभी दे देता हूँ, क्योंकि पहले चैनल के मेंबर को दे देता हूँ। Doo doo.
वापस से मोबाइल ओनली है और ओनली मोबाइल वाला ही कस्टम होने वाला है आज। एमुलेटर वाला शायद फेल कभी होएगा या नहीं होएगा मालूम नहीं, पर देखते हैं। पाजी मैं रह गया, अरे आओ समर्थ आओ आओ, डिस्कॉर्ड पे आईडी पासवर्ड मैं देने लगा हूँ, अगर तुमने अभी तक लिंक नहीं किया हुआ तो दिक्कत वाली बात है। आईडी पासवर्ड मैं चैनल मेंबर को दे रहा हूँ, आईडी पासवर्ड आईडी है अरे यार ये ऑल टैप करो क्या हो जाता है, ओके मेंबर ओनली मोड जो है मेंबर है वहां पे, स्पॉन्सर ओनली में डिस्कॉर्ड पे जा चुका है। एमुलेटर वाला आया तो मैं किक करूंगा, सबको किक करूंगा अगर एमुलेटर वाला आया तो, उसकी चिंता आप मत करो, और मेरा काम है एमुलेटर वालों को निकाल लेगा। ऑफलाइन अगेन क्या बात कर रहे हो भैया, क्या बात कर रहे हो, चलो एक काम कर रहा हूँ मैं वापस से आईडी पासवर्ड इंस्टाग्राम पर ही दे रहा हूँ, मुझे फॉलो करो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और मैं आईडी पासवर्ड अब देने लगा हूँ इंस्टाग्राम पे, टाइप किया जाए और मेंबर ओनली मोड किया जाए। थोड़ा डिले हो गया क्योंकि मैंने तो आईडी पासवर्ड दे दिया था, लोग 100 लोग ज्वाइन भी हो गए थे, पर चालू इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा नेट चला गया था। तो चलिए आईडी लिख देता हूँ मैं, आईडी पासवर्ड लोगों को मिलेगा इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, जो लोग पूछ रहे हैं आईडी पासवर्ड मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, स्टोरी पे मिलेगा आपको। आईडी है 2653912, पासवर्ड है इंस्टाग्राम पे जाके देख लो, फॉलो भी करो। ओके 1 2 3 1 2 3 गो, इंस्टा पे स्टोरी डल चुकी है, कस्टम रूम बन चुका है, आईडी पासवर्ड लोगों को दे चुका हूँ, आ जाइए सारे। मेंबर ओनली मोड क्या बात कर रहे हो, अरे भैया 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 भैया, ओके डन 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 डन, हो गया मेंबर ओनली मोड हो गया, चलो ठीक है आ जाइए सारे लोग, 85 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सारे लोग आ जाइए और भी जो हैं, ओके 100 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं मेंबर ओनली मोड बंद कर देता हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, क्योंकि अभी बहुत सारे कस्टम रूम बनने वाले हैं और सारे के सारे आईडी पासवर्ड आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर। तो चलिए ओके बढ़िया बढ़िया, अब देख लेते हैं एमुलेटर वाले कोई अगर आए हैं तो उनको किक किया जाए, तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा मोबाइल वाला, अभी तक फिलहाल ठीक लग रहा है मुझे। और ओके कोई एमुलेटर वाला नहीं, गेम हो चुका है चालू। चलिए अब तहलका मचाओ सारे लोग, पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा इंस्टाग्राम पर, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आईडी है रमन चोपड़ा 7, या तो लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, या तो नॉर्मल सीधा इंस्टाग्राम पे जाके रमन चोपड़ा 7 लिखिए, मेरा आईडी आएगा, प्रोफाइल आएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा जो गोला है ना स्टोरी का, पिंक दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 100 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 87 अलाइव दिख रहे मुझे, क्यों ओके लोग अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। अरे मैं किक हो गया, अरे अब ये तो आपका कुछ ग्लिच हुआ होगा, या तो आपने बहुत उंगलियां चलाई होंगी इसीलिए निकल गए होंगे, क्योंकि कस्टम रूम का यही होता, अगर आप किसी की फ़ोटो देख रहे हो, किसी की प्रोफाइल ओपन कर रहे हो बार बार, तो आपको पता नहीं किक कर देता है ये पबजी मोबाइल, क्यों करता है मुझे नहीं मालूम पर कर देता है।
थूक वाला स्टिकर हटा देते हैं। अरे भैया, अरे इसको निकालना है, अरे भैया, अरे इसी के चक्कर में मैं निकल गया भैया, निकल गया, स्टिकर निकाल दिया। चलो जी, घमासान महायुद्ध चालू किया जाए। अरे गए भाई, अरे कोई नहीं, अगले में आ जाना, अभी मैं और बनाने वाला हूँ। मैं भाई एटलीस्ट 5 बजे तक मिनिमम हूँ, 5-5:30 बजे तक, मतलब जितने बन गए आप आओ। अरे भैया, स्पार्श का प्लेन आया है, 100 मुकेश के ऊपर प्लेन है स्पार्श का, क्या बात है, कुछ नया चीज़ मुझे देखने को मिला है। यहाँ पे प्लेन आया है स्पार्श का, शायद मुकेश के मिशन पेंडिंग होंगे और स्पार्श ने सारे मिशन कंप्लीट कर लिए, इसीलिए प्लेन आया है स्पार्श का, क्या बात है, ये तो ऐसी चीज़ मैंने पहली बार देखी है। ऑफलाइन क्या भैया, कहाँ ऑफलाइन हूँ मैं यार, कहाँ ऑफलाइन हूँ भाई, मैं ऑनलाइन हूँ यार, अब तो नेट वेट कुछ नहीं गया मेरा, लाइव आई एम लाइव, नो इशू, कोई इशू नहीं, सब चालू, ग्रीन टकाटक एकदम। ओके, तो ये प्लेन जा रहा है जरखी से मिलिट्री बेस। मैं इंटरेस्टेड हूँ जॉर्ज पुल देखने में, मिलिट्री देखने में और नोवो देखने में, बाकी और भी सस्ती सस्ती जगह जरखी, अरे जरखी पे भी लोग जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो क्रिश। मैं भी क्रिश हूँ, तुम भी क्रिश, हम सारे क्रिश हैं, 3-3 लोग जरखी पे उतरे हैं, यहाँ पे उतर रहे हैं क्रिश, और ये जा रहे हैं। क्या गेम का साउंड कहाँ गया अभी, गेम का साउंड कहाँ गया रे, आया आया गेम का साउंड आया। यहाँ पे क्रिश उतरे हैं जरखी पे, और यहाँ पे उतरे हैं डार्क ओनर। अरे भाई, ये तो मुर्गे वाला कपड़ा है ना, मुर्गे वाला, अलम चिकन, इसको मारो बे, तंदूरी बना के खाएंगे। यहाँ पे है प्रियंका, ओहो ये भी यहीं पे जरखी पे है, तो और 22 नंबर वाला इनके साथ में, 22 नंबर वाला मतलब अभी एकदम से कोई मरने वाला है। अरे ये डार्क ओनर यहाँ पे है, और इसने शायद स्पॉट कर लिया है कि कोई तो बंदा ये घर में है, और यहाँ पे प्रियंका को देख लिया है डार्क ओनर ने, शायद ग्रेनेड अभी किसी के पास नहीं होएगा, तो नेड तो कोई कर ही नहीं पाएगा, पर अभी कोई ना कोई तो मरने वाला, या तो वो प्रियंका मरने वाली है या ये डार्क ओनर, और इसके पास ग्रेनेड है, और यहाँ पे नेड कुक किया जा रहा है, और प्रियंका ने अपनी जगह बदल ली, और यहाँ पे उसे पता चल गया, चलने की आवाज़ें आ गई कि बंदा जगह चेंज कर चुका है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे प्रियंका अभी भी थोड़ी हक्की बक्की हुई पड़ेगी, यार बंदा है नीचे, क्या कर रहा है, और यहाँ पे डार्क ओनर वापस से ग्रेनेड को कुक करने की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया नेड किया, और प्रियंका को नहीं पता चला, और प्रियंका यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म। अब मुझे नहीं मालूम, नेड आने की आवाज़ आ जाती है, प्रियंका नेड आने के बाद भी बिल्कुल मूव नहीं करी, या तो वो एएफके चली गई, या तो कुछ तो हुआ, पर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। और यहाँ पे फाइट हो रही है 43 और नोवो, यहाँ पे बंदा ख़त्म हो चुका है, और नोवो में देखा जाए, नोवो में क्या सीन है, सामने आमने सामने फाइट हो रहा है, और यहाँ पे जय ने ख़त्म किया है कीरत को, और बहुत सारे लोग जॉर्ज पुल पे हैं, अलग अलग जगह पे हैं, सारे लोग बिखरे पड़े इधर उधर। यहाँ पे हम देख रहे हैं, स्पेक्टेट कर रहे हैं गौरव को, इसके आजू बाजू काफ़ी लोग हैं वैसे, तो हम जाएंगे चील की नज़र से लोगों को देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितने लोग हैं। यहाँ पे किलर ने शायद स्पॉट कर लिया है गौरव को, और किलर एम लेके बैठे हुए हैं कि गौरव अगर कंटेनर के ऊपर आए तो मैं टॉमी का स्प्रे दूंगा, और गौरव धीरे धीरे कंटेनर के नीचे लूट करके अभी आगे जा रहे हैं, और किलर का पूरा एम बना पड़ा हुआ है क्या ये गौरव को, और यहाँ पे पीछे बंदा आ चुका है इनके एजेंट, और एजेंट इनको शायद ख़त्म करने वाला है, क्योंकि किलर का मुझे टोटली वो व्यू पहले से लग गया था कि भाई ये मरेगा, क्योंकि जब बंदा अगर आ गया है तो बंदे को फोकस राइट पे देना चाहिए, क्योंकि बंदा राइट पे है, वो टोटली कहीं आगे देख रहे थे। तो यहाँ पे एजेंट ने ख़त्म कर लिया, और एजेंट ने स्पॉट कर लिया गौरव को भी कंटेनर के ऊपर, और मिनी है तो ये ख़त्म कर सकते हैं गौरव को, पर नाकाम रहे, एक गोली चलाई जो कि कंटेनर को टक्कर मार के नीचे गिर गई, और यहाँ पे अभी गौरव छलांग मारते मारते अलग अलग कंटेनर पे कूद कूद के आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे एजेंट ने निकाल दिया UMP V6X स्कोप, और हो सकता है चांस है कि ये गौरव को ख़त्म कर दें,
और गौरव को देखा जाए, गौरव अभी क्या सोच विचार में अटके पड़े और यहाँ पे ग्रेनेड आ चुका है और इनके पास में कोई रश कर लिया और यहाँ पे आ चुके हैं आरव, आरव आ चुके हैं कार 98 के, आरव आ चुके हैं यहाँ पे और इन्होंने स्पॉट कर लिया है एजेंट को और यहाँ पे इनके हाथ में है M4 और ये धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश देखना चाह रहे हैं, TPP का पूरा लाभ उठा रहे हैं और इन्हें स्पॉट हो चुका है कि डब्बों के पीछे है एजेंट और वहाँ पे एजेंट ने किया है कुक करके ग्रेनेड और यहाँ पे देखेंगे ये बचेंगे नहीं बचेंगे और यहाँ पे नेड किया गया और सही समय पे आरव बाहर आ गए हैं और यहाँ पे आरव अभी देखते हैं क्या एजेंट को ख़त्म कर पाएंगे या एजेंट आरव को ख़त्म करेगा और यहाँ धीरे धीरे आरव आगे रश करने की कोशिश करें, इनको प्री फायर करना पड़ेगा अगर ये आगे जाएंगे तो। और जैसा मैंने कहा इन्होंने सेम वैसा ही किया, अगर ये आगे रश करें तो इनको प्री फायर करना पड़ेगा और वही चीज़ इन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई और सीधा जाके प्री फायर किया और पता भी नहीं लगा सामने वाले को एजेंट को कि भाई बंदा आ गया, कब मार के चला गया। और यहाँ पे आरव बहुत बढ़िया खेले, क्या बात कर रहे हो, नाइस। और यहाँ पे गौरव अभी भी कैंप कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि बंदे मेरे काफ़ी आगे हैं और ये कोई फाइट वगैरह लेना नहीं चाह रहे, ये कंटेनर के पीछे भी फिलहाल गुमसुम चुप चाप बैठा रहना चाहते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं विनीत को जो कि थोड़ी आसमान में VSS देख रहे हैं, पता नहीं क्यों उन्हें शायद दुबे जी दिख गए। और यहाँ पे है खौफनाक जो कि है गणेश और ये कर रहे हैं स्मोक और ये इन्होंने स्मोक किया है बग्गी पे, शायद ये बग्गी लेके कहीं जाने के सोच विचार में है और इन्हें पता चल चुका है कि बंदा एक सामने और चलने की आवाज़ आ रही है, मुझे भी आ रही है, कोई तो इनके पास में है बहुत करीब है और इन्होंने उठा ली है बग्गी और यहाँ से निकल लिए हैं और यहाँ पे गाना बज रहे हैं जो कि मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और यहाँ पे अभी चार लोग ही बचे हैं तो हम जाएंगे कोई दूसरी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आपस में भिड़ गए हैं, तो हम देखेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और वो जगह है ये, यहाँ पे है शिवा OP जो कि किसी पे एम कर रहे हैं, बॉट आयुष और इनके पास है कार 98 विद 6X स्कोप आई थिंक, ओके मैं देख नहीं पा रहा सही से, ओके लेट मी चेक, पता नहीं छुपा रहे हैं, ओके इनका व्यू बना है और देखते हैं हम इनके व्यू से देखेंगे, इनके पास 6X स्कोप है और यहाँ पे ये बॉट आयुष को स्पॉट कर चुके हैं और बॉट आयुष शायद मर सकते हैं और इनके पास में बहुत करीब एक बंदा एक और है जो कि इन्फर्नो जो कि करीब तो नहीं है पर थोड़ा दूर है जो कि है अभी फ़िलहाल अपार्टमेंट में, शिवा OP है यहाँ पे और शिवा OP स्कूल में है और वो है अपार्टमेंट में, कहीं और जाएं और यहाँ पे फाइट हो रहा है रोजोक पे और यहाँ पे फर्स्ट एड लगाया जा रहा है और यहाँ पे अमृत वर्सेस डेडल सिंह इन दोनों की फाइट हो चुकी है, हम देखेंगे अमृत का व्यू देखेंगे क्योंकि इन दोनों को फाइट हुआ है और सिंह को काफ़ी डैमेज हुआ था तो देखते हैं। 6X था वो, मैंने एक्सपेक्टेड किया। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टेक्निकल इजी 20 रुपीज़ सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग भी स्ट्रीम देख रहे हैं जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कृपया करके सारे मिलकर लाइक कर लीजिए और अगर कोई भी चैनल पे नया है तो सारे मिलकर अभी का भी सब्सक्राइब करिए क्योंकि अपना सब गोल बहुत करीब है और ये काउंटर है, सारे लोग जब सब्सक्राइब करेंगे ये जो काउंटर है ना सन करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया अमृत ने फ्लैंक किया है पर ये अभी सोच विचार में बंदा कहाँ पे और बंदा इनके सामने है, अगर सिंह ने स्पॉट कर लिया अमृत को बहुत बढ़िया आराम से ख़त्म कर सकते हैं पर इसका फोकस अभी फ़िलहाल पता नहीं कहाँ पे, हाथ में पैन लेके बैठे हुए हैं, इनके पास शायद गन है, नहीं है क्या, गन है और यहाँ पे जस्ट बाहर बंदा है, क्लियर किल है अगर ये इन्होंने स्पॉट कर लिया तो, पर ये स्पॉट नहीं कर पा रहे, क्या हो गया इनको पता नहीं, थोड़ा अक्के बक्के हुए पड़े हैं ये और ये जगह चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे अमृत ने अभी तक स्पॉट नहीं किया किसी को, बहुत बहुत शुक्रिया आदि SS 20 रुपीज़ सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमृत को पता तो चल चुका है बंदा कहाँ पे, ये वाले घर में है, ये जस्ट व्यू लेना चाह रहे हैं कि बंदा ऊपर आया तो भाई मैं AKM का टोटल इस पर स्प्रे करूँगा, पर सिंह जो है बस सिर्फ जगह चेंज करे जा रहे हैं, आगे पीछे पीछे आगे आगे पीछे और वहाँ पे इन्फर्नो है जो कि मिनी टावर से गोली मार रहे हैं और इन्फर्नो को हम देखेंगे अभी फ़िलहाल, इन्फर्नो लगा के बैठे हैं AKM पे 4X और शायद सिंगल चलाएंगे ये टकाटक टकाटक और इनके पास में कोई गाड़ी आ गई है जो कि आ चुकी है ये नंबर 99 और एकदम करीब आ चुके हैं और यहाँ पे देखा जाएगा ये
इन्फर्नो आरपीजी को मारेंगे या आरपीजी गाड़ी लेके चल लेंगे। तो आरपीजी गाड़ी लेके जा चुके हैं मेरे हिसाब से, जा रहे हैं ड्रॉप के पास, पर बीच रास्ते में इनको मिल गया है एक बंदा जो कि शायद इन्हें मारेगा, पर उसने एक गोली भी इन पर नहीं चलाई जो कि चला सकता था और शायद मार भी सकता था। तो ये ड्रॉप पे आ चुके हैं, ड्रॉप टोटली क्लियर है अभी और ड्रॉप पहले से ही लूटेड है, ड्रॉप में कुछ नहीं बचा हुआ। तो गाड़ी इनकी वेस्ट हो गई टोटली, अभी वापस से वही खौफनाक ब्रिज के वहाँ से जा रहे हैं। बंदा यहाँ पे एक जन कैंप कर रहा है और ये यहाँ से निकल पड़े पर कोई गोलियाँ नहीं चली इन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया पबजी मोबाइल 20 रुपीज़ सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब हम कहीं और जाएँ जहाँ पर बहुत सारे बंदे मिले मुझे यार। अभी मैप बहुत बड़ा है, जोन बहुत बड़ा है, तो थोड़ा समय लगेगा। कहाँ पे है बहुत सारे लोग, किधर है? अभी हर जगह लोग एक एक दो दो, अभी यहाँ पे दो जन एक साथ क्या कर रहे हैं? ओके, निक्कू वर्सेस निखिल शर्मा, क्या बात है, मुंबई का निखिल भी गेम में आ गए। ओके, एकदम आमने सामने फाइट है शायद। हाँ, ये तो मज़ेदार है, चलो लड़ो लड़ो। ग्रेनेड, अरे गया छोरा। और बंदे के पास कोई चारा नहीं नीचे कूदने के अलावा। दो दो ग्रेनेड, गया गया। ओके, बहुत गंदा व्यू लेके बैठा हुआ निक, अगर स्प्रे करे तो मर सकता। ओ मोलोटोव, तो खत्म 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 खत्म, अरे खत्म। लगी आग, लगी आग, लगी 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 लगी, अरे नहीं लगी, बच गया एक, बिल्कुल आग नहीं लगा। और इसको लग रहा है कि शायद आग लग चुकी है उसको, तो ये रश करने की कोशिश कर रहा है। अरे निखिल वर्सेस निक्कू, कौन मारेगा? निखिल मुझे ज़्यादा खौफनाक लग रहा है क्योंकि बैक टू बैक नेड करे जा रहा है, मारे जा रहा है, और ये मार देगा। मार दिया, मार देगा नहीं, मार दिया निक्कू ने, मार दिया निक्का लोडियन, नाइस, बहुत बढ़िया उंदा। हम चलते हैं कहीं और जगह जहाँ पे दो लोग आपस में हो। और यहाँ पे आया है एक ड्रॉप जो कि ड्रॉप गिरा नहीं, पर ड्रॉप लूटने को बंदे पहले आ गए हैं। जैसे कहते हैं गाँव बसा नहीं, हाँ कुछ ज़्यादा हो जाएगा, छोड़ो मैं तो मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे है MK-14 सप्रेसर, AR लेवल 3 का हेलमेट, वेस्ट, बैग एंड गिली सूट। और यहाँ पे अभी है नीचे जो कि ड्रॉप के ऊपर पहले ही मतलब नीचे आ चुके हैं और देख रहे हैं ड्रॉप को ऊपर ऊपर। आजा 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 कर रहे हैं। और इनके आजू बाजू कोई बंदा नहीं है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगला डुओ करना, दिखते हैं भाई अगला डुओ करना होगा तो। बाय द वे बहुत बहुत शुक्रिया 100 रुपीज़ सुपर चैट के लिए, अगले में ऐड कर लेना। ओके तेगवीर, तो ये ड्रॉप लूट चुके हैं और इन्होंने MK-14 नहीं उठाई, उठाई क्या मैं देख ही नहीं पाया सुपर चैट के चक्कर में। चलो कोई नहीं, अब हम कहीं और जाएं, जोन छोटा हो जाए जल्दी यार, छोटा हो जा रहा है छोटा। ओके, यहाँ पे अमनप्रीत आ रहा है ब्रिज के यहाँ से, हाँ, और आगे ब्रिज कैंपिंग हो रही है। और ये देखते हैं ब्रिज कैंपिंग का क्या सीन है, आगे जाता है यहाँ पे, ये कौन कर रहा है ब्रिज कैंपिंग? स्पेक्टेट। ओके, तो ब्रिज कैंपिंग करी जा रही है पर व्यू कहीं और है बंदे का, पीछे वाले घर पे बंदा है और पीछे ब्रिज पे है अमनप्रीत। तो ब्रिज कैंपिंग शायद करी जा रही थी यहाँ से, पर बंदे का फोकस नहीं है। अगर अमनप्रीत ये समय पर आ जाए, ये आराम से इस बंदे को मार सकता है जो कि पेट्रोल पंप पे कर रहा है कैंपिंग और मार रहा है सामने घर पे बंदे को। और इसने कवर ले लिया, अब कवर लेके अब फोकस इसका शायद ब्रिज पे आ गया है। ऑफिशियल जे, ओके, ये स्ट्रीम देख रहे हैं, ये हेलो कह रहे हैं मुझे, हेलो ऑफिशियल जे। तो ये स्ट्रीम देख रहे हैं तो इन्हें अमनप्रीत के बारे में पूरा पता चल चुका है कि एक बंदा वहाँ पे छुप गया है। तो अब इनका फोकस पूरा यहाँ पे हो गया, तो अब ये तो चीज़ मैं नहीं करूँगा। और अमनप्रीत को लगा कि बंदा छुप चुका है और यहाँ पे अमनप्रीत को मारने लग गए हैं। और ये रहा इनका टोटली पूरा फोकस और ये चले गए हैं पीछे और अमनप्रीत वहाँ पे बच गए, मरते मरते बच गए। अब हम कहीं और जाएंगे जहाँ पे बहुत करीब लोग हैं। यहाँ पे श्राउड, क्या बात है, श्राउड ने हाइड्रा ज्वाइन कर लिया, क्या बात है, बताया नहीं मुझे। अगर ये शेल्टर के अंदर छुपे हुए हैं और इसके ऊपर भी शायद कहीं पर लोग हैं बहुत करीब। और वो है यहाँ पे स्लो पॉइजन जो कि धीमे धीरे धीरे जहर, इनका नाम है धीरे से जहर या धीमा जहर, हाँ धीमा जहर सही नाम रहेगा इनका अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें, स्लो पॉइजन धीमा जहर। कैंप कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, बड़े आराम से कैंप कर रहे हैं।
खूखार, अरे भैया क्या नाम है, खूखार 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 एकदम खूखार तरीके से खुले मैदान में भाग रहे हैं और कोई डरने की कोई बात नहीं है। एक बंदा है अरे पर सामने लेटा हुआ है और ये वहीं पे जा रहे हैं। अब ये खूखार एक्चुअल में खूखार हैं या क्या? अरे इनके पास एक्स है, क्या बात है, स्किन तो बहुत बढ़िया इनके पास, सिक्कल है या क्रोबार है जो भी, पर जो भी एक्स बना हुआ है। और ये घर में रश करने लगे हैं और शायद अगर इनके पास ग्रेनेड हो तो शायद ग्रेनेड करें। अब ये इनको आवाज़ आ चुकी है, बंदा कन्फर्म है और इनके पास नेड है, कुक करके बंदा मर सकता, बंदे को आवाज़ आ गई कि कोई नेड कर रहा है और बच गए। और खोखार धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, रश करें। और ये मर गया, किलफीड क्यों नहीं आया पता नहीं भाई, मुझे किलफीड ही नहीं आया, क्या था भाई ये? गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी 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 और ये गाड़ी यहाँ पे रुकेगी और ये गाड़ी रुक गई और ये ऊपर जाएगा उसको नहीं पता लगेगा। चल ऊपर बंदा, छोरे मर जाएंगे रे। अरे भाई खूखार एक्चुअल में खूखार नहीं थे, उनको पता ही नहीं चला कि एक गाड़ी आई है। हाँ नहीं आया, नहीं आया, आया था, आया था, अच्छा मुझे नहीं दिखा था, चलो कोई नहीं, मैं शायद मिस कर दिया, कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं। पर खूखार इतना लूट में बिजी थे, गाड़ी की मुझे आवाज़ आ गई, मैंने देखी नहीं, मुझे गाड़ी की आवाज़ आ गई, फिर गाड़ी देखी नीचे रुकी, बंदा ऊपर रश कर रहा है और खूखार अभी भी लूट मचा रहे थे, मचाएंगे बंदे उड़ाएंगे, वो सीन हो गया। चलो कोई नहीं, अभी 35 लोग बाकी हैं और यहाँ पे मून वॉक किया जा रहा है और सब लोग अलग अलग घर में हैं अभी फ़िलहाल, बहुत अलग अलग घर में हैं। अगला हम लगाएंगे डुओ या स्क्वाड लगाएंगे ताकि घमासान महायुद्ध हो, जो कि यहाँ पे अभी हो रहा है। और यहाँ पे डेड ऑफ राइट के पास है M249 और ये बंदे को स्पॉट कर चुके हैं जो कि है सामने, और जो है अमे और है मुकेश और पता नहीं कौन है। तो देखेंगे ये घर में पूरा व्यू ले रहे हैं और अमे को देखा जाएगा, अमे क्या कर रहे हैं, अमे यहाँ पे लेटे हुए हैं और मुकेश रोड पे से जा रहे हैं और अमे गोली मार रहे हैं मुकेश को और ये फायर किया गया और मुकेश अपनी जान बचाते हुए बच गए। और यहाँ पे डेड फायर एम ले रहे हैं मुकेश पे, अमे ले रहे हैं डेड फायर पे, तो दोनों में से कोई एकदम से मर सकता है। मुकेश बहुत गंदे पोजीशन में, मरने के पूरे चांस है, पर मुकेश ने अमे को मार दिया, पर जो डेड फायर है उनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया मुकेश पे, नहीं तो बड़े आराम से मुकेश को ये ख़त्म कर सकते थे। तो मुकेश का लक था कि बंदे ने उनको स्पॉट नहीं किया और बच गए यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी दो लोग एक साथ आ रहे हैं, कैसे बे, पीछे 39 यहाँ पे 79, ये क्या है, एक मिनट व्यू ऊपर करो, ओके ये शायद टीम अप किया गया, ओके ये टीम अप किया गया। मैं जैसे वही बोलूँ, दो लोग एक साथ कैसे भाग रहे हैं जबकि मर जाना चाहिए। यहाँ पे हनी जोशी जो कि चीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे क्या नाम है इनका, क्या नाम है, पढ़ने तो दे छोरे, चुन्नू, हाँ चुन्नू, चुन्नू ये लोग कर रहे हैं चीटिंग, चीटिंग हुई जा रही है, सोलो में किया गया है टीम अप। तो अगर आपको चुन्नू या हनी में से कोई भी मारे आप इनको रिपोर्ट कर सकते हो टीम अप के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे टीम अप हो रहा है और यहाँ पे आरपीजी आ चुका है, आरपीजी ख़त्म कर दो दोनों को, पर आरपीजी आगे जाते जाते पीछे चला गया है तो ये बग्गी लेने जा रहा है। अगर ये बग्गी लेके आगे गया तो ये दोनों ने अगर फायर किया तो दोनों मरेंगे, तो देखते हैं क्या होगा, क्या आरपीजी इनके सामने से जाएंगे या गोल घूम के कहीं और निकल जाएंगे, जाएंगे निकल गए, जगह ही चेंज हो गया, चलो कहीं और जाओ। यहाँ पे ड्रॉप आया हुआ है, ये किसी ने लूटा है, ओके ऑलरेडी लूटेड है। और यहाँ पे स्क्रिलेक्स और स्वराज वापस से पिछले में ये टोटल टॉप 5 में सेम लोग थे, पर पिछले में स्क्रिलेक्स मर गया था और इस बार स्वराज मरा है ना, हाँ। अरे नहीं, अरे इस बार, अरे ये क्या हुआ था बे, ओके इस बार भी स्क्रिलेक्स मर गए और स्वराज बच गए हैं, क्या बात है,
दोनों की वापस से सेम फाइट हुई। पहले पिछले घर में स्वराज थे, स्क्रिलेक्स, दोनों की फाइट हुई। कौन स्क्रिलेक्स मर गया, किसने मारा पता नहीं, पर मर गया था वो। वापस से फाइट हुई, स्वराज फिर से जिंदा है। और ड्रॉप आ चुका है यहाँ पे डार्क ओनर, जो कि प्रिजन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे ऑफिशियल जय को देख रहे हैं। शायद ये स्पॉट कर चुके उसे और ऑफिशियल जय धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और देखने वाले हैं। शायद इनका चांस है मरने का काफ़ी, क्योंकि डार्क ओनर का पूरा व्यू ऊपर ही है और इन्होंने भी शायद बंदे को देख लिया और बंदे को स्पॉट कर लिया ऑफिशियल जय ने, पर जो शॉट लगाया है वो मिस हो गया। तो एम किया जा रहा है और अब शायद एम करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये काफ़ी राइट साइड पे आ चुके हैं, तो यहाँ से इनको एम मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हम चलते हैं कहीं और जहाँ पे बहुत सारे बंदे आ चुके हैं इकट्ठे। तो यहाँ पे भी दो लोग हैं इकट्ठे, एक बार चेक किया जाए। 89, अरे नहीं, ओके ये रहे कौन, ये वाले लोग, ये कौन है, अरे ये वही लोग है, चुन्नू मुन्नू। अरे चुन्नू मुन्नू, अरे चुन्नू मुन्नू क्या कर रहे हो, टीम अप कर रहे हो चुन्नू मुन्नू, अरे चुन्नू मुन्नू टीम अप कर रहे हो, अरे कोई हनी चुन्नू मुन्नू कोई मारे भाई, रिपोर्ट मारो। यहाँ पे मनन किलर ने ख़त्म किया है जय को कार 98 से और यहाँ पे रीलोड कर रहे हैं और बहुत करीब करीब लोग हैं। और यहाँ पे मुकेश खुले मैदान में भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे एक्चुअल में, इनके पास गाड़ी है। और चुन्नू मुन्नू लेफ्ट साइड पे ही हैं, पर घर में दोनों बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। और शेक के अंदर है मनन और मुकेश, अरे गन दिख गई है, मुकेश को गन दिख चुकी है और बंदा भी उन्होंने स्पॉट कर लिया है। और यहाँ पे नेट करें, जैसे ही नेट करेंगे मनन भागेगा, जो कि गलत होएगा। मनन जैसे ही निकलेगा प्री फायर करेगा और मुकेश मर सकता है, और वही चीज़ हुई है। और यहाँ पे देखा, ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी मुझे हमेशा मालूम रहती है, क्योंकि अगर जब आप एकदम करीब से नेट करते हो ना, बंदे को आवाज़ आ जाता है और आपको नेट कुक करने में कम से कम 6 से 7 सेकेंड लग जाते हैं। तो होता क्या, जब आपके हाथ में नेट आता है, अब जब नेट को हटाने जाते हो ना, हटाने में और गन वापस से लाने में समय लग जाता है, पर जो शेक वाला बंदा होता है वो एकदम से निकल के, क्योंकि उसके हाथ में पहले से गन होता है, वो प्री फायर कर देता है। तो मैं पहली समझ गया था, क्योंकि मुकेश ने जो नेट लिया ना और एकदम करीब में, वो पहली गलत था और मैं समझ गया था मुकेश मरेगा। तो वहाँ पे मुकेश की गलती थी कि वो नेट कर रहे थे, शायद वो रश भी कर सकते थे सीधा, या तो काफ़ी दूर जाके नेट पहले कुक कर सकते थे। बाजी नेड 5 सेकंड में फूट जाता है, तो जो 6-7 सेकंड बोला उसको 5 कर लेते हैं, बात ख़त्म। मैं एक एस्टिमेटेड टाइम बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सारे लोग जोन में एंटर हो रहे हैं। तो मनन के पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, मुकेश अपनी जान देके, बग्गी देके मनन को देके आए हैं, और मनन उनकी बग्गी उठा के जा रहे हैं। और यहाँ पे एक और बंदा जा रहा है इनके साथ में, जो कि सेवांश या पता नहीं क्या नाम लिखा है, मैं ठीक से रीड नहीं कर पाया। और दोनों आगे पीछे हैं, एकदम आगे पीछे, अगर कोई रुका तो। यहाँ पे सेवांश ने जगह बदल ली अपनी, और रुक तो गए हैं पर जगह बदल ली इन्होंने और बच गए हैं। हम चलेंगे, और इनके पीछे बंदा आ चुका है, इनके पीछे बंदा आ चुका है, इनके पीछे बंदा आ चुका है। और यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक और बंदा आया है और ये है मनन। और यहाँ पे सेवांश ने स्पॉट कर लिया मनन को, अब देखते हैं सेवांश मनन क्या करेंगे। और यहाँ पे मनन किलर रुक चुके हैं सामने वाले घरों में, और यहाँ पे बैरल ओपी, अब दोनों का फाइट होएगा चालू। और यहाँ पे उन्होंने स्पॉट कर लिया और वो बग्गी में बैठ गए। और यहाँ पे कार लैंडेड का शॉट काफ़ी मिस हुआ और काफ़ी मूवमेंट हो रहा है। ये मेरे हिसाब से जायरोस्कोप यूज़ करें, क्योंकि जो इनका मूवमेंट हो रहा है ना, वो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं, वो अगर आप मोबाइल पे जायरोस्कोप ऑन करके खेलेंगे ना, अगर आप ऐसे फ़ोन हिला रहे हो तो तभी आपका ऐसा मूवमेंट आएगा। तो इन्होंने 100% जायरोस्कोप ऑन किया हुआ है। और मनन किलर पीछे पड़ गए हैं सेवांश के, और इनके पीछे कोई और पड़ गया है, जो कि देखते हैं कौन है। प्लीज़ अगला डुओ, ओके स्पार्क्स, और बहुत बहुत शुक्रिया 20 रुपीज़ सुपर चैट के लिए। और यहाँ पे मनन उतर चुके हैं और यहाँ पे सेवांश बग्गी में बैठ गए वापस से, और यहाँ पे सेवांश बग्गी लेके निकल चुके हैं। और यहाँ पे प्रफुल वापस से गाड़ी लेके, ओके आरपीजी यहाँ पे देख रहे प्रफुल को, और प्रफुल अभी भी गाड़ी घुमा रहे, जैसे पिछले मैच में ये गाड़ी घुमा रहे थे और बच गए थे। तो इन्हें नहीं मालूम इनके पास में काफ़ी सारे बंदे हैं, और यहाँ पे इनके सामने एक जन नहीं है, चुन्नू मुन्नू एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। तो प्रफुल को नहीं मालूम कि इसके गाड़ी में दो लोग बैठे, अगर ये गाड़ी के पास भी चले जाएंगे तो चुन्नू मुन्नू इनको ख़त्म कर देंगे, जो कि टीम अप कर रहे हैं हनी एंड चुन्नू।
20 नहीं 40 रुपीस, बहुत बहुत शुक्रिया 40 रुपीस सुपर चैट के लिए स्पार्श दुबे। और ये क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी से उतर के ड्रॉप लूट रहे हैं जोन के बाहर, जो कि हो रहा है डैमेज पर बहुत करीब है, और मुझे कई लोग और दिख रहे हैं बहुत करीब गरीब। नहीं पाजी सोलो, ओके वैसे सोलो ज़्यादा ठीक रहेगा, देखते बाकी। और यहाँ पे अभी रिया किलफिड आया, रिया ने मारा है डार्क ओनर को। ओके मुकेश बहुत बहुत शुक्रिया 40 रुपीज़ सुपर चैट के लिए। तो यहाँ पे पबजी का क्रिश, क्या नाम है, प्रकाश, ओके प्रकाश, कॉपीराइट आएगा, चेंज करो। ओके इनको देखते चुन्नू मुन्नू को, जो कि एक ही गाड़ी में दो दो लोग जा रहे हैं। अगर कोई गाड़ी आएगी और सोचेगा ना कि यार गाड़ी है नहीं मार सकता बंदा, दो लोग बैठे हैं, एक गोली मारेगा एक गाड़ी चला रहा है। और यहाँ सामने एक बंदा, और ये गलत जगह पे जा रहे हैं, जगन यहाँ पे सामने खड़े हैं, और जगन को देखते हैं जगन ने क्या इनको स्पॉट किया है। तो जगन का तो नामो निशान बहुत अलग जगह है, जगन ने इनको स्पॉट नहीं किया। और मेरे ख्याल से चुन्नू मुन्नू को गोली लगी है, चुन्नू मुन्नू को गोली लगी है, चुन्नू मुन्नू को गोली लगी है। चुन्नू मुन्नू का एक बंदा है घायल, हनी, और ख़त्म करो भैया इनको, ख़त्म करो टू ओ पाजी। मैं देखता हूँ जो मेरा मन करेगा, मेरा टाइटल सोलो है शायद, नहीं है, हाँ सोलो है तो सोलो करेंगे। बाद में शुक्रिया 100 रुपीज़ सुपर चैट के लिए। तो चुन्नू मुन्नू बच गए हैं जान बचाते हुए, और यहाँ पे अच्छा मुझे लगा बाजू में लेटा हुआ है, डेड ऑफ वायर, राइट नॉट वायर, राइट। जगन यहाँ पे, चुन्नू मुन्नू यहाँ पे, मनन किलर, मनन किलर ने स्पॉट किया है शायद श्राउड को, जो कि पत्थर के पीछे है। बहुत बढ़िया कवर है इनके पास, इनके पास एक टावर है प्रॉपर जो कि पूरा कवर में है, एक बार प्रोन कर लो तो पूरा इनके पास कवर है। और श्राउड को देखा जा रहा है, और इनके पीछे जस्ट एक बंदा आ चुका है जो कि है ये है, जो कि है चुन्नू मुन्नू। गाड़ी लेके जा रहे हैं चुन्नू मुन्नू, और देखते हैं क्या चुन्नू मुन्नू टीम अप के बाद में जीत पाएंगे। मेरे हिसाब से ये लोग नहीं जीत सकते, क्योंकि जो जो सोलो में टीम अप करता है वो हर बार मरे ही मरा है, क्योंकि जब एक जन मरने वाला होता है ना, एक के साथ एक बोनस में फ्री मर जाता है, और कोई ना कोई तो मरेगा। और इन पे गोली आ चुकी है, गोली आ चुकी है, कोई ना कोई मारेगा इनको, मारो 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 मारो। तो यहाँ पे प्रफुल, प्रफुल ने गोली मारी थी चुन्नू मुन्नू को, पर बच गए चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू बच गए। और यहाँ पे प्रफुल ने शायद किसी को स्पॉट किया, जो कि स्वराज है वहाँ पे, पर स्वराज अभी भी फिलहाल जोन के बाहर हैं, पर पता नहीं क्यों अभी जोन के अंदर वो आ नहीं रहे। और यहाँ पे चुन्नू मुन्नू वापस से आ गए, चुन्नू को मालूम है, चुन्नू को भी मालूम है, मुन्नू को भी मालूम है कि भाई शेक के अंदर सिर्फ एक जन है तो हम लोग इनको मार सकते हैं। तो चुन्नू मुन्नू जस्ट बंदे को बैठा रहे हैं कि भाई हम गाड़ी लेके आएंगे, तू पीक ले, अपन तेरे को पेलेगा। और यहाँ पे आरपीजी को कुचलते कुचलते बच गए, और आरपीजी ने ख़त्म किया है चुन्नू को और मुन्नू को। कर लो टीम कैम, टीम कैम क्या कर रहे हो, टीम अप। यहाँ पे चुन्नू भी गिर गया, ये रहा चुन्नू, ये रहा मुन्नू, अब करो ताता तुन्ना, करो भैया, बहुत बढ़िया आरपीजी, वेल प्लेड, ऐसे ही मारो भैया जो टीम अप करे लोगों को। देखो मैंने पता क्या कहा था, ये चीज़ मैंने अभी शायद एक मिनट भी नहीं हुआ मैंने यही बोला, जो भी टीम अप करते हैं ना, एक के साथ एक बोनस में मर ही जाता है, होता यही है, क्योंकि जब आप फायर करते हो ना, एक के साथ दूसरा भी मर जाता है, तो टीम अप मत करो। और प्रफुल अभी भी यहाँ पे 8 लोग बाकी है जोन के बाहर है, प्रफुल, प्रफुल के पास कोई गाड़ी वाड़ी है, दो दो बग्गी है प्रफुल के पास, 99 नंबर कौन है अभी, और जो कि ये हैं अभी जो कि बहुत करीब है प्रफुल के, और लेटे हुए हैं, इन्हें शायद नहीं मालूम कि सामने मेरे प्रफुल है। और स्वराज ने मारा है श्राउड को, स्वराज अभी भी जोन के अंदर है, ओके वो जोन के अंदर है, अगला जोन 21 सेकंड में है, और इन्हें शायद स्पॉट हो गया बंदा। यहाँ पे दो दो बंदे हैं जो कि है अभी और प्रफुल, M24 का लाभ उठा सकते हैं, पर ये नहीं उठा पाए लाभ, क्योंकि जोन आ चुका है, इनको जोन में पहले टच होना पड़ेगा तभी फाइट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले इन्होंने फाइट ले ली और जोन पिछवाड़े का पप्पी ले लिया तो भैया इंजेक्शन नहीं लगेगा, बंदा मर जाएगा। और यहाँ पे जगन लेटे हुए हैं, जो शायद मेरे ख्याल से स्वराज को ख़त्म करेंगे, और जगन ने देख लिया है बंदा जा रहा है, और जगन धीरे धीरे उसके पीछे पीछे उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं क्राउच करके, पर काफ़ी काफ़ी लेट हो गए हैं। और यहाँ पे डेड ऑफ राइट ने ख़त्म कर दिया है स्वराज को प्रोन करके, और एक और गाड़ी आ गई है, और जगन पास में आ गया, और यहाँ पे जोन टच हो गया है डेड ऑफ राइट को। तो यहाँ पे तीन तीन लोग अलग अलग जगह पे आ चुके हैं,
तो डेड ऑफ राइट को डैमेज हो रहा है, वो उठ के आ चुके क्योंकि जोन ने उनकी ले ली है। पप्पी तो उठ के छलांग मार के आ रहे हैं आगे आगे, और यहाँ पे जगन ने शायद ख़त्म किया है किसी को, और यहाँ पे प्रफुल है और अभी है, और यहाँ पे अभी ने फायर किया है प्रफुल को। सारे लोग यहाँ पे भैया प्रोन करके लेट चुके हैं। यहाँ पे है आरपीजी, यहाँ पे है अभी, पांच लोग बाकी हैं, और जोन बहुत छोटा है और एकदम ओपन जोन है, तो सबके पास किसी के पास ऑलमोस्ट कवर वाला कोई सीन नहीं है। इक्का दुक्का पत्थर वत्थर मिल गया तो मिल गया। तो यहाँ पे है जगन, यहाँ पे है अभी, वहाँ पे है आरपीजी, ऊपर है डेड ऑफ राइट और यहाँ पे प्रफुल। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला फाइट होएगा प्रफुल और डेड ऑफ राइट का, क्योंकि दोनों आगे आगे आ रहे हैं, दोनों आगे आगे आ रहे हैं रिंग रिंग के। और यहाँ पे प्रफुल उठ गए और यहाँ पे डेड ऑफ राइट अभी भी रिंग रिंग के आगे आ रहे हैं। जगन का फोकस है प्रफुल पे और प्रफुल हक्के बक्के हो गए कि भाई मेरे को कौन मार रहा है, इधर से मार रहा है उधर से मार रहा है। और यहाँ पे प्रफुल ने घायल किया है डेड ऑफ राइट को और घायल के साथ साथ उनको कर लिया है ख़त्म। और साथ में आरपीजी जो उनके पीछे बंदे आ रहे थे अभी, उसको किया है ख़त्म। अब बचे हैं तीन लोग, जगन, प्रफुल और आरपीजी। तो यहाँ पे हम टॉप व्यू लेंगे, हर जगह स्मोक ही स्मोक है। यहाँ पे जगन और प्रफुल की फाइट हो रही है, जगन ऑलमोस्ट मरते मरते बच गए हैं और इनका काम तमाम होने वाला था पर बच गए, पर अभी भी ये मर सकते क्योंकि इनका कार लाइनटेड दिख रहा है। और परफेक्ट नेड किया गया है प्रफुल की तरफ से, वो भी कुक करके। जैसे ही नेड आया, जगन का कोई मूवमेंट नहीं दिखा, अगर मूवमेंट दिख भी जाता, भाग भी लेते 100% तब भी मर जाते। तो प्रफुल की तरफ से बहुत बढ़िया उमदा नेड, और यहाँ पे वन ऑन वन फाइट है आरपीजी वर्सेस प्रफुल। तो प्रफुल को मालूम है बंदा नीचे ही है, तो धीरे धीरे आगे जा रहा है क्योंकि गोलियों की आवाज़ पहले इनको मिनी मैप में आ चुकी होगी जब इन्होंने अभी को मारा था। अब प्रफुल रेंगते रेंगते आगे जा रहे जोन के अंदर, और आरपीजी ऑलरेडी जोन के अंदर है और ये भी जोन में, और यहाँ पे प्रॉपर एक स्मोक किया गया, काफ़ी स्मोक किया गया। अब ये स्मोक इनको दिक्कत ना कर दे आरपीजी को ढूंढने में, क्योंकि अगर आरपीजी ने पिक किया उसको रैंडम फायर करना है क्योंकि पूरा ओपन एरिया है, पर अगर प्रफुल को रैंडम फायर करना है तो आगे पत्थर है। और यहाँ पे मुझे शायद टॉप का व्यू लेना पड़ेगा, देखते हैं। और यहाँ पे इन्होंने रश कर लिया और ये प्री फायर किया गया और ये पड़ी, और ये प्रफुल जीते जीते हार गए क्योंकि फाइट हो रही थी दोनों के बीच में। आरपीजी के पास थे थी AKM, प्रफुल के पास थी M4। अगर प्रफुल के पास शायद AKM होती तो शायद वो जीत सकते थे, पर बहुत बढ़िया पिछला मैच प्रफुल जीते थे और इस वाला इस बार सेकेंड आए हैं, तो बहुत बढ़िया। और इस बार के विजेता हैं आरपीजी, तो मेरे ख्याल से हाईएस्ट किल भी शायद आरपीजी ने ही लिए हैं। तो हम चेकआउट कर लेते हैं कौन है हाईएस्ट किल वाला यहाँ पे, और चलो बढ़िया, हाईएस्ट किल हैं आरपीजी के, सेकंड नंबर पे हैं प्रफुल, थर्ड पे आए हैं जगन विद 0 किल। नाइस, चिकन डिनर हो गया प्राप्त, सब गोल हो गया कंप्लीट। 1450 लोग देख रहे हैं, कृपया करके सारे लोग लाइक करिए, और अगर कोई भी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए। अब मैं सब गोल को कर लेता हूँ चेंज, ले लीजिए, अगला सब गोल बन गया है माय फ्रेंड। अब वापस से बनेगा एक कस्टम रूम, आईडी पासवर्ड मिलेगा इंस्टाग्राम पे, और जो कह रहे मैं एमुलेटर वाला हूँ तो सॉरी, ये वाली स्ट्रीम ओनली फॉर जो मोबाइल के लोग हैं उनके लिए कस्टम रूम बन रहा है ओनली। वापस एक कस्टम रूम बनने वाला है सोलो, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, आईडी पासवर्ड मिलेगा ओनली ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आईडी आपके सामने है रमन चोपड़ा 7। या तो लिंक पे क्लिक करिए या तो इंस्टाग्राम पे जाके सीधा इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी लिखिए और मुझे फॉलो करिए। तो चलिए एक रूम क्रिएट किया जाए वापस से, क्रिएट रूम सोलो, और डाल देता हूँ मैं आईडी पासवर्ड, और यहाँ पे ओके तो रूम क्रिएट हो चुका है वापस से। ओके हाँ, रूम क्रिएट हो चुका है, आईडी पासवर्ड अभी जस्ट आप लोगों को मिलेगा, एक कच मिनट। और अगर आप खेलना चाहते हैं आपको आईडी पासवर्ड सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ। अरे 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 शिट, वो तो चिपकाए नहीं मेरे, स्टिकर तो चिपकाए नहीं। चलो मैं अभी यही रहूँगा फिर, कोई नहीं 100 एक बार ज्वाइन हो जाए, कोई नहीं, इनवाइट कर लेते हैं लोगों को, और जो चैनल के मेंबर है उनको मिल जाएगा आईडी पासवर्ड।
डिस्कॉर्ड पे स्पॉन्सर ओनली में, तो आ जाइए। आईडी दो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो चैनल के मेंबर को आईडी पासवर्ड दिया जा रहा है पहले। ओके, आईडी पासवर्ड दे चुका हूं मैं चैनल के मेंबर को जो कि डिस्कॉर्ड पे हैं, जिनके पास रोल है आ जाइए। और जो मेरे में एडेड है चैनल के मेंबर, उन्हें मैं मैन्युअली इनवाइट भेज चुका हूं। अगर कोई नहीं आया तो आ जाओ, मैं इनवाइट भेज देता हूं वापस से। चलिए, अब आईडी पासवर्ड दिया जाएगा इंस्टाग्राम पे। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आईडी है रमन चोपड़ा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ आईडी पासवर्ड, तब तक ले मेंबर ओनली मोड हो चुका है चालू। आईडी है। और पासवर्ड है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, स्टोरी पे आपको मिलेगा आईडी पासवर्ड। और आईडी पासवर्ड हो चुका है शेयर स्टोरी पे, आ जाइए। और पुराना वाला स्टोरी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि लोग पुराना वाला डालने ना लग जाए। ओके, स्टोरी पोस्ट हो चुकी है इंस्टाग्राम पे, आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए मुझे, ऐड कर लो प्लीज। ओके तेगवीर, भेजा इनवाइट, जल्दी आ जाओ तेगवीर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनवाइट मैं भेज चुका हूँ तेगवीर तुम्हें। सर्वर रिकनेक्ट, लॉल क्या बात कर रहे हो। सौ लोगों ने ज्वाइन कर लिया मुझे, मैं अभी फिलहाल स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं वहाँ पे स्टिकर नहीं चिपकाया है, इसलिए अब मैं वैसे दिखा सकता हूँ क्योंकि कोई इशू नहीं। अब ओके, अब देखते हैं कोई एमुलेटर वाला प्लेयर तो नहीं आ गया इसमें, चेक कर लेते हैं। अगर कोई एमुलेटर वाला प्लेयर आ गया है तो उसको हम करेंगे किक। क्या करेंगे? किक करेंगे। और नाम डाकू, ओके एक एमुलेटर आया है किक। ओके मोबाइल वाला आ गया, नाइस, बढ़िया बढ़िया, उमदा, शानदार, बेहतरीन। तो चलिए, एमुलेटर वाले प्लेयर सिर्फ एक ही आया था और उसको निकाल दिया गया है क्योंकि ये ओनली मोबाइल कस्टम रूम है। तो चलिए शुरू किया जाए, और चालू हो चुका है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेंबर ओनली मोड वापस से चालू। तो चलिए अब सब लोग वापस से मैसेज कर सकते हैं, आ जाइए। मेंबर ओनली मोड ऑफ हो चुका है। हेलो सचिन, क्या बात है। और जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, कृपया करके लाइक कर लीजिए। और अगर कोई भी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसके बाद एक और एक कस्टम रूम बनेगा और आईडी पासवर्ड मिलेगा ओनली ऑन इंस्टाग्राम। और मोबाइल ओनली है तो कोई इशू नहीं, आ जाइए। सबके लिए इक्वल गेम है, करिए कमेंट। नेक्स्ट रूम है, यस माय फ्रेंड, अगला रूम भी है।
कैसे पता चलता है कि कौन एमुलेटर प्लेयर है? वहाँ पे कंप्यूटर बना हुआ आ जाता है, जो नाम होता है ना, नाम के बाजू में राइट साइड पे कंप्यूटर बना आ जाता है, तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। चुन्नू मुन्नू है क्या मैच में? पता नहीं, पता चल जाएगा। अगर होएंगे भी तो भाई कुछ उखाड़ नहीं पाए वो, सब लोगों ने देखा ही था, क्योंकि जो टीम अप करता है सोलो में कुछ खास नहीं उखाड़ पाता। तो यहाँ पे हमारा प्लेन जा रहा है धीमे 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 धीमे। बाय द वे हम 11,000 के बहुत करीब हैं इंस्टाग्राम पे, 200 लोग फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे, 200 लोग, 11,000 कंप्लीट हो जाएंगे भाई, मजा ले लाइफ। तो यहाँ पे स्पार्क्स का प्लेन आ चुका है, और हम ये प्लेन कहाँ पे जा रहे हैं? तो प्लेन चला है हॉट ड्रॉप से हॉट ड्रॉप, मतलब मिलिट्री बेस से जॉर्ज पुल, और बहुत सारे लोग मिलिट्री बेस पे उतर चुके हैं पहले ही। कई लोग शायद गाड़ी उठा के नोवो चल जाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल अभी तो प्लेन जा रहा है, अभी समय लगेगा, धीमे धीमे जाएंगा 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 जाएंगा। भाई मैं एमुलेटर ज्वाइन कर सकता? नो नो नो, टाइटल पढ़ो, नो नो, इल्ला बेड़ा नक्को, इल्ला बेड़ा नक्को। तो अभी हम एक काम करते हैं, रुको, अभी एक रैंडम प्लेयर को स्पेक्टेट कर लेते हैं, और मैं एक फ़ोन पिक कर लेता हूँ। हम स्पेक्टेट कर रहे हैं सौरभ को, ठीक है, चलो फ़ोन ही चला गया, चलो कोई नहीं भैया, कोई नहीं भैया। एमुलेटर वालों के लिए कब होगा पाजी? मालूम नहीं यार, एमुलेटर वालों के लिए जब होगा ना तो मैं भी खेलूँगा, मैं साथ में, मैं स्पेक्टेट नहीं करूँगा, मैं खेलूँगा गेम। बाकी स्पेक्टेट का मन किया तो कर लूँगा, बाकी देखते हैं। स्पार्क्स का प्लेन मुकेश भाई से भी ऊपर, हाँ, क्योंकि स्पार्क्स ने शायद मिशन जो अभी आए होंगे सारे कंप्लीट करे होंगे, और मुकेश ने मिशन कंप्लीट नहीं करे होंगे, इसीलिए तो मिशन का सीन रहता और पॉइंट का। तो यहाँ पे सबसे पहला किल मुकेश को मिला है शॉटगन का, फिर मिला है शुभ को, और ये हम कहाँ पहुँच गए, और ये क्या बंदा मोबाइल नंबर डाल के खेल रहा है क्या गेम? मालूम नहीं। ओ हो हो हो, यहाँ हो रहा है युद्ध, यहाँ चलो 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 यहाँ पे। अरे अरे, ये वाले मैच में फाइट हो रही है, बढ़िया, चलो चलो चलो, बहुत बंदे दिखा, दिख 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 दिख। ओ हो, जॉर्ज पुल, इस बार बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, क्योंकि ये पूरा हॉट ड्रॉप हुआ है, क्योंकि प्लेन इसके ऊपर से गया है, बहुत सारी टीम आई है यहाँ पे पहले से, अभी तक 2 मैच क्रिएट करे पर इतने लोग कभी नहीं आए। यहाँ पे है जीशान, पीछे है एजेंट जो कि पिछली बार भी यहीं पे आए थे और मर गए थे आरव के हाथों, और यहाँ पे है कृष्णा, यहाँ पे है डेंजर, यहाँ पे है स्वराज, यहाँ पे है शुभ, और यहाँ पे है चमकिया, और यहाँ पे है यही लोग हैं। ओके ओके, ऊपर जाके देखते हैं क्या व्यू है, देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे कृष्णा मर गए, मैं जस्ट कृष्णा को करने लगा था स्पेक्टेट और मर गए। यहाँ पे डेंजर ने पूरा फ़ायदा उठाया हुआ है, डब्बे के ऊपर चढ़ के पूरा व्यू लिया जा रहा है, और देखते हैं। भाई यार जल्दी बताओ कब तक स्ट्रीम होगी? 5 बजे तक, 5, 5:30। इसके बाद एक और कस्टम रूम बनेगा, फिर देखते हैं, वैसे कुछ कह नहीं सकते, कोई समय नहीं है यार। मैं कंप्यूटर से प्ले करूं? नो ब्रो, नॉट अलाउड, नो, इल्ला बैडा नक्को। स्वराज को पड़ी मारा चंपक, चंपकिया यही बोलेंगे इसको, चंपकिया ने मारा स्वराज को, और स्वराज यहाँ पे मरम पट्टी लगा रहे हैं। सर आई हैव अनलिमिटेड एडवांस रूम, कैन आई मेक इट, कैन आई मेक नेक्स्ट? अरे क्या बात कर रहे हो, अनलिमिटेड, ओ माय गॉड, अनलिमिटेड। बहुत बहुत शुक्रिया रॉजिन गेमिंग 40 रुपीज सुपर चैट के लिए। आप मुझे डिस्कॉर्ड पे कॉन्टैक्ट करो, अगर आपके पास एडवांस कस्टम रूम अनलिमिटेड है, हम संडे कर सकते हैं, दोपहर में भी और रात में भी, मिली शॉटगन स्नाइपर जैसा वो वाला दिन आया था, क्या मज़ेदार था यार वो, तो हम कर सकते हैं। आई विल गिव आईडी पासवर्ड इन इंस्टाग्राम, नो नो ब्रो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको आईडी पासवर्ड मुझे शेयर करना पड़ेगा अगर आप करना चाहते हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया रॉजिन 40 रुपीज़ सुपर चैट के लिए। बाय द वे अपने पास भी एडवांस कस्टम रूम है, पर 1 क्रिएशन रूम है, वो एक बार क्रिएट होएगा,
पर हमारे पास काफ़ी सारे रूम पड़े, पर अगर अनलिमिटेड की बात ही अलग है, शुरू करो बैक करो, शुरू करो बैक करो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे रश हो गया, और यहाँ पे चंपकिया आ चुके हैं स्वराज के पास, और स्वराज शायद मरने वाले हैं, और चंपकिया बहुत खौफनाक लग रहे हैं, फ्री फायर के पूरे उम्मीद में लग रहे हैं वो मुझे। और यहाँ पे चंपकिया पीछे आगे आगे पीछे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और ये घूम के आ चुके हैं, और यहाँ चंपकिया ने खत्म करने की कोशिश करी पर प्रोन होके खुद ही गिर के मर पड़े। पारस 777 एमुलेटर प्लेयर, क्या बात कर रहे हो पारस पारस पारस। दु, 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 दु। क्या बात करूँ, मैंने वैसे सारे स्कैन करे थे लोगों को, एमुलेटर वाले सारे जा चुके थे, एक ही जन आया था। अब पारस एमुलेटर वाला प्लेयर है, तो पारस पारस अगर स्ट्रीम देख रहे हो और तुम एमुलेटर पे खेल रहे हो तो कृपया करके अपने आप पे ग्रेनेड डालो, अगर मेरा मान रखते हो तो, अगर स्ट्रीम देख रहे हो तो अपने आप पे ग्रेनेड मारो या तो मैच को लेफ्ट करो। एमुलेटर्स प्लेयर अलाउड नहीं है पारस पारस पारस। ओके पारस स्ट्रीम देख रहा है, बढ़िया। एक काम करो, अगर तुम कंप्यूटर पे हो ग्रेनेड उठाओ, मोलोटोव उठाओ, कुछ भी उठाओ, अपने आप पे डालो, मर जाओ, और एल्स गाड़ी उठाओ, गाड़ी चलाओ और मर जाओ, या तो एएफके चले जाओ, क्योंकि 99% लोग मोबाइल पे हैं, तुम अकेले एमुलेटर पे गलत बात है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। चलो पारस को समझा दिया है, अब पारस किसी को मारेगा नहीं और खुद मर जाएगा कुछ ना कुछ करके। हम चलते हैं कहीं और, हम चलते हैं जॉर्ज पुल पे। चलिए यहाँ पे है बीस्ट। यस मैंने स्ट्रीम पे पिक करके रख देखा है पारस। अच्छा ओके बात हो गई हमारी, बात हो गई हमारी, बात हो गई। अरे वाह क्या बात है, ये भी हेलो हेलो सबको हेलो हेलो बीस्ट। चलो अब कहीं और चलते हैं, अब वो भी हेलो करेगा हमें। पहला जोन मेरे को बहुत बोरिंग लगता है। RS7 क्या बात है, RS7 सिद्धांत लेके जा रहे हैं बग्गी, मुझे मार दिया। अरे गेम है, मारेंगे क्यों नहीं मारेंगे, मारेंगे गेम। हाय आई एम बैक, वेलकम बैक। भाजी एक YT है उसके पास अनलिमिटेड एडवांस है, उसे बोलो डिस्कॉर्ड पे DM करे। नहीं रॉजिन ऐसा तो मुझे नहीं चाहिए कि तुम क्रिएट करोगे और फिर मुझे ID पासवर्ड दोगे, फिर वापस से क्रिएट करोगे, फिर मुझे ID पासवर्ड दोगे, तो बेटर है तुम खुद ही बना के खेल लो, ऐसा ID पासवर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अगर अपने पास प्रॉपर ID पासवर्ड हो तो मैं खुद बना सकूं, कोई और बना बना के देगा तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो चले भैया कहीं और चले। अरे अभी तक ड्रॉप भी नहीं आया बे, काई को रे। यहाँ पे है सेवांश, कहाँ पे ये, ओह वाटर सिटी सेवांश। और अरे मुन्ना, अरे दुबे जी का नाम लिया, प्लेन लेके आ गए पर ड्रॉप नहीं किया अभी तक, ड्रॉप करो दुबे जी। पारस मोबाइल पे है, अच्छा पारस मोबाइल पे है, ओके। ओह यहाँ फाइट हो रहा है, अरे पारस ने अपने आप को मारा, किल फीड में अभी पारस का नाम आया, पारस ने अपने आप को ग्रेनेड से ख़त्म कर दिया। तो पारस एमुलेटर पर था और पारस ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो जो लोग कह रहे हैं एक एमुलेटर प्लेयर आ गया है, तो उसने मेरा मान रखा और उसने अपने आप को ग्रेनेड से मार दिया। पारस नहीं है एमुलेटर पर, पारस ने गलत ही मार गया, पारस ने अपने आप को ग्रेनेड से मारा, अभी किल फीड आया। अरे छोड़ा भैया, अगर वो मोबाइल पे था तो उसने अपने आपको ग्रेनेड क्यों मारा, वाई दिस कोलाबोरिटी। तो यहाँ पे ड्रॉप आ चुका, और ये ड्रॉप के अंदर क्या होएगा। अरे भैया मेरी गन है ये तो, ऑग A3 level 3 हेलमेट, level 3 वेस्ट, और यहाँ पे बंदा पहले ही आ चुका है, क्या बात है क्या बात है। यहाँ पे है क्रिश, मैं भी क्रिश हूँ, तुम भी क्रिश, हम सारे क्रिश हैं। पाजी नहीं था मैं, अरे यार यहाँ पे लोगों ने स्पैम कर लिया, पारस एमुलेटर पे, एमुलेटर पे, एमुलेटर पे। अरे फिर मरे क्यों,
अरे एक स्क्रीनशॉट भेज देते। अरे भैया अपने आप पे ग्रेनेड क्यों डाल दिए फिर? अजी एक महीने का एडवांस है, क्या बात कर रहे हो? हिलेला है क्या? अब क्या बोलूँ भाई, बना रहे तुमको ये कृष्णा, एक महीने का एडवांस कस्टम रूम नहीं आता। इल्ला बैड़ा नक्को। ओहो यहाँ पे ऐश प्लेस, और ये क्या कर रहे? अरे यार जिसको स्पेक्टेट करो भैया, सारे सारे स्ट्रीम देख रहे हैं इसको। पढ़ी शायद पढ़ी 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 यहाँ पे ऐश कौर जो कि मार रही है कार 98 से क्रिश को, और क्रिश आ गया है गाड़ी लेके ऐश के पास, और ऐश चल पड़ी है बाइक लेके। धूम धूम धूम। बस लोगों ने स्पैम कर दिया इस कारण। चलो ठीक है, शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। एटलीस्ट तुम एमुलेटर पे नहीं थे, तुमने फिर भी अपने आप को मेरे कहने पे मतलब गेम को लीव किया। और यहाँ पे दो दो गाड़ी आ चुकी है, और ये कौन है आगे पीछे? छोगले 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 प्रो क्रिश नहीं, ओनली क्रिश। और भाई बंदे ने एकेएम चलाया पर मार नहीं पाया, और क्रिश ने सलमान खान बनते हुए छोगले को उड़ा दिया। अरे एक और ड्रॉप आ गया, क्या बात है भाई, ड्रॉप ही ड्रॉप आ रहे हैं। फ्लेयर गन नहीं है क्या इसमें? लोग चला ही नहीं रहे, या फ्लेयर गन मिल नहीं रही किसी को। वाह इसमें भी है ऑग, लेवल 3 वेस्ट, हेलमेट, बैकपैक, सिरिंज, गिली सूट। भाई इसमें कुछ ज़्यादा लूट नहीं दे दिया? अरे भैया, अरे वाह बंदा पहले से पहुंच जाओ। अरे वाह सिद्धांत लूटो, जाओ सिद्धांत लूट लो, ड्रॉप कोई नहीं है तुम्हारे पास, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। पारस भाई पीसी पे हैं, मैंने भी देखा। ओके वो स्ट्रीम पीछे करके बंदे देख सकते हैं, और फोटो मीम्स में फोटो भेज सकते हैं, उससे पता चल जाएगा अगर कंप्यूटर का स्क्रीन बना हुआ है तो मतलब एमुलेटर पे थे। और यहाँ पे अमनप्रीत आ चुका, और अमनप्रीत को नामो निशान नहीं है कि इसके पीछे बंदा है। अमनप्रीत बहुत गलत पोजीशन में, और यहाँ पे सिद्धांत का पूरा फोकस अमनप्रीत पे। और यहाँ पे गाड़ी लेके आ चुके हैं, और बंदा निकल गया क्रिश, और ड्रॉप को छोड़ गए, और अभी भी पीछे। देखते हैं क्या अमनप्रीत को गोली पड़ेगी। सिद्धांत का पूरा व्यू, सिद्धांत आगे आगे जा रहे हैं अमनप्रीत के पास, और ये पहुंच चुके, और यहाँ पे फायर किया गया है अमनप्रीत की तरफ से। और यहाँ पे क्रिश आ चुके हैं, और क्रिश मारे अमनप्रीत को, और अमनप्रीत सैंडविच बन चुके हैं, हलवा बन गए, हलवा पूरी। यहाँ पे क्रिश मार रहे हैं, वहाँ पे मारेंगे अभी इसको सिद्धांत। और अमनप्रीत गाड़ी लेके रफू चक्कर हो गए हैं, और जगह बदल रहे हैं। सामने क्रिश, आगे सिद्धांत, और यहाँ पे मेरी लाइट गई। ओह माय गॉड, मेरा लाइट चला गया रे। क्या है यार, लाइट ही जाता रहता है यहाँ पे। तो अमनप्रीत बहुत डरा हुआ लग रहा है मुझे, वो सोच रहा है भाई यार बंदा कहाँ पे है, कुटे किधर किधर। और यहाँ पे अमनप्रीत ने पूरा फायर किया, पर ये कर मरेगा। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, बहुत गलत मारा। अमनप्रीत ऑलमोस्ट डेड हो गया था, इसकी सिर्फ किस्मत थी, ये किस्मत के चक्कर में बचा है, क्योंकि इसने रश बहुत गलत किया था। बंदा सामने था और प्री फायर करना चाहता था, इसने प्री फायर नहीं किया, आगे चला गया, जाने के बाद में इसने बाद में गलत मारा, बहुत गलत मारा, पर बच गया। हेलो बाजी, हेलो निक भाई, क्या हाल चाल है? तो चलिए बच्चे की जान थी अच्छी, मतलब किस्मत थी, बच गया। और यहाँ पे सिद्धांत अभी भी है जो कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे अमनप्रीत ने स्पॉट कर लिया सिद्धांत को, और यहाँ पे शायद स्पेक्टेट ग्लिच हुआ है, और यहाँ पे ये इन्होंने दिया है पट से हेडशॉट देने की कोशिश, पर नाकाम, और नहीं मार पाए अभी भी। और यहाँ पे आगे जा रहे हैं, और सिद्धांत अपनी जान बचाते हुए आगे आगे दिशाओं में जा चुके हैं। और यहाँ पे कोई और इंसान है जो कि यही घर में, पीछे वाले घर में विकास बैठा हुआ है, और अमनप्रीत यहाँ पे, अरे कितने लोग हैं? अच्छा डेड पूल है बहुत पीछे, और यहाँ पे विकास है जो कि कर रहा है कैंप। विकास को पता चल चुका है, आवाज़ आ चुकी है बंदे की, और पूरा बैरल लेके बैठे हैं भाई कि जैसे ही बंदा आएगा ख़त्म हो जाएगा पूरा कैंप। तो
जैसा मैं बोला वैसा ही हुआ, बैरल लेके बैठे हुए थे और जैसे ही बंदा आया वैसे ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पे सामने है डेडपूल, और डेडपूल को भी पता चल चुका है कि गोली चली है सामने वाले घर से और लेट गए हैं ये, और शायद आगे इनका फोकस है और ये देखते हैं कि विकास के पास जाके ये फाइट करेंगे या गाड़ी लेके कहीं और चल लेंगे। तो एक और ड्रॉप आ चुका है कहीं पे, जो कि अभी तक फिलहाल कहीं गिरा नहीं है। और यहाँ पे फाइट हो रही है, हम पहले इनको देखेंगे क्या सीन हो रहा है। यहाँ पे स्मोक डल चुका है और हम जाएंगे जहाँ फाइट हो रहा है। ड्रॉप में क्या है, ड्रॉप आ चुका है और ड्रॉप के अंदर है पहला जादू, पहले खाली था ये MK-14। अरे ये तो 30 है, 8x, हेलमेट, वेस्ट, बैकपैक, सिरिंज, गिली सूट, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला, खा लो फ्रेंड्स। चलो यहाँ जाएंगे हम। अभी कौन है, विजय। ओहो भैया पोचिंग की के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्या बात है। ऐसे मैच देखने में मजा आता है भाई, मारो मारो। मयंक सामने, मयंक पूरा एम है इसके पास, पर इसने फायर अभी तक नहीं किया क्योंकि एक दो फायर होता बंदा मरता नहीं। और मयंक को भी शायद पता चल चुका है कि भाई मेरी लगने वाली है, और मयंक चला गया पीछे। और यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने वाला था पर मयंक को पता चल गया, मयंक गया नीचे और गया जगह चेंज। और मयंक, अरे भैया मयंक तो डर के भैया दिल्ली निकल लिया वे, पोचिंग कैसे कहाँ चला गया। अरे तो जगह ही चेंज कर लिया कि मयंक को देखते हैं मयंक कहाँ पे है। ओके ओके, मयंक यहाँ पे है, विजय ऊपर है, और विजय अभी भी यहाँ पे है। मयंक ने अपनी जगह चेंज कर ली और यहाँ पे इधर है मयंक, यहाँ पे है कपीश, यहाँ पे है निशांक और बहुत सारे लोग हैं इधर उधर। फाइट अभी मयंक और विजय का होएगा, जबकि विजय ग्रेनेड करके मार सकते हैं। विजय ने बहुत प्रॉपर ग्रेनेड फेंका है जो कि कुक किया था, पर स्मोक किया और मयंक की फट गई और मयंक नीचे गिर गए। और मयंक आ गए हैं कवर में, और मयंक अभी यहाँ पे लगा रहे हैं पेन किलर। और यहाँ पे विजय कर चुके हैं रश घर में, और घर में अभी भी रश ने किया। ओके मयंक यहीं पे हैं अभी भी। बाजी मैं भी स्पेक्टेट कर सकता हूँ क्या नेक्स्ट मैच में? स्पेक्टेट कर सकते हो, उसका तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे है नीचे मयंक, और मेरे यहाँ पे आ गया है तूफान, और ये आए विजय। इनका मैच ख़त्म नहीं होने वाला भाई, इनका मैच चलता रहेगा। ये लुक्का छुपी बहुत हुई सामने वाली बात है, लुक्का छुपी बहुत हुई सामने आ जा, बस यही होने वाला इनका सीन। पर आएगा कोई नहीं, सब इधर उधर होंगे। मयंक तो भैया एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह, एकदम स्टिल पोजीशन में, बिल्कुल ही आवाज़ आ गई। और चलो कोई ना कोई तो मरेगा, कोई ना कोई तो मरेगा। ऊपर नीचे वाला सीन हो रहा अभी इनका, या तो मयंक मारेगा या तो विजय मरेगा। अरे क्या बोला, मतलब विजय तो मर ही रहा है, अरे मयंक मारेगा या तो विजय मरेगा, अरे सॉरी या तो मयंक मरेगा या तो विजय मरेगा, ये तो मैं विजय को ही मार दिया है, क्षमा करिएगा। ओके ये बहुत गलत सीन हो रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे। अब विजय आ चुके हैं ये वाले घर में, और यहाँ पे मयंक आ, अरे भैया कट लिए, अरे घर ही चेंज हुए जा रहे भे, हर घर, अरे क्या हो रहा है बे, अरे मार दो रे। ओके मयंक वापस से वही वाले पुराने वाले घर में चले गए जहाँ पे वो पहले काम कर रहे थे, और विजय ऊपर आ चुके हैं और इन्होंने स्पॉट कर लिया है मयंक को, और वापस से स्पॉट कर लिया। और मयंक ने देख लिया विजय को कि भैया ये तो मुझ पर एम ले रहा है, ये तो मुझ पे एम ले रहा है। और मेरे ख्याल से विजय के पास कोई ग्रेनेड अभी नहीं बचा हुआ, और मैं अब इन लोगों को और नहीं देखना चाह रहा क्योंकि भाई ये लोग मर ही नहीं रहे, मज़े ले रहे, मैं कहीं और जाएगा। यहाँ पे दो लोग एक साथ क्या कर रहे हो, ओ गाड़ी मारो मारो मारो, पेल 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 पेल, अरे क्या आदमी है भाई, बंदा ही निकल, अरे यहाँ बंदा लेटा पड़ा है, अरे 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 भाई, अरे ये क्या था, स्पाई हंटर है, यहाँ मार्क लगाया तो कहीं और ले गया, कुछ अलग ही सीन हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है डेडपूल सिद्धांत स्पाई हंटर, बहुत सारे लोग हैं, करीब करीब 30 लोग हैं। जोन कौन सा है, काफ़ी छोटा है जोन अभी, ओके मतलब इतना भी छोटा नहीं है पर बहुत बड़ा है अभी फिलहाल। ये रहा विकास,
सब लोग घर में हैं, इधर उधर बहुत करीब करीब लोग हैं पर अभी फाइट नहीं हो रहा। ओ हो, यहाँ पे गाड़ी आ गई और यहाँ पे ऐश आ चुकी है और ऐश वर्सेस विकास और ऐश ने खत्म किया है एक ही एम से विकास को। क्या बात है, वेल प्लेड। तो क्या बात है, और यहाँ पे डेडपूल गाड़ी चलाते हुए बग्गी उड़ाते हुए जा रहे हैं। इनके पीछे एक बंदा था जो कि इनको पता भी नहीं चला और उसको छोड़ के आ चुके हैं यहाँ पे, और एकदम सेफ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई बंदा नहीं है। और एक चमचमाता ड्रॉप आ चुका है, तो ड्रॉप के अंदर आया है M249 विद लेवल 3 वेस्ट, लेवल 3 बैग एंड हेलमेट। और चीक पैड क्यों दिया बे, क्या लॉजिक है बे, क्या लॉजिक है ये बता, क्या लॉजिक है? आप मिठाई खाओ, मिठाई के साथ आपको मिर्ची दे दो, ये लो, कोई लॉजिक ही नहीं है बे। M249 के साथ चीक पैड कौन देता है बे। तो डेडपूल के सामने ड्रॉप है, डेडपूल शायद ड्रॉप लूटेगा या नहीं लूटेगा मालूम नहीं, पर दो लोग यहाँ करीब हैं ड्रॉप लूटने के लिए। यहाँ पे आ चुके हैं मिक्कू, और मिक्कू भैया तुम्हारी मौत आ चुकी है, तुम्हारे मौत तुम्हारे पीछे इंतजार करिए क्योंकि पीछे बंदा तुम पे एम लेगा अभी, जो कि है डेडपूल जो कि ड्रॉप के पास जा रहा है पर गलत समय पे लेट गए। और यहाँ पे इन्होंने शायद मिक्कू को स्पॉट किया है या नहीं, इनके पास कोई साइट ही नहीं है तो इन्होंने अभी तक मिक्कू को स्पॉट नहीं किया, पर इन्हें मालूम है कि बग्गी आई है तो ड्रॉप पे कोई ना कोई तो है, कहाँ गया मालूम नहीं। तो बड़े आराम से ये मिक्कू को ख़त्म कर सकते हैं पर जस्ट इन्होंने कुछ नहीं किया पर डैमेज किया मिक्कू को। और मिक्कू अपनी जान बचाते हुए बग्गी लेके निकल लिए, अब कहीं पे रोकेंगे और अपने आप को हील करेंगे। और यहाँ पे एक और गाड़ी आ चुकी है 11 नंबर की, और 11 नंबर जस्ट यहीं पे है और इनकी फाइट होने वाली है। और 11 नंबर है ऐश प्लेस जो कि है ऐश कॉर, और ये जा रही हैं शेक के अंदर। ओके, अब हम चलते हैं कहीं और। और बहुत सारे लोग जोन के बाहर से आ रहे हैं तो इनको स्पेक्टेट किया जाए। कन्हैया, तो यहाँ पे है कन्हैया, इनके आसपास फिलहाल कोई अभी लोग नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है तो हम देखेंगे अभी मयंक को, कपीश को। अरे हम वापस से यहीं पे पहुँच गए, अरे वो क्या हुआ विजय का, क्या हुआ? मयंक जिंदा है, मयंक जिंदा है, वेर इज विजय, विजय मर गया क्या? अरे भैया क्रेट गिरा हुआ है, मतलब विजय की हो चुकी है मौत, मयंक ने कर दिया है ख़त्म विजय को। और यहाँ पे किसी के चलने के बाद है और रश हो गया, कपीश आ चुके ऊपर, और यहाँ पे कपीश धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और हम मयंक के पोजीशन मतलब लोकेशन से देखेंगे, क्या कैमरा व्यू से कपीश ऊपर आ चुके हैं तो मयंक प्री फायर करेंगे और इनके हाथ में है बैरल ओपी, और ये बैरल ओपी था, अरे एकेएम और ओपी है वे, एकेएम का डैमेज ज़्यादा है, बहुत बढ़िया प्री फायर किया पर लक ने साथ नहीं दिया, कपीश ने ख़त्म कर दिया है मयंक को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पार्च दुबे को और इनके सामने कन्हैया बाइक उड़ाते हुए जा रहे हैं चर्च पे, और चर्च पे इन्होंने बाइक रोक दी और जा रहे हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे एक बंदा मुझे दिख रहा है जो कि चर्च के पीछे, मतलब चर्च पे फिलहाल दो लोग आ चुके हैं और चर्च के पीछे एक बंदा है जो कि है स्पार्च। और ये कन्हैया को देखे, कन्हैया कहाँ पे, कन्हैया शायद स्पार्च को स्पॉट कर चुका है क्योंकि इसका फोकस स्पार्च की तरफ है। और ये जो गोल्डन नाइट बंदा है ये दोनों को एक साथ ख़त्म कर सकता है क्योंकि कन्हैया का पूरा ओपन में है, अगर पत्थर के पीछे की साइड पे है, अगर गोल्डन थोड़ा सा आगे जाए और उसको देख ले आराम से ख़त्म कर सकता है। और पर इन्होंने बिल्कुल कहीं फाइट लेने का नहीं सोचा और सीधा जोन में जा रहे हैं, तो जो कि अच्छी चीज़ है क्योंकि 15 सेकंड में जोन आने वाला है, बेवजह फाइट लेके क्या फ़ायदा, जब आप फाइट लो जोन आएगा, कोई मरेगा नहीं, आपकी हेल्थ जाएगी और जोन भी आपका पिछवाड़े को पप्पी ले जाएगा। यहाँ पे डेडपूल ड्रॉप लूटने जा रहे हैं और यहाँ पे कुचला, मेरे स्क्रीन पे बंदे ने कुचला उसको पर जान बच गई बंदे की, बंदे का लक है। डेडपूल शायद बहुत बारीकी से बच गए हैं गाड़ी से, शायद कुंचम थोड़ा थोड़ा स्पेस शायद मिल गया आएगा क्योंकि डेडपूल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी एकदम सामने से गई है पर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे डेडपूल ने ड्रॉप लूट लिया है और सामने गोल्डन नाइट है और इनको गोली लगनी चालू हो चुकी है सामने आगे से यश की तरफ से, यश और स्वराज। अब देखते हैं ये इनको गोली कौन मार रहा है, तो यहाँ पे स्वराज के पास है मिनी और यहाँ पे यश है, तो शायद मेरे ख्याल से स्वराज ने गोली नहीं मारी, यहाँ पे है यश जो कि इनके पास व्यू है, तो यश के पास ये DP28 जो कि मार रहे हैं डेडपूल को, और ये डेडपूल जस्ट मरने वाले हैं और
और मरते मरते बच गए, और मरते मरते बचकर वो पहुंच चुके हैं घर के अंदर। पर गोल्डन नाइट अभी भी फिलहाल हक्के बक्के हुए पड़े हैं, क्योंकि उनके आगे भी बंदा है पीछे भी बंदा है। वो सोच रहे भाई मैं किसको मारूं, ऊपर भी बंदा है आगे भी बंदा है पीछे भी बंदा है, जैसे कहते हैं ना हर जगह भगवान होते हैं, वैसे हर जगह बंदे ही बंदे। और यहाँ पे इन्होंने अपने आप पे स्मोक कर लिया है, और अब सोच विचार में भाई क्या करूं। और यहाँ पे डेडपूल, इनके पास एक फर्स्ट एड नहीं है, एक मेडकिट नहीं है, इनके पास सिर्फ 4 बैंडेज बची है। तो इनको हील करना चाहिए अभी का अभी, क्योंकि अगर ये फाइट लेंगे और इनको अगर 3-4 गोलियां लग गई तो मर जाएंगे। तो अंधाधुन फायर किया जा रहा है स्मोक में, पर एक गोली लगा है गोल्डन नाइट को, सिर्फ एक गोली। अभी और अंधाधुन फायर करे तो कर सकते हैं, क्योंकि गोल्डन नाइट चकमा दे के शेक के बाहर जा चुके हैं, और रीलोड पे लगा दिया गलत समय पे M249 को। और अभी तक इन्होंने बैंडेज 4 जो बैंडेज बची है वो नहीं लगाई, जो कि सबसे गलत चीज़ है। अगर आप कभी भी गेम में हो सबसे पहले हील करो, अगर आप मर जाओगे तो मेडकिट फर्स्ट एड एनर्जी बैंडेज का क्या करोगे, अगर आप मर जाओगे तो बेटर है हील करो, आपकी हेल्थ हो तो आपके बचने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर फाइट ले रहे हो तो बढ़िया। इन लोगों क्या करो, इन्होंने हील कर लिया, और गोल्डन नाइट अभी भी वापस से यहाँ पे शेक के अंदर आ चुके हैं, और हाथ में शायद ये ग्रेनेड ले चुके हैं। इन्हें पता है कि बंदा सामने वाले घर में है, क्योंकि यहीं से अंधाधुन गोली आई, और यहाँ पे कोशिश करें ग्रेनेड करने का। अब देखते हैं, हम व्यू लेते हैं कि ये ग्रेनेड इनका अंदर प्रॉपर फूटेगा नहीं फूटेगा। कुछ ज़्यादा इन्होंने कुक कर लिया, जो कि यहीं बाहर ही फूट गया। और यहाँ से अभी चली है शिवांग आ चुके हैं, यहाँ पे कार 98 लेके शिवांग आ चुके, और इनके पीछे बंदे हैं, इनको नहीं मालूम। शिवांग बहुत गंदे बहरहमी से मरने वाले हैं अगर डेडपूल ने इनको देख लिया, क्योंकि एक M249 का स्प्रे और शिवांग हो जाएंगे ख़त्म। और डेडपूल को अभी तक पता नहीं चला कि मेरे बाहर एक बंदा है ऊपर, और जोन छोटा हो चुका है, 11 लोग अभी भी अलाइव हैं। अगला जोन बन चुका है, अगला जोन आ चुका है, तो लोग काफ़ी लोग जोन के बाहर है, लाइक डेडपूल जोन के बाहर है, शिवांग जोन के बाहर है, कन्हैया जोन के बाहर है, गोल्डन नाइट जोन के अंदर है, स्वराज अभी भी एक ही पोजीशन में मिनी लेके बैठे हुए हैं, और इनके साथ में जस्ट अगल बाजू वाले घर में यश M4 लेके बैठे हुए हैं। और इन्हें मालूम है मेरे पीछे वाले घर पे बंदा है, तो इनका फोकस अभी फिलहाल स्वराज पे था, पर कोई किसी को गोली नहीं मारना चाह रहा। और यहाँ पे पटेल रुद्र जो कि जोन के अंदर है लेटे हुए हैं, और एक यहाँ पे अभी फिलहाल एक जोन के बाहर बंदा मरा है, और कपिश ने ख़त्म किया है ओगू को, ओगू, और गोल्डन नाइट ने ख़त्म कर दिया है शिवांग को। तो बचे हैं 5 लोग, जिसमें है यहाँ पे पटेल रुद्र, गोल्डन नाइट, यश, कपिश एंड स्वराज। तो बहुत करीब लोग हैं इसमें, मुझे लग रहा है बाजी जो मारेगा वो रुद्र मारेगा, क्योंकि सब लोग करीब हैं। रुद्र प्रोन होके जस्ट जोन को टच किया हुआ है, अभी टच नहीं किया, पर अगला जोन आएगा उसको टच कर लेगा कन्फर्म। तो स्वराज ये वाले घर में है, यश ये वाले घर में है, गोल्डन नाइट बहुत ओपन में है जिसको जोन में जाना है, और चांस है कि ये जैसे ही जोन में आएगा यश इसको मार सकता है। और गोल्डन नाइट ने सारे स्मोक ख़त्म कर दिए शायद, जो कि बहुत गलत किया, यहाँ पे शेक पे सारे स्मोक ख़त्म कर दिए थे, अभी शायद इक्का दुक्का स्मोक बाकी है। और यहाँ पे कपिश अंधाधुन फायर कर रहे हैं, तो कपिश को देखते हैं कपिश क्या करना चाह रहे हैं। कपिश फायर कर रहे हैं और अभी बच गए हैं, तो कपिश को देखते हैं। गोल्डन नाइट जस्ट ख़त्म हुआ यश ने, जैसा मैंने बोला यश ने ख़त्म कर दिया है गोल्डन नाइट को, और बचे हैं 4 लोग। यहाँ पे कपिश को अभी भी लग रहा है कि स्मोक के अंदर कोई बंदा है, पर उन्हें नहीं मालूम कि बंदा मर चुका है। और यहाँ पे यश, स्वराज, कपिश और रुद्र, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये जो बंदा है रुद्र ये बाजी मार लेगा। इसके किल कितने हैं, 5 किल हैं, और बड़े आराम से घास में लेटे हुए हैं। ये किसी से फाइट नहीं लेना चाह रहे, कुछ नहीं करना चाह रहे, ये मुझे लग रहा है जोन गेम खेलना चाह रहे हैं, और आपस में लोग भिड़ जाएंगे और मर जाएंगे और ये मज़े ले लेंगे। स्वराज को स्पॉट हो चुका है कपिश, जो कि बहुत एक बढ़िया सा गोला मिल गया इनको, और यहाँ पे कपिश को गोली लगते हो, और यहाँ पे कपिश हो गए जख्मी और हो गए शहीद। और यहाँ पे बचे हैं 3 लोग, तो बहुत बढ़िया मारा स्वराज ने, बचे हैं 2 लोग, यश, स्वराज एंड पटेल रुद्र। तो रुद्र अभी भी रुद्र उठ चुके हैं, क्योंकि जोन छोटा हो चुका है, तो रुद्र धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करें, और
जोन को इन्होंने टच कर लिया और वापस से ये लेट चुके हैं पतरे के पास में। अब ये बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है बिल्कुल फाइट लेंगे। तीन लोग अलाइव हैं, स्वराज, यश एंड पटेल रुद्र। और यश अभी भी वहीं पे अपने विंडो में देख रहे हैं भाई, और इनका पूरा फोकस स्वराज पे है। तो इन्हें मालूम है अगर कोई बंदा बाहर निकला तो मैं उसको पेल दूंगा। तो घर में से कोई भी बाहर जाएगा, अगर स्वराज निकला या यश, दोनों मर जाएंगे। मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार ही देगा। जबकि बात रही रुद्र की, उसको कोई अभी फ़िलहाल मार नहीं सकता, पर बहुत गंदा रश किया है क्योंकि बहुत बढ़िया कवर में थे ये, तो ये इनकी शायद गलती हो सकती है बहुत बड़ी। ये पतरे वाली जगह को छोड़ के यहाँ पे आ गए खुले मैदान में। अगर स्वराज नीचे विंडो में आया, पटेल रुद्र एकदम ओपन में लेटे हुए हैं, घास में लेटे हुए हैं। स्वराज को देखते हैं क्या इनको व्यू मिल पा रहा है। तो स्वराज का भी नामो निशान, अभी इनका व्यू टोटली गलत जगह देख रहे हैं। और यश को देखा जाए, यश अभी भी वहीं पे घर पे टिके पड़े हुए हैं। शायद यश के पास भी व्यू नहीं होएगा रुद्र का। हाँ, यश के पास भी व्यू नहीं है, बस स्वराज के पास व्यू बन सकता है, पर स्वराज का ध्यान ही अभी 220 पे है। अब यहाँ पे रुद्र अभी भी लेटे हुए हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहे। इनका फोकस है कि भाई कोई बंदा मेरे सामने आ जाए, सीधा मैं स्प्रे करके बंदे को ख़त्म कर लूँगा। तीन लोग अभी भी अलाइव हैं, जोन अगला चालू हो चुका है और सारे के सारे लोग जोन के अंदर है। मतलब इससे भी एक और छोटा जोन बनेगा और सब लोग फिर फाइट करेंगे। तो हम तीनों का व्यू ले पा रहे हैं। यहाँ पे है स्वराज, यहाँ पे है रुद्र, यहाँ पे है यश। कौन किसको मारेगा? तीनों जन कैंप कर रहे हैं, कोई किसी को मारना नहीं चाह रहा, कोई मूवमेंट नहीं दे रहा। यश एकदम स्टेबल स्टिल खड़े हैं, रुद्र एकदम स्टिल खड़े हैं, स्वराज एकदम स्टिल हैं। तो अगला जोन बन चुका है, छोटा हो चुका है। तो एक मिनट का समय है लोगों के पास। एक मिनट के बाद जो डेथ जोन वाला एंड आ जाएगा, तो देखते हैं स्वराज का मूवमेंट। स्वराज इधर उधर बंदे ढूंढ रहे हैं, तो हम देखते हैं इनके व्यू से कि क्या करना चाह रहे हैं। तो स्वराज वापस से ऊपर आ चुके हैं, व्यू ले रहे हैं कि भाई बंदा कहाँ पे है। तो इनका तो टोटली फोकस अलग जगह। यश ने बहुत बढ़िया चीज़ करी है, यश ने स्मोक किया इस साइड और यहाँ पे घूम लिए। तो रुद्र शायद इनको मार सकता है, रुद्र इनको मार सकता है क्योंकि रुद्र इनके सामने और यहाँ पे व्यू है। तो यश रुद्र में से अभी कोई मरने वाला है, और यहाँ पे यश फायर कर रहे हैं, शायद स्वराज को फायर कर रहे हैं। और रुद्र, मैंने जैसे बोला, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है शायद रुद्र जीत सकता है ये जस्ट। और यहाँ पे यश का पूरा व्यू है रुद्र के पास, पर लेट के गोली मारेंगे तो विंडो पे गोली नहीं जाएगी। तो अगर यश गलती से ये घर से बाहर आया, यश 100% ख़त्म होने वाला है। तो अगला जोन चालू हो चुका है, डेथ जोन चालू हुआ क्या नहीं हुआ? ओके, चालू हो चुका है, एंड वाला जोन है ये, इसके बाद कोई जोन नहीं है, सब लोग मरेंगे। तो यहाँ पे पटेल रुद्र रश कर रहे हैं जोन के अंदर और घर के अंदर, और यहाँ प्री फायर करने की कोशिश करी पर यश को ढूंढ नहीं पाए, और यहाँ पे यश ने स्पॉट कर लिया रुद्र को, और यहाँ पे यश ने ख़त्म किया है पटेल रुद्र को। और यहाँ पे अब देखेंगे यश को और स्वराज को, जोन आ चुका है, अगला जोन भी बन चुका है। ओके, अभी इसके बाद में एक और आखिरी जोन बाकी है। स्वराज यहाँ पे आ चुके हैं, और देखते हैं क्या स्वराज को वापस से अब मिलेगा चिकन डिनर, या हर बार की तरह इस बार भी आएंगे सेकंड। और यहाँ पे फ्री फायर किया गया है, और इस बार जीत गए हैं स्वराज। तो चिकन डिनर प्राप्त हुआ है स्वराज को, 4 किल हैं उनके, यश के हैं 7 किल, पटेल रुद्र 5 किल। तो हाईएस्ट किल की अगर हम बात करें यहाँ पे मैच में, तो यहाँ पे 6 किल दिख रहे हैं साइको और विकास, 4 किल। ओके, तो जो हाईएस्ट किल वो लिए हैं, जिसने लिए वो है यश। यश ने 7 किल लिए, पर जीत उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। तो जिन लोगों को लगता है ये गेम टोटली किल्स का है, तो किल्स मैटर नहीं करता, सर्वाइवल मैटर करता कि आप कैसे गेम में बच बच के मार के स्ट्रैटेजी बना बना के आप जीत सकते हो। तो यहाँ पे 4 किल के साथ स्वराज जीते हैं, इनको हुआ है मुर्गे का भोजन प्राप्त। और 1000 लोग देख रहे हैं, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया कृपया करके लाइक करिए, और अगर कोई भी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए। अब वापस से एक और कस्टम रूम बनने वाला है, एक और कस्टम रूम बनेगा, पर इस बार ये कस्टम रूम एरेंगल नहीं होगा,
ये होगा सैन हॉक। पाजी मैं एमुलेटर पर नहीं था, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके ब्रो, ओके ब्रो। तो जिसने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अभी का अभी। कस्टम रूम बनेगा सोलो टीपीपी एशिया सैन हॉक, और आपको मिलेगा आईडी और पासवर्ड इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मिलेगा आपको आईडी पासवर्ड। तो फॉलो कर लीजिए मुझे। तो मैं वापस एक रूम क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टिकर चिपका देता हूँ पहले। लगा दिया, मजा नहीं लाइफ। स्टिकर चिपका दिया है मैंने ताकि आपको आईडी पासवर्ड ना दिखे, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं एक रूम क्रिएट कर लेता हूँ। और जिनके पास सैनोक है वही लोग ज्वाइन करना, जिनके पास सैनोक नहीं है वो सैनोक डाउनलोड कर लो पहले, क्योंकि अगर आप इन गेम आ गए कस्टम रूम में आप की खोजोगे बाय डिफॉल्ट, इसीलिए। तो चलिए रूम क्रिएट करते हैं, एफपीपी नहीं टीपीपी लगाते हैं, टीपीपी लगाते हैं, मज़ा आए तभी आएगा। एफपीपी लोग लेट जाएंगे कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो सोलो लगाते हैं टीपीपी। सैनहॉक कुठे गेला? इकड़े रे इकड़े। ओके रूम क्रिएट हो चुका है सैनहॉक टीपीपी एशिया। तो मैं यहाँ पे पहले आ जाता हूँ स्पेक्टेट में, और स्पेक्टेटर को मैं कर देता हूँ लॉक, और इनवाइट फ्रेंड में जाएंगे, बाकी सारे लोगों को इनवाइट देंगे। और यहाँ पे मैं स्क्रीन अब शेयर कर सकता हूँ कि मैंने स्टिकर चिपकाया है थूक लगा के। चलो जी मुकेश, अमी, राज, कृष्णा आ जाओ, जो लोग हैं मोबाइल वाले लोग आ जाओ, क्लान में भी जो है आ जाओ, 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 आ जाओ। ओके, और आईडी पासवर्ड मैं दे देता हूँ अभी फिलहाल डिस्कॉर्ड के सर्वर पे जो चैनल के मेंबर हैं। तो आईडी है, आईडी है, और पासवर्ड है। ओके, जो चैनल के लॉयल मेंबर हैं उनको आईडी पासवर्ड मिल चुका है स्पॉन्सर्स ओनली में। तो आ जाइए, और अभी मैं जस्ट शेयर करूंगा आईडी पासवर्ड इंस्टाग्राम पे। तो जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा आईडी है रमन चोपड़ा 7, या तो इंस्टाग्राम पे जाइए, मेरा आईडी डालिए रमन चोपड़ा 7 और मुझे फॉलो करिए, या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक इंस्टाग्राम का, लिंक पे क्लिक करिए और फॉलो कर लीजिए मुझे, कर लीजिए फॉलो, कर लीजिए भैया, 11,000 होने वाले फॉलोअर, कर लीजिए फॉलो। और मैं आईडी पासवर्ड इंस्टाग्राम पे अभी पोस्ट करने वाला हूँ, तो फॉलो करिए। और चैट को मैं अभी करने लगा हूँ मेंबर ओनली मोड, और जैसे ही 100 लोग ज्वाइन हो जाएंगे मैं वापस से मेंबर ओनली मोड हटा दूंगा। जिसने लिखा है हाउ टू ज्वाइन, सपुत्र ज्वाइन करने के लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, और आपको स्टोरी में मिलेगा आईडी और पासवर्ड। तो पहले तो मैं पुरानी वाली आईडी पासवर्ड जो इंस्टाग्राम पे मैंने डाली हुई है वो डिलीट कर लेता हूँ, नहीं तो लोग वही ट्राई, मतलब बैक टू बैक ट्राई करते रहेंगे, भैया ज्वाइन नहीं हो रहा, भैया ज्वाइन नहीं हो रहा। एक मिनट, डिलीट किया जाए पहले, ओके पुराना डिलीट किया जाए, डिलीट, ओके डन। तो पुराना स्टोरी डिलीट हो चुका है, नया स्टोरी अब मैं बनाने लगा हूँ। इंस्टाग्राम का आईडी आपके स्क्रीन पे है, अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, फॉलो करो, 11,000 फॉलोअर कंप्लीट करो, मत जाने लाइफ। तो चलिए हम टाइप करेंगे आईडी एंड पासवर्ड, और ये है सैन हॉक, पहले बता रहा हूँ ये है सैन हॉक, पहले देख लो सैन हॉक है। बहुत सारे लोग मुझे मालूम है बोलने के बावजूद फिर भी ज्वाइन करेंगे, फिर बाद में किक हो जाएंगे खुद बाय डिफ़ॉल्ट, फिर कहेंगे भैया मैं तो निकल गया, मैं तो निकल गया, मेरे को क्यों निकाल दिया। तो ऐसे कॉमेंट नहीं आने चाहिए, पहले ही कह रहा हूँ, सैनोक है तो ही ज्वाइन करना, सैनोक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप निकल जाओगे, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। तो चलिए आईडी है, आईडी क्या है, ये रहा आईडी। आईडी और पासवर्ड हो चुका है शेयर इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, आ जाइए कर लीजिए ज्वाइन स्टोरी।
आईडी पासवर्ड शेयर हो चुका है, आ जाइए। और जो भी स्ट्रीम देख रहे हैं, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, कृपया करके लाइक करिए। और अगर कोई भी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर। ये सर्किट फॉलो कर लेगा रे अपन को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगा, 11,000 पे जाने का रे अपन को। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट 70 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 80 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बढ़िया। ऑलमोस्ट, अरे 90 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 93, 94, 95, 96, 97, 90, 100। ओके, 100 लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अब मैं पहले चेक कर लेता हूँ इसमें कोई एमुलेटर वाला तो नहीं, और तब तक ले मैं मेंबर ओनली मोड अब बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद में कोई कस्टम रूम नहीं बनने वाला, ये आज स्ट्रीम का आखिरी कस्टम रूम होगा। तो बस अब मेंबर ओनली मोड बंद हो गया है, एक एमुलेटर है, मैं अभी देखता हूँ। मैं अभी मेंबर ओनली मोड ऑफ कर लिया और इसको बंद कर देते हैं। और अब एमुलेटर वाले कौन है, अब थोड़ा बारीकी से देखूँ मैं, क्योंकि पिछले में लोग कह रहे हैं, पर जो भी था चलो देखते हैं। ये एमुलेटर वाला किक किया जाए इसको, इसके बदले में कौन आया, मोबाइल वाला है, ठीक है, ओके। एक और एमुलेटर वाला, इसको किक किया जाए, इसके बदले में मोबाइल वाला है, ठीक है। ओके, सारे मोबाइल वाले हैं, कोई भी अब एमुलेटर वाला नहीं है। दो एमुलेटर वाले आए थे, उनको मैंने किक कर दिया है, तो सारे मोबाइल वाले हैं और अब कोई नहीं है, अब कोई भी नहीं है। और पारस ने ज्वाइन किया है, चेक कर लीजिए, पारस मोबाइल पे है, यहाँ पे कोई एमुलेटर का साइन नहीं है, थर्ड लाइन पे। अरे लोग जा रहे हैं, अच्छा हर्षित, ओके, लोग जा रहे हैं ना, कई लोग लेफ्ट हो रहे हैं, उनके चक्कर में वो हो रहेगा, थर्ड लाइन पे चौथा, एक तो निकाल दिया मैं चौथा, अरे प्रत्येक, ये लोग लेफ्ट होके कोई ना कोई और ज्वाइन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। अरे फिर से देखना पड़ेगा, ओके, पहली लाइन नो एमुलेटर, सेकंड क्लियर, थर्ड क्लियर, फोर्थ क्लियर, क्लियर, ठीक है, ठीक है। कृपया करके एमुलेटर वाले लोग ज्वाइन ना करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो शुरू किया जाए। सारे मोबाइल वाले हैं शुरू, और 6 लोग हैं जिनको बोलने के बावजूद वो लोग आ गए सैनॉक में, और वापस से 100 हो गए। मुझे फिर से पूरा एक बार चेक करना पड़ेगा, पूरा लाइन से देखना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम कोई ना कोई कहीं से भी निकल गया, तो मुझे वापस से चेक करना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर कोई फिर से किक हुआ, मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा, ताकि इक्वल रहे। ओके, आर यू श्योर? ओके, बढ़िया। एक है हाइपर बॉय, ये निकला, ओके, इसकी जगह मोबाइल वाला आ गया, ठीक है, क्रिश। तो फाइनली सैनहॉक चालू हो चुका है, TPP एशिया सैनहॉक, और ये जो स्टिकर है इसको निकाल देते हैं। अरे निकल नहीं रहा, अरे भैया चिपक गया, अरे अरे निकल गया जी। साला थूक, मैं बलगम लग गया था इसीलिए चिपक गया था, कुछ कड़क निकाल दिया मैं। सैनहॉक देखने में मजा आएगा, छोटा सा मैप, इतने सारे लोग एक साथ, मजा ली लाइफ। चलो जी ऊपर चल के देखते हैं कौन कौन आए हैं। नाम तो मैं लोगों को, इतने सारे लोगों को पढ़ नहीं सकता, पर जो भी आए हैं सबका स्वागत है। सबको चिकन डिनर मिलेगा, भंडारे में आने का। आईडी एंड पासवर्ड, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओहो क्या बात है,
क्या बात है आशी बली, क्या बात है। चलो जी मैच हो चुका है शुरू, और यहाँ पे दुबे जी गेयर लगाते हुए प्लेन का अभी चलाएंगे, प्लेन चलाएंगे। अरे ये वैसे प्लेन है, पर दुबे जी बहुत जोश में है। वो कहते हैं भाई हर बार मैं प्लेन चलाता हूँ पर मैं आज गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो प्लेन जैसे हम लोग क्या करते हैं घर पे बैठ के भूं भूं करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ करते हैं, दुबे जी प्लेन में बैठ के भूं भूं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फरारी, फरारी की सवारी। तो चलिए यहाँ पे लोग कूद चुके हैं और भैया बूट कैंप में मचेगा, मचेगा तहलका। चलो बूट कैंप, चलो 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 बूट कैंप भाई। खिचड़ी बन गई है भैया यहाँ पे, और यहाँ पे लोग एक्चुअल में बूट कैंप जा रहे हैं। यहाँ पे अमनप्रीत है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, तो मैं यही वाला व्यू लूँगा टॉप वाला। और एक ही बिल्डिंग पे सारे लोग आ गए, यहाँ पे विकास है, शुभ है, एक ही जगह पे। और ये कौन लैंड हो गया, ये शाबाश है, तीन तीन एक साथ बंदे, पर गन किसी के हाथ में नहीं, विकास को मिल चुकी है गन, और विकास मार रहे हैं और गिर गए यहाँ नीचे। और इनके पास है यूजी, और यहाँ पे शुभ ने ख़त्म कर दिया है विकास को, और इनके पास थी टॉमी, और बहुत बढ़िया बेरहमी से मारा विकास को। और जाके देखते हैं और यहाँ पे कहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे ऑक्टेन लेजेंड, क्या बात है, एपेक्स के लेजेंड है यहाँ पे। यहाँ पे है सचिन, आई लव सचिन, सचिन को नहीं मालूम पर उनके घर पे रश हो रहा है, अकेला बंदा लूट करने के लिए आ रहा है, तो शायद बंदा उनको ख़त्म कर सकता है। और बंदा आ चुका है उनके घर के पास, ओके नहीं आया, अरे मैं कहीं और पीछे चला गया। ओके यहाँ पे ऑफिशियल जय, और हम चल के देखते हैं, थोड़ा टॉप व्यू लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे फिलहाल, बहुत सारे लोग आए हैं, और यहाँ पे ऑफिशियल जय आगे जा रहे हैं। यहाँ पे ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव कैंप कर रहे हैं, और इधर जाके देखते हैं क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है। अभी फिलहाल सब व्यस्त हैं, और यहाँ पे शुभम और शुभ, शुभ शुभ को मारेगा, शुभ शुभ को मारेगा, और शुभ ने मारा शुभम को, क्या बात है। कहते हैं ना लोहा को लोहा काटता है, शुभ ने शुभ को काटा। और यहाँ पे शुभ, वहाँ पे शोएब खुले मैदान में भाग रहे हैं, मर जाएंगा रे, मर जाएंगा रे। ओ यहाँ पे है बंदा और इसके नीचे भी है बंदा, और ये मरने की संभावना पूरी। यहाँ पे है स्मोकी, जिन्हें मालूम है नीचे चलने की आवाज़ आ रही है, और ये मार देंगे जो भी है इनके सामने आएगा, मार देगा, मुझे मालूम है ये मारेंगे, इनका मूवमेंट मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे मालूम था भाई बंदा खौफनाक है, इनका मूवमेंट देख के पता चल जाता है भाई बंदा पील लेगा। और स्मोकी ने बहुत बढ़िया मारा, और यहाँ पे वन शॉट, जतिन जा रहे हैं ऊपर ध्रुव के पास में, और यहाँ पे रश कर रहे हैं, और यहाँ पे ध्रुव ऊपर जा रहे हैं, ध्रुव ऊपर चल लिया, और जतिन का चल लिया, और जतिन ऊपर आ गया, और यहाँ पे हल्के से लैग हुए और कुछ कर नहीं पाए, और यहाँ पे ध्रुव को गोली पड़ रही, और सामने बंदा स्मोकी, जो कि स्मोकी स्पॉट कर चुके ध्रुव को, और यहाँ पे ध्रुव कूद गए, और यहाँ पे ऑफिशियल जय को पता भी नहीं चला, और ध्रुव उनको पीछे से पेल के चले गए, और स्मोकी को पता है कि सामने बंदा, और स्मोकी स्पॉट कर चुके ध्रुव को, और अभी शायद वो आगे रश करेंगे, आगे देखते हैं। ध्रुव वापस से अपनी पोजीशन लेते हुए वही वाले घर में जा रहे हैं, और स्मोकी अपनी जगह बदलते हुए आगे आगे जा रहे हैं, और देखते कहाँ जा रहे हैं, और हम बाकी आगे लोगों को देख के आएंगे कि वो लोग कहाँ पे और क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सचिन लूट कर रहे हैं फिलहाल, और बाकी के लोग कहाँ गए, सारे शायद मर चुके हैं, बहुत सारे लोग उतरे थे यहाँ पे वैसे, पर काफ़ी सारे का काम तमाम हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया निंजा वॉरियर 20 rupees सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें कोई और दूसरी जगह जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग अभी फ़िलहाल काफ़ी कम हैं, और अलग अलग दिशाओं में हैं, और काफ़ी दूर दूर हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग आए हैं सस्ती वाली जगह पे, तो ये जगह को हम देखेंगे। यहाँ पे है चित्रेश, अरे वहाँ दिखा रहे तो बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे है कम। ओके यहाँ एक्चुअल में आए हैं लोग, आए हैं, अरे दो ही लोग, अरे वो अगल बगल, मैं तेरे अगल बगल अगल अगल बगल, क्या नाम है इसका, कोला बॉय, ये कोला, कोला बॉय है चित्रेश के पीछे, एकेएम लेके बैठे हुए हैं। और चित्रेश क्या कर रहे हैं, चित्रेश मैन्यूक्विन को पप्पी दे रहे हैं। अरे भैया गलत गलत गलत,
चलो कहीं और चलो। किलर ये क्या कर रहा है? ये भी कुछ नहीं कर रहा। अरे यार, अरे करो भैया, बंदे मारो, बंदे मारो, बंदे मारो भैया। अरे मारा है 27 वाला, मारो 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 मारो, ख़त्म करो ख़त्म करो, कर लिए ख़त्म। अरे कर लिए, मैं तो देख ही नहीं पाया, किसी का पता नहीं चला। मनवीर ने बंदा मार दिया। ओहो ड्रॉप आया है बूट कैंप पे, क्या बात है भाई, बूट कैंप पे ड्रॉप आ गया है। आला जादू क्या है इसके अंदर क्या? अरे नीचे जा रहे हैं, मेरा स्पेक्टेट थोड़ा सा ग्लिच हो गया है, मैं मूव नहीं कर पा रहा, इसीलिए नीचे नीचे धीरे 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 नीचे जा रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूँ ड्रॉप में क्या है। अरे 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 अरे, खुल जा खुल जा। ओके इसके अंदर है ग्रोजा एटेक्स वेस्ट हेलमेट बैकपैक, कौन लूटेगा इसको? कोई है क्या लूटने वाला? बंदे क्यों नहीं स्पॉट हो रहे मुझे? यहाँ बंदे हैं। अरे बंदे नहीं दिख रहे, नंबर दबाओगे इनका? ओके अब दिख रहे हैं। अरे भैया दस रुपया दस रुपया दस रुपया, बूट कैम बूट कैम बूट कैम। अरे भैया ऑटो ऑटो भैया ऑटो, अरे भैया ऑटो रोको, भैया ऑटो रोको, बीड़ी बीड़ी बाद में पीने का, ऑटो रोको रे। अरे गुटखा खाना बंद करो बे, ऑटो रोको। हाँ अरे ऑटो ही ठोक दिया। अरे भैया ये क्या किया, ये क्या किया? ये बंदा पक्का इमोट करने जा रहा था, ये गुलजोत ये पक्का इमोट करने जा रहा था, क्योंकि इसकी गन दोनों पीछे चली गई और ये बैठा आप कुछ ऐसे किया, बंदा सामने आ गया इसकी फट गई, इमोट हुआ नहीं पर बंदा मर गया। तो चलिए अब यहाँ पे बचे हैं शुभ और यहाँ पे बचे हैं स्मोकी। मतलब बूट कैंप पूरा ख़त्म हो चुका है भाई, मतलब 50 लोग मर चुके हैं, अमनप्रीत पता नहीं कितने कितने लोग आए थे, और इनका अभी फाइट होने वाला है शुभ वर्सेस स्मोकी, दोनों आपस में इधर उधर, ये दरवाजे के यहाँ पे, ये दरवाजे के यहाँ पे, एक ग्रेनेड फेंको। अरे वाह सुन ली, भगवान ने सुन ली हमारी। और यहाँ पे नेड आया और ये नीचे कूद के भग लिए वहाँ पे, और स्मोकी ने रश कर लिया और बंदा नीचे आ चुका है, और आमना सामना हुआ दोनों का, महायुद्ध महायुद्ध हुआ और स्मोकी ने कर दिया है ख़त्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे पूरा बूट कैंप पे राज करेंगे अकेले, हम चलेंगे 39 नंबर के पास में, और इन्होंने किसी का काम तमाम किया है, सौरव ने, देखते हैं किसका काम तमाम किया है, किसका किया नहीं देख सकते हम, ठीक है नहीं देख सकते, कोई नहीं नहीं देखेंगे हम, नहीं देखेंगे। ओहो क्या बात है, सानक मुझे इसीलिए पसंद है, जोन जल्दी जल्दी शुरू ख़त्म हो जाता है और अगला जोन बन चुका है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे लोग जोन में हैं, जो एकदम कोने में कोपचे पे उतरे हैं लाइक चित्रेश, वो हिलने का मूव ही नहीं कर रहे, मतलब शायद तब से लेके अभी तक एक ही घर में, और इनके पीछे कोका कोला भी होएगा भाई, कोका कोला तू, अरे ये तो हैरी है, कोका कोला कूटे गेला। अरे भैया कोला नीचे गिर गया, अरे मैं नहीं पिएगा मैं नहीं पिएगा, अपन गिरा हुआ चीज नहीं उठाता। अरे चलो भाई ये लोग कैंप करने वाले अगले में, पर यहाँ जोन बनेगा, भान वान की साइड बनेगा, देखते हैं। पैराडाइज पे लोग हैं कम से, ये रूट क्या है, ये रूट कुछ नया है क्या? ओके यहाँ पे है मयंक जो कि है पैराडाइज में, और इनके अगल बगल में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि नंबर 44 का, उमेश भाव। उमेश भाव कसा गई रे, चांगला कुठे गेला, कुठे इकडे आ रे, इकडे 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 आ रे। अगे आगे आगे जा रहे हैं, आगे सेवांश है, आगे सेवांश काफ़ी दूर है वैसे, और यहाँ पे मयंक को शायद ये स्पॉट कर चुके, शायद ये स्ट्रीम देख रहे हैं, क्योंकि मेरे स्पेक्टेट के बाद में इनका पूरा मूवमेंट टोटली चेंज हो गया, और एग्जैक्ट लोकेशन मयंक का ये देख रहे, तो ये शायद मेरे हिसाब से स्ट्रीम देख रहे हैं, तो चलिए कोई नहीं देख रहे तो अब क्या करें क्या करें, कस्टम रूम है भैया, स्ट्रीम देख के ही लोग कस्टम में आते, तक स्ट्रीम भी देख लेंगे और क्या दिक्कत कोड़ी। हम चलते हैं कहीं और ड्रॉप आया, ड्रॉप में देखते हैं ड्रॉप के अंदर क्या आया है, ड्रॉप के अगल बगल कोई है क्या? ड्रॉप के अंदर आया है क्या है, M249 सप्रेसर स्नाइपर वेस्ट हेलमेट एंड गिली सूट, और ये गिली सूट अगर किसी ने उठा लिया सानहॉक में तो भाई लाइव जिंगल आला, क्योंकि भाई सानहॉक में पूरी घास भरी पड़ी है, और जहाँ पे घास नहीं होगी आप गिली सूट पहन के लेट जाओ, आपको बंदा घास ही समझेगा। तो ड्रॉप के अगल बगल कोई इंसान नहीं है, तो शायद ये ड्रॉप कोई नहीं लूटने वाला। मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ है सरपंच, जो कि काफ़ी धीमे धीमे आगे जा रहा है,
इसका शायद मुझे लग रहा है सोच विचार है ड्रॉप लूटने का। अब देखते हैं ड्रॉप लूटेगा नहीं लूटेगा, और शायद एक और बंदा मुझे स्पॉट हुआ जो कि शायद ड्रॉप लाया है, और गौरव गाड़ी लेकर ड्रॉप लूटने जा रहे हैं। ओके गौरव ड्रॉप के बाद सरपंच ड्रॉप पे पहुंच चुके, इतनी जल्दी पहुंच गए, क्या बात है। अभी तो मैं बोला धीमे धीमे भाग रहे हैं, और गौरव गाड़ी लेके कहीं और निकल लिए, और जो ड्रॉप लूटने वाले वो है सरपंच, और इन्होंने लूट लिया है ड्रॉप। गिली सूट उठाओ, गन उठाओ या ना उठाओ, बढ़िया। और गौरव को देखते हैं गौरव क्या करना चाह रहे हैं, शायद गौरव ड्रॉप के पास आना चाह रहे हैं मेरे हिसाब से, नहीं। ओके इन्होंने गाड़ी बदल ली है, और अब देखते हैं ड्रॉप के पास ये नहीं जाना चाह रहे, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है ड्रॉप लूटने का। और जोन अगला बनने वाला है, ऑलमोस्ट सारे लोग जोन के अंदर है, नंबर 7 को छोड़ के, जो कि जोन इनका पिछवाड़े का पप्पी लेगा। और इनके पास क्या बढ़िया बढ़िया स्किन है भाई, कार 98 की, बैक की, AKM की। अरे मेरे को क्यों नहीं मिलता भाई ये सब, वाई दिस कोला वरी डीबे ए टेंशेंट, अपन को कहीं को नहीं देता रे ऐसा स्किन, मैं क्रिएट ओपन करे तो 30 दे देते वे गलत। अरे जोन के बाहर क्या कर रहे भैया, मर जाएंगे, अरे मर जाएंगे। अरे यहाँ पे है अस्मिता, अस्मिता हाँ अस्मिता, ये अस्मिता नहीं है, अस्मिता क्योंकि एच नहीं है यहाँ पे, तो अस्मिता। अब ये लड़की होंगी इनके मेरे हिसाब से, क्योंकि नाम अस्मिता। यहाँ पे 89 की फाइट हो रही है, 89 पे जाके देखते हैं। यहाँ पे निक और टारेंट, क्या बात है टारेंट है, तो दोनों लेट चुके हैं, टारेंट इधर है, वहाँ पे है निक। हम जाएंगे टॉप का व्यू लेंगे और देखेंगे दोनों को। अच्छा यहाँ पे एक जन को तो मार ही दिया है, टारेंट और इनका फाइट शायद अभी तक नहीं हुआ। ओके यहाँ पे है निक, यहाँ पे है टारेंट, टारेंट का फोकस इस साइड है और निक इनके पीछे है, तो निक बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हैं टारेंट को, जस्ट थोड़ा सा आगे जाना है और अंधाधुंध फायर करना है और काम तमाम हो जाएगा टारेंट का। और निक मेरी पूरी बात सुन रहे हैं, तो जो जो मैं कह रहा हूँ स्ट्रीम देख रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे हिसाब से, और टारेंट भी शायद स्ट्रीम देख रहे हैं, टारेंट ने सुन लिया। टारेंट एकदम हक्का बक्का होगा, अरे भैया मेरे पीछे बजना, अरे भैया मैं तो मर जाएंगे। अरे तो टारेंट भी एकदम हक्का बक्का हो गए मेरी आवाज़ सुन के, मेरी बात सुन के, और बंदा यहाँ पर और इन पर नेड आ, इनका काम तमाम किया, बहुत ही बेहतरीन नेड किया गया कुक करके। जैसे ही लैंड हुआ हक्का बक्का पहले ही हो गए थे टारेंट की, मैंने बोला इनका फोकस नहीं है, और जब नेड आया तो भैया अरे भैया तारे ज़मीन पर सोच के निकल लिए। और यहाँ पे उमेश भाव भाग रहे हैं, भाग तो नहीं रहे तो टहल रहे हैं, अरे भैया भागो रे भागो रे, ट्रेन छूट रहा है भागो। एक और ड्रॉप आ चुका है, इसका स्पेक्टेट करेंगे, और इसके अंदर आया है M249। मैंने अभी तक ड्रॉप में AWM देखा ही नहीं, अभी तक एक AWM आया ही नहीं है क्या, या तो मैंने जो जो ड्रॉप देखे उसमें AWM नहीं आया। ये स्ट्रीम स्नाइपर था, मैं समझ गया था, वो तो मेरी बातचीत से पता चल गया था। तो इसमें M249, गिली सूट, हेलमेट, वेस्ट, बैग, फलाना टिमकाना, दरले डिस्को। यहाँ पे है मनवीर, मनवीर यहाँ पे है, सुखवीर, अरे वाह क्या बात है, मनवीर सुखवीर, ए दो लोग लेटे, अरे बाइक है वो, मैं सोचा दो लोग, अरे स्कूटर, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके और सुते पे एक मोड़ आया, क्या बात है 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 क्या बात है, नाइस। ज़मीन पर टच हो गए, पैर ज़मीन पर टच हो गए, तो चलो आगे। वो कोई पास में यहाँ पे, अरे पास में नहीं, आवाज़ें आ रही है, पर है पास में। यहाँ पे है सेवांश, अरे कितना दूर है भाई सेवांश, दिखा रहा है ऐसा लग रहा है यहीं पे, अरे यहाँ नीचे कोपचे पे है, तो कोपचे पे, कोपचे पे कितने लोग बाकी रहे, 27। अगला जोन बनने वाला, कितनी जल्दी ख़त्म हो रहे सानोक, ये बढ़िया चीज़ है, सानोक बढ़िया चीज़ है, पर इसके अगले में मज़ा आएगा। यहाँ पे स्वराज को देखते हैं क्या सीन हो रहा है। अच्छा ये रूट वो है, ये कहाँ लैंड हुआ था, कहाँ कहाँ से यहाँ से आया, अच्छा ये रूट है, स्वराज यहाँ लैंड हुआ था, यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ घूम घूम के यहाँ पे आया, नहीं ऐसे ही कुछ है शायद, वही है वही है वही चो वही चो। अच्छा ये अब दिखेगा इसका रूट, हाँ स्वराज यहाँ पे लैंड हुआ था डॉक्स पे, यहाँ से यहाँ आया है। ओके ये बढ़िया चीज़ है भाई, बंदा कहाँ लैंड हुआ था। तो स्वराज के पास कार 98 है, पिछला विजेता आप हारे थे स्वराज एक्सप्रेस। और यहाँ पे हैं शाबी, जो कि काफ़ी करीब है और कैंप करके बैठे हुए हैं, विंडो पे एम लेके बैठे हुए हैं AKM का,
कि कोई बंदा आ जाए उसे पेल दूंगा, और मुझे चलने की अलग आवाज़ आई कोई पास में, लाइक कोई और भी है इनके, पर वो आवाज़ शैबी की थी और स्वराज से थोड़ा दूर है, पर अगर कोई घर में गया तो भैया काम तमाम हो जाएगा। स्वराज भाई का बर्थडे है, येस माई फ्रेंड, आई नो माई फ्रेंड। अब चल के देखते हैं, जोन अगला छोटा हो चुका है और अब सारे के सारे लोग जोन के बाहर हैं। गिनती के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात लोग सिर्फ जोन में है, बाकी सब लोग जोन के बाहर हैं, सब लोग जोन के बाहर हैं। तो यहाँ पे स्पेक्टेट करके देखते हैं, उदय उमेश बाबू ने मारा है निक को और आरपीजी ने मारा है सेवांश को। यहाँ पे उदय लेट गए हैं और इनके पीछे जस्ट है क्षितिज। क्षितिज शायद इसको स्पॉट कर सकते पर इनका ध्यान नहीं जा रहा, और बहुत लेट कर दिया क्षितिज ने, क्योंकि क्षितिज बड़े आराम से मार सकते थे उदय को, पर क्षितिज का फोकस ही कहीं और था। तो टावर पे होते हुए उनका फोकस 360 होना चाहिए था, पर इनका फोकस सिर्फ एक जगह था, जो कि बहुत गलत हुआ। अब यहाँ पे है मोहित जो कि रिक्शा चला रहे हैं और जोन में जा रहे हैं और कह रहे हैं 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, जोन में चलो जोन में चलो जोन में चलो, 10 रुपया 10 रुपया, और इनके ऑटो पे पड़ी, चलान लग जाएगा अब इनका क्योंकि लाइसेंस नहीं है इनके पास में, और इनको गोली पड़ी सामने उदय की तरफ, और ये हक्के पक्के हो गए कि भाई गोली कहाँ से आ रही है, और गोली इनको पड़ रही है उदय की तरफ से, जो कि अभी भी यहाँ पे सांप बने हुए थे और सांप बन के कंगारू बन गए हैं, क्योंकि देखा मैं बोला कंगारू बाद में जंप मारा, क्योंकि अभी मरने वाले हैं, पर अपनी जान बचाते हुए बच के ही आ गए हैं क्योंकि इनको बचना था, पर ये ख़त्म हो जाएंगे, और ये ख़त्म हो गए हैं। तो सांप से ये बन गए मेंढक और मेंढक बन के हो गए भगवान को प्यारे। चलो जी, अब यहाँ पे गिनती के लोग बाकी है 19 लोग, और यहाँ पे है अस्मिता जिन्होंने काम तमाम किया था उदय का, और देखते हैं कहीं और क्या सीन है। यहाँ पे है उमेश बाऊ जो कि बुश में लेटे हुए हैं, हील कर रहे हैं, और इसी के नीचे है सौरव, तो बहुत करीब है, बहुत करीब है, इन दोनों का फाइट होने वाला है, 100% फाइट होने वाला है। मुझे टॉप का व्यू लेना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कौन किसको मारेगा। उमेश वर्सेस सौरव का फाइट हुआ और सौरव ने काम तमाम किया उमेश भाऊ का, और जोन आ चुका है और यहाँ पे सौरव को जोन में आना चाहिए, और आरपीजी जोन के अंदर अभी स्मोक कर रहे हैं, और अभी अगर ये यहाँ पे टिके रहें तो सौरव का ये काम तमाम कर सकते हैं। और सौरव जोन में आते हुए धीरे धीरे जोन में आ रहे हैं पीछे से, और इन्होंने तो स्मोक डाल दिया, तो सौरव को कन्फर्म पता चल जाएगा कि बंदा मेरे पीछे है, मतलब आगे है। और यहाँ पे सुखवीर संधु M249 लेके लेटे हुए हैं, और यहाँ पे समोसा ने ख़त्म किया है एपी सिंह को, जब तक रहेगी, नहीं क्या था गाना, जब तक रहेगा समोसे में आलू तू रहेगी मेरी शालू। ओ माय गॉड, क्या क्या गाना बनाते थे बे बचपन पे। स्वराज यहाँ पे है और इनके आजू बाजू लोग हैं पर बहुत दूर हैं अभी फ़िलहाल, और यहाँ पे कितने लोग बाकी, 13 लोग अभी बाकी हैं। मनवीर का बिल्कुल मुझे कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। ओके, मनवीर जोन के बाहर है, 30 सेकंड में जोन है, 150 मीटर इनको जाना है, और ये अब चलने लगे, और इनके पीछे एक बंदा है, ये एकदम साथ में थे, पर चित्रेश, चित्रेश मार सकते हैं और मार नहीं रहे पर मनवीर को, और जोन आ चुका है इतनी देर में, ये रेंग के 150 मीटर कवर नहीं कर सकते। इनके सामने से मनवीर चला गया भाग के, और ये अभी भी लेट के रिंग रिंग के आगे जाए जा रहे हैं। तो जोन, हाँ मैं कहने लगा था जब पिछवाड़े पे पप्पी लेगा तो भैया उछल के भागेंगे, तो इन्होंने, इनके पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि मनवीर का फोकस चित्रेश पे है, चित्रेश, तो चित्रेश मार सकते थे मनवीर को पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मनवीर ने मारा चित्रेश को, और चित्रेश को मारा सुखवीर ने, और बचे हैं 10 लोग। तो ये वाले घर में आ चुके हैं स्वराज, यहाँ पे हैं सक्षम, यहाँ पे है दीप, यहाँ पे है अगस्त, ओके अगस्त है, ओके शाबी किंग अभी भी अलाइव हैं, और सुखवीर M249 चला रहे हैं, और मरते मरते बचे हैं सरपंच, यहाँ पे आ चुके हैं सरपंच,
को मालूम पड़ चुका है अगले वाले पेड़ पे पत्थर पे बंधा है शायद, और गलत टाइम पे इन्होंने रीलोड किया, इनको पड़ सकती है गोली, क्योंकि रीलोड करके भागोगे तो बंदा धीरे भागेगा और गोली भी नहीं मार पाओगे और ये मरेंगे। और M249 चला दी है सुखवीर संधू ने और ख़त्म किया है सरपंच को, दोनों गिली सूट, दोनों M249 वाले थे, पर मारा है यहाँ पे सुखवीर ने। अब बचे हैं गिनती के लोग, RDX, दीप, सक्षम, अगस्त, समोसा, सुखवीर, शैबी किंग, स्वराज, 7 अलाइव, और यहाँ पे है शैबी एंड सुखवीर, इन दोनों का फाइट होने वाला है। शायद सुखवीर ने स्पॉट किया किसी को, पर पता नहीं किसको स्पॉट किया, ये तो देख रहे हैं ज़मीन में, शायद इनको कीड़े स्पॉट हो गए हैं, तो सोच रहे भैया कीड़े मारूँ या बंदा मारूँ, तो ये थोड़ा लापता हो गए हैं भाई, समझ नहीं आ रहा, पर इनको बंदा पता चल चुका है। इन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया है और कुक नहीं किया, जो कि बहुत गलत चीज़ करी, और शैबी को पता नहीं चला कि भैया नेड आया क्या आया है, मतलब उनको पता चला पर कोई मूवमेंट उनका हलचल मुझे देखने नहीं मिला, क्योंकि नेड उन्होंने शायद यहाँ पे किया और शैबी है एकदम पीछे, तो शायद मेरे हिसाब से सुखवीर शायद स्ट्रीम देख रहे हैं। हम देखेंगे दीप को जहाँ की यहाँ पे फाइट हो रही है, और दीप आ चुके हैं किसी के घर में, और इसी के आगे वाले घर में और यहाँ पे फाइट हो चुका है, और यहाँ पे ख़त्म किया है सक्षम ने RDX दीप को, और जस्ट बाजू वाले घर में स्वराज है, और स्वराज आ चुके हैं, और स्वराज मोलोटॉव कर रहे हैं यहाँ पे, और आग लगा दी है, पर सक्षम को बिल्कुल आग नहीं लगी, और एकदम वो कवर में सक्षम लेफ्ट हो गए, और स्वराज ने जगह बदल ली, और सक्षम अभी भी यही वाले घर में है, आग से बच गए हैं, अगर थोड़ा से आगे होते तो आग से लिपट जाते, पर बहुत अच्छा कवर था इनके पास, आग यहाँ तक चली और वो पीछे कोपचे पे थे, कोपचे पे, और यहाँ पे स्वराज, शैबी, समोसा, अगस्त, सक्षम, और जोन में सिर्फ नंबर 1 है जो कि है स्वराज, बाकी सारे लोग जोन के बाहर हैं, और 24 सेकंड का समय है, तो हम टॉप का व्यू ले लेते हैं, क्योंकि सब लोगों ने अभी जोन में एंटर होना है, तो आप सारे लोग देख पा रहे हैं। सक्षम बाहर आ चुके हैं, भागते भागते स्वराज के घर के करीब आ चुके हैं, और उन्हें लग रहा है कि बंदा सामने ही है, तो मुझे लग रहा है स्वराज और उनकी फ़ाइट हो सकती है, क्योंकि अभी जोन के करीब यही है, सक्षम जोन को ऑलमोस्ट टच करने वाले, स्वराज एकदम करीब जा रहे हैं, और शायद फाइट होने वाली, सक्षम स्वराज के घर के पास आ गया, और सक्षम ने स्पॉट कर लिया है स्वराज को, और स्वराज ने भी स्पॉट कर लिया है सक्षम को, बस गोली कोई किसी को मार नहीं रहा, क्योंकि पूरा एंगल नहीं मिलने वाला, क्योंकि गोली अगर कोई भी मारेगा सब दोनों का एम लॉक हो जाएगा, सक्षम का तो ऑलमोस्ट एम लॉक होएगा, स्वराज का चांस है कि शायद गोली लगे, दरवाजा खोल दिया और सक्षम को मार दिया अगस्त ने उनके ऊपर से, और यहाँ पे स्वराज ने मार दिया अगस्त को, तो बचे हैं दो लोग, तो वापस से वही चीज़ होने वाला है, यहाँ पे है समोसा जो कि जोन में आ चुके हैं पेड़ पे लेटे हुए और बने हुए हैं बाहुबली, कौन है ये देखो कहाँ से आया, ला 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 ला। तो समोसा का लक थोड़ा सही नहीं रहा, क्योंकि जोन इन पे नहीं बना, जोन बना है स्वराज पे, शायद आज स्वराज का जन्मदिन है, तो टेंशन ने बोला, जोन ने बोला कि भाई जन्मदिन मुबारक हो, जोन तुम्हारा है, तो स्वराज को एक्चुअल में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, समोसा जोन के बाहर है, और आगे आने के लिए इनके पास कोई कवर नहीं है, अगर ये स्मोक करेंगे तो ही बच पाएंगे, और ये नीचे भाग के जा रहे हैं, चकमा देके स्वराज को नीचे आ चुके हैं, और ब्रोकन वॉल पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे लेट गए हैं, अब दोनों का युद्ध चालू हो चुका है, और यहाँ पे इन्होंने प्री फायर की, और प्री फायर किया जा रहा है, और यहाँ पे कौन जीतेगा, और यहाँ पे समोसा ने मार दिया है स्वराज को, तो स्वराज का जोन था पर चिकन डिनर उनको प्राप्त नहीं हो पाया, तो विजेता बने हैं समोसा, सेकंड पे है स्वराज, थर्ड पे है अगस्त, और हाईएस्ट किल लिस्ट में अगर लिए हैं किसी ने तो वो लिए हैं, हाईएस्ट किल फिलहाल अभी डाकू के 4 किल, ओके यहाँ पे स्मोकी 4 किल, 5 किल सौरव, अस्मिता ओके अस्मिता ने 5 किल लिए हैं, सौरव ने 5 किल लिए हैं,
टीजीआरपीजी ने लिए हैं 6 किल, तो हाईएस्ट किल जो है वो है 6 किल, पर जीत प्राप्त करी है समोसा ने, क्योंकि जब तक रहेगा समोसा में आलू पबजी करेगा लैग। राइम हर बार राइम जरूरी नहीं होता, कभी सेंस वाली बात मतलब असली बात भी होती है। लाइक जब तक रहेगा समोसे में आलू पबजी करता रहेगा लैग। अब मैं इसका राइम नहीं बना सकता, पर बात एकदम सच्ची है मेरी। अरे वाह, आरपी मिला गया मुझे, मुझे क्यों मिला, मैं तो गेम ही नहीं खेला बे। अरे भैया, अरे भैया। तो चलिए, मुझे तो बहुत मज़ा आया, शायद आपको भी मज़ा आया हो। अगर आपको मज़ा नहीं आया तो दिक्कत को नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया आज स्ट्रीम करके, स्पेक्टेट करके मज़े से मज़ा आया। एनर्जी नहीं थी पर एनर्जी खुद आ गई। और जिसने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा आईडी है रमन चोपड़ा 7। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, फॉलो करो यार, फॉलो कर लो, कर लो भैया, फॉलो कर लो। अब हम मिलेंगे रात में 8:30 बजे वापस से पबजी मोबाइल के स्ट्रीम में, और तब मैं नॉर्मल क्लासिक मैच खेलूंगा अपनी टीम के साथ में। तो मिलेंगे रात में 8:30 बजे। फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, फॉलो करो, फॉलो करो, 11,000 पे पहुंचने वाले, फॉलो कर लीजिए। और हमारे गेमिंग पार्टनर है गेमिंग मॉन्क। अरे भैया, अरे भैया, हमारे गेमिंग पार्टनर है गेमिंग मॉन्क, एसुस, आरओजी एंड इंटेल। तो मिलेंगे रात में 8:30। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय।